अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बाय डेल कार्नेगी। पब्लिक स्पीकिंग फॉर सक्सेस का हिंदी अनुवाद। पुस्तक की दक्षता उस व्यक्ति के समान होती है जो किसी विषय विशेष पर अपने दृष्टिकोण के द्वारा ऊर्जा के प्रथम स्रोत तक पहुंचता है। पुस्तक में सुझावों की अभिव्यक्ति बेहद प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन यदि विषय के प्रति लेखक का दृष्टिकोण गलत हो तो अच्छे से अच्छा सुझाव भी अप्रभावशाली प्रतीत हो सकता है। सार्वजनिक रूप से बोलने की कला से संबंधित प्रशिक्षण की विषय वस्तु का बाहरी स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं होता। मुख्य रूप से इसका संबंध किसी विशेष शैली को हूबहू सीखना भी नहीं है। इसका संबंध स्थापित मानकों का अनुपालन करना भी नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए सर्वजन के सामने बोलने की कला का मतलब उसकी अपनी शैली के मुताबिक सामान्य अभिव्यक्ति एवं सार्वजनिक प्रचालन है। इसलिए आवश्यकता है कि व्यक्ति को सर्वप्रथम इस कला से जुड़े योग्य एवं महत्वपूर्ण पहलुओं को बारीकी से समझना चाहिए। यदि सीखने वाले के व्यक्तित्व में कुछ विशेष गुण न छिपे हो तो ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिसके जरिए सार्वजनिक रूप से बोलने वाले व्यक्ति को एक मशीन से ज्यादा कुछ और बनाया जा सके, या कहिए कि एक अत्यधिक निपुण मशीन। लिहाजा हमारी प्रशिक्षण प्रणाली का मुख्य आधार स्व विकास है। प्रणाली का दूसरा सिद्धांत पहले सिद्धांत के बेहद करीब है। व्यक्ति के लिए अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक शक्तियों पर काबू रखना बेहद जरूरी है ताकि बाहरी व्यक्तित्व के माध्यम से आंतरिक व्यक्तित्व को अबाधित अभिव्यक्ति का बोध कराया जा सके। भाषा, स्वर शैली और संकेतों जैसे उपयोगी गुणों को तब तक सीखना व्यर्थ है जब तक इस प्रणाली के दो मुख्य सिद्धांत सामान्य अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार एवं स्व विकास को जीवन में न उतारा जाए। बोलने से पहले अनुमान लगाना इस प्रक्रिया का तीसरा सिद्धांत है। ध्यान देना चाहिए कि भाषा शैली से किसी विवाद को पनपने का मौका तो नहीं मिल रहा है। उत्तम भाषा शैली को पहचानने की योग्यता न रखने वाले व्यक्ति के लिए इस कला को सीखना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। व्याख्यान में यह अंतहीन चक्र के समान प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह अनुभव का विषय है। अनेक शिक्षकों ने प्रशिक्षण की शुरुआत के लिए कैसे को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन यह एक निरर्थक प्रयास है। यह एक प्राचीन धारणा है कि किसी कार्य को करके ही उसे सीखा जा सकता है। प्रशिक्षण के शुरुआती दौर में सार्वजनिक रूप से बोलने की कला सीखने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे जरूरी है बोलना। इस दौर में स्वर शैली और संकेतों जैसे अन्य विषयों का अध्ययन खास उपयोगी साबित नहीं होता। बोलने के बाद स्व अवलोकन और दर्शकों की आलोचनाओं के आधार पर बोलने की कला को तराशा जा सकता है। बड़ा सवाल है कि क्या खुद की कमी का आकलन किया जा सकता है। इसके लिए तीन तथ्यों की जानकारी जरूरी है। आम राय के मुताबिक प्रभावी वक्ता की क्या विशेषताएं होती है, इन विशेषताओं को अर्जित करने का माध्यम क्या है, और सीखने वाले की शैली में वह कौन सी कमी है जो इन विशेष गुणों को अर्जित करने के रास्ते में अड़चन का काम कर रही है। इसका अर्थ है कि अनुभव को उच्चतम शिक्षक नहीं माना जा सकता, लेकिन पहला और आखिरी अवश्य ही माना जा सकता है। यह भी आवश्यक है कि अनुभव का दोहरा इस्तेमाल किया जाए, यानी खुद के अनुभव को न्यायसंगत एवं संशोधित करने के लिए अन्य लोगों के अनुभव की कसौटी पर भी खरा उतरना आवश्यक होता है। खुद को आत्मज्ञान के लिए प्रशिक्षण करने वाला व्यक्ति उच्चतम आलोचक बनने की योग्यता रखता है। ऐसा ज्ञान जो अन्य मस्तिष्क सोचता हो और खुद के आकलन का ऐसा सामर्थ्य जो योग्य मानकों पर खरा उतरता हो। कैंट ने कहा है, यदि मैं चाहूं तो मैं कर भी सकता हूं। इस अंक की विषय सूची से इन लेखों की निरंतर घोषणा, व्याख्यान और मिसाल मिलती रहेंगी। छात्रों को उनकी जानकारी के आधार पर बोलने के लिए निरंतर प्रेरित किया जाएगा। तत्पश्चात आत्मसंयम के सामान्य सुझावों के साथ आंतरिक व्यक्तित्व के द्वारा बाहरी व्यक्तित्व को प्रभावित करने की विधि पर जोर दिया जाएगा। अंत में छात्र को खुद अर्जित किए सिद्धांत, अवलोकन, दूसरों से अर्जित किए अनुभव और अपनी निजी भाषा शैली के आधार पर बोलने और केवल बोलने के लिए प्रेरित किया जाता रहेगा। जे वर्ग एसनवीन। लेसन वन, दर्शकों के समक्ष भरोसा हासिल करना। दर्शकों के समक्ष अक्सर एक असाधारण उत्तेजना का अनुभव होता है। दर्शकों की उत्सुकता से भरी आंखें इस उत्तेजना को जन्म देती है। दर्शकों की आंखों से आंखें मिलाने पर यह उत्तेजना और प्रखर हो जाती है। अधिकतर वक्ता इस अनजाने लेकिन वास्तविक माहौल में फैली महसूस की जाने वाली क्षणिक एवं बयान न की जा सकने वाली सिहरन से उत्तेजित होते रहे हैं। अधिकतर लेखक यह भी मानते हैं कि वक्ता की आंखें दर्शकों को आकर्षित करने का भी काम करती है।
यह एक ऐसा प्रभाव है जो मौजूदा चर्चा में शामिल चित्रण के विपरीत है। वक्ता पर दर्शकों की गढ़ी आंखों का प्रभाव केवल शुरुआती दौर में पड़ता है। जैसे ही वाक्पटुता का सौंदर्य प्रकाशित होता है, दर्शकों की आंखों में छुपा भय छटने लगता है। विलियम पिंटेजर, तात्कालिक भाषण। सार्वजनिक तौर पर बोलने का प्रशिक्षण ले रहे छात्र अक्सर पूछते हैं कि दर्शकों के समक्ष व्याकुलता और भय की भावना पर कैसे काबू पाया जाए। रेलगाड़ी में सफर करते समय क्या आपने कभी पास के मैदान में घास चर रहे उन घोड़ों की तरफ ध्यान दिया है, जो रेलगाड़ी की घबराहट के बावजूद एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखते, जबकि थोड़ी दूर पर स्थित स्टेशन के पास से जब रेलगाड़ी गुजरती है तो किसान की पत्नी डरे हुए घोड़े को संभालने में जुटी नजर आती है। गाड़ियों की आवाज से डरने वाले घोड़े का भय दूर करने का क्या उपाय है? क्या उसे ऐसे दूर दराज इलाके में चराया जाए जहां मोटर गाड़ियां ना आती हो, या उसको ऐसी जगहों पर अक्सर ले जाना चाहिए जहां आमतौर पर मशीनों की घड़घड़ाहट सुनने को मिलती हो? इस उदाहरण के जरिए अपने भीतर छुपे व्याकुलता और भय को दूर करो। दर्शकों का बार बार सामना करने से हिचकिचाहट दूर हो जाती है। किसी लेख को पढ़कर मंच के भय से मुक्त होना संभव नहीं है। पुस्तक के जरिए पानी में बर्ताव करने के उत्तम सुझाव तो मिल सकते हैं, लेकिन तैराकी सीखने के लिए पानी में छलांग लगानी ही पड़ती है। हालांकि आजकल कई ऐसे तैराकी की पोशाकें मौजूद हैं जिनको पहनकर समुद्र के किनारे भी गीला हुए बिना मौज मस्ती की जा सकती है, लेकिन इन पोशाकों को पहनकर तैरना नहीं सीखा जा सकता। हालांकि सीखने के लिए पानी में कूदना ही एकमात्र रास्ता होता है। भाषण से पहले अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास के जरिए ही दर्शकों के समक्ष पैदा होने वाले भय से मुक्त हुआ जा सकता है। जैसे तैराकी में विश्वास जमाने के लिए अभ्यास अति महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार बोलने के जरिए ही बोलने का पाठ सीखा जाता है। यदि शुरुआती दौर में मन से भय लगता हो तो इससे निराशा नहीं होना चाहिए। निपुण से निपुण वक्ता कुछ अनजाने कारणों की वजह से आज तक मंच के भय से नहीं उबर पाए हैं। विषय में पूर्णतया तल्लीन हो जाओ। घोड़े के खुरों में नाल ठोकते वक्त कई बार लोहार घोड़े के नथरों में कसी नकेल को कस देते हैं। इस तरह घोड़े का ध्यान नाल ठोकने की प्रक्रिया से हट जाता है। गिलास में मौजूद हवा निकालने के लिए उसमें पानी भरना पड़ता है। भाषण देते वक्त लोहार के घरेलू नुस्खे का पालन करना चाहिए। यदि आप भाषण से संबंधित विषय को गहराई से समझते हैं तो अतिरिक्त सोचने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। एकाग्रता भटकाव से मुक्ति पाने का एक सरल उपाय है। मंच पर पहुंचने के बाद अपने कोट में मौजूद छेद के बारे में सोचना व्यर्थ है। मंच पर केवल अपने भाषण पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। दिमाग में केवल भाषण से संबंधित सामग्री का विचार होना चाहिए। जिसे पानी भरकर गिलास से हवा को बाहर निकाला जा सकता है, उसी प्रकार विचारों के माध्यम से उत्तेजना और भय से भी छुटकारा पाया जा सकता है। व्याकुलता अनावश्यक व्याकुलता को जन्म देती है। यह केवल विशुद्ध अभिमान के समान होगा यदि सामने मौजूद एक दूसरे बड़े महत्व को समझते हुए भी आप अपने दिमाग को स्वयं के विचारों से भर ले। सच्चाई कठोरता पूर्वक इस महत्व का बोध कराती है और हिचकिचाहट व्याकुलता को निष्क्रियता में बदलने का काम करती है। यदि रंगमंच में आग लग जाए तो आप तेजी से मंच के ऊपर चढ़कर दर्शकों को बाहर निकालने का राह दिखा सकते हैं। दरअसल ऐसे मौकों पर कार्य का महत्व जहन में मौजूद भयभीत विचारों को बाहर निकाल फेंकता है। मंच पर बुरे प्रदर्शन के भय से ज्यादा हानिकारक होती है बेहद अच्छे प्रस्तुतिकरण की कल्पना। स्वयं को महान दिखाने की चेष्टा महानता की पहचान नहीं होती। व्यक्ति को अपना सही आचरण दर्शाने के लिए न तो ज्यादा निपुण दिखने का प्रयत्न करना चाहिए और न ही ज्यादा बड़ा जानकार दिखने की कोशिश करनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि अहंकार सबसे ज्यादा प्रदर्शित होने वाला व्यवहार होता है। बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। वक्ताओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह दर्शकों के समक्ष खाली दिमाग के साथ पहुंच जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रकृति खालीपन से घृणा करती है, लिहाजा खालीपन को आसपास मौजूद सामग्री से भर देती है। दिमाग में अक्सर ऐसे विचार आते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। ऐसे वक्ताओं के भविष्य सूचक विचार अक्सर सही सिद्ध होती है और जाने अनजाने गलतियां हो जाती है। अर्थात भाषण से पहले नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। विषय की संपूर्ण जानकारी होना पर्याप्त तैयारी नहीं मानी जा सकती। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए विषय विशेष पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बिना तैयारी या विषय के बारे में कम जानकारी के साथ दर्शकों के समक्ष पहुंचने पर वक्ता व्याकुल प्रतीत होता है। दर्शकों का समय खराब करने के लिए
शर्म का भी आभास होता है, इसलिए बेहतर है कि उचित तैयारी के साथ मंच पर पहुंचा जाए। भाषण से पहले विचार और विचार प्रस्तुत करने का अंदाज निश्चित कर लेना चाहिए। शुरुआती वाक्यों की तैयारी बेहद अच्छी होनी चाहिए। ऐसा करने से भाषण की शुरुआत में सही और सटीक शब्द खोजने में वक्त बर्बाद नहीं होता। इसके अलावा भाषण के विषय पर मजबूत पकड़ से भय हावी नहीं होता। बेहतर तैयारी के साथ कामयाबी की उम्मीद रखें। अपने व्यवहार में संकोच के साथ विश्वास भी जाहिर करें। अति विश्वास हानिकारक होता है, लेकिन नाकामी के पूर्वाभास को झेलना और ज्यादा हानिकारक होता है। निर्भीक व्यवहार दर्शकों का ध्यान खींचने में सहायक साबित होता है, जबकि एक खरगोश दिल डरपोक वक्ता मुसीबत को न्योता देता है। दर्शकों की उपस्थिति में नम्रता को व्यक्तिगत छूट के तौर पर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इस पुरानी सोच के मुकाबले आधुनिक सोच ने अपना स्थान बना लिया है। वक्ता के व्यवहार में नम्रता होना गलत नहीं है, लेकिन व्यवहार में दर्शाई गई नम्रता में दब्बूपन का एहसास नहीं होना चाहिए। चार्ल्स डिकेंस के सामने में आयोजित किए गए एक रात्रि भोज में वाशिंगटन इरविन ने डिक्शन का परिचय करवाया। भाषण के मध्य में इरविन हिचकिचाहट की वजह से शर्मिंदा हो गए और अटपटे ढंग से बैठ गए। अपने एक मित्र की तरफ घूरते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था मुझे नाकामी मिलेगी और मैं नाकाम रहा। यदि आप सोचते हैं कि आप नाकाम रहेंगे तो आपके लिए आशा की कोई जगह नहीं है, आप नाकाम ही होंगे। इस धारणा से छुटकारा पाइए कि मैं एक लाचार मिट्टी में सना कीड़ा हूं। आप ईश्वर के समान हैं, जिसमें कई विशेषताएं हैं। यदि आप पहले से तैयार हैं तो सब ठीक ही होगा। बास तेज रोशनी फेंकते सूर्य की आंखों में आंखें डालकर देखने की क्षमता रखता है। वक्ता में भी ऐसी कई विशेषताएं होती है, आवश्यकता होती है तो बस उसे पहचानने की। दर्शकों पर प्रभुत्व की कल्पना करें। विद्युत की तरह सार्वजनिक भाषण में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होते हैं। स्वयं आप या आपके दर्शक सकारात्मक ऊर्जा का जरिया बनते हैं। यदि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो इसे अपनाने की कल्पना भी कर सकते हैं। यदि आपका रुझान नकारात्मक ऊर्जा की ओर है तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। स्वयं को दिशा दिखलाने वाली सभी शक्तियों का आह्वान करें। सदा याद रखें कि आपके दर्शक आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सत्य अविनाशी होता है। यदि आपका हौसला मजबूत नहीं है तो जाहिर है कि हाथ से तलवार गिर जाएगी। निर्भीक बने, यह आपके इरादे पर आधारित है कि आप खुद को किस दिशा में ढालते हैं, अर्थात स्वयं को शांत एवं निश्चयी बनाए। दर्शकों के समक्ष भाषण से पहले क्षण भर रुके, दर्शकों को गौर से देखें। एहसास करें कि दर्शक आपकी जीत की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना कीमती समय एक नीरस वक्ता के लिए खर्च करने की इच्छा रखता हो। संकेतों से निष्कर्ष निकालना। भाषण शुरू करने में जल्दबाजी ना दिखाएं, जल्दबाजी से नियंत्रण कमजोर हो जाता है। क्षमा याचना न करें, यह जरूरी नहीं है, और अगर है भी तो इससे काम नहीं बनेगा। सरलतापूर्वक आगे बढ़ते रहे। एक लंबी सांस भरे, मन को शांत करें और आम बातचीत के लहजे में फिर से ऐसे शुरुआत करें जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से बात कर रहे हो। यह व्यवहार कल्पना के मुताबिक खराब महसूस नहीं होगा। वास्तव में यह व्यवहार एक सुखद डुबकी लगाने के समान है। डुबकी लगाने के बाद आप महसूस करेंगे कि पानी शीतल है। सच तो यह है कि इस व्यवहार को कई बार अपनाने के बाद ऐसे मौकों पर आप स्वयं उस आनंदित शीतल डुबकी की कल्पना करने के आदि हो जाएंगे। भय से छुटकारा पाइए। बेकाबू भय बुजदली का कारण बन जाता है। बहादुर लोग भय को पहचानते जरूर हैं, लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं करते। घुटनों में होने वाली थरथराहट पर काबू रखें और मजबूती से दर्शकों का सामना करें। दर्शकों के बीच किसी कोने में आपकी जीत छुपी होती है, उस जीत को हासिल करें। हिम्मत दिखाने वाले व्यक्ति को ही कामयाबी मिलती है। शब्दों की माला बुनकर हौसले का प्रदर्शन कीजिए। याद रखें, काबिलियत के बावजूद हिम्मत न रखने वाले काहिल व्यक्ति को न तो पुरस्कृत किया जाता है और न ही उनकी यादगार में स्मारक स्थापित किए जाते हैं। क्या यह एक संकीर्ण सोच है? इंसान को सहानुभूति की नहीं, मामूली से प्रोत्साहन की जरूरत होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अकेली या फिर संयुक्त रूप से मनोदशा, तंत्रिकाएं, रूप और प्रशंसनीय नम्रता वक्ता के भाषण में गुस्ताखी का भाव पैदा कर सकती है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जरूरत से ज्यादा सम्मान की भावना इस कमजोरी को और ज्यादा प्रखर बना देती है। निर्भीक मनोदशा में जीत हासिल करना सरल होता है। प्रोफेसर वाल्टर डिल स्कॉट ने कहा है, क्षमता के मुकाबले कारोबार में कामयाबी और नाकामी की ज्यादा बड़ी वजह मानसिक दृष्टिकोण होता है,
और इस दृष्टिकोण को हासिल करने का एकमात्र रास्ता है कि इसको हासिल किया जाए। इस बुनियादी अध्ययन में हमने जानने की कोशिश की है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए किन जरूरी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। इनमें से अधिकतर सिद्धांतों पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। माननीय ग्लैडस्टोन के मुताबिक चर्चा के योग्य सभी अध्याय किसी सार्वजनिक प्रेस से ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे और न्यायसंगत आत्मविश्वास से संबंधित चर्चा का जिक्र बार बार किया जाएगा। लेसन टू, एक जैसे ढंग की नीरसता। मार्टे ने कहा है, एक दिन उदासी का जन्म एक रूपता की वजह से हुआ। हिंदी भाषा में साल दर साल बदलाव होता रहा है और अब कई शब्दों का अर्थ वास्तविक अर्थ से कहीं ज्यादा हो गया है। एक रूपता शब्द के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। केवल एक जैसा भाव होने की जगह अब इस शब्द का इस्तेमाल भिन्नता की कमी के तौर पर भी किया जाने लगा है। एक ही ढंग से बोले जाने वाले वक्ताओं का स्वर एवं लहजा ही नहीं बल्कि शब्दों पर जोर देने का तरीका, गति और विचार भी समान रूप से नीरस होते हैं। भीड़ के समक्ष बोलने वाले वक्ताओं के लिए एकरूपता प्रमुख एवं आम दोष है। यह केवल अपराध नहीं है बल्कि एक मामूली सी चूक की वजह से होने वाला गुनाह है। भाषण शैली में एकरूपता का एहसास होना आपके लिए मामूली बात हो सकती है, अर्थात इसके कुप्रभाव को जानने के लिए इसकी प्रवृत्ति और जीवन के भिन्न पहलुओं पर एकरूपता से पैदा होने वाली विपदा का आकलन करते हैं। इस आकलन के बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि कैसे एक रूपता अच्छे भाषण को नीरस बनाने का काम करती है। आपके बगल वाले मकान में यदि केवल तीन गानों को बार बार जोर से बजाया जाए तो यकीनन आप मान लेंगे कि आपके पड़ोसी के पास केवल तीन गानों का ही संग्रह है। इसी प्रकार यदि वक्ता एक जैसी ऊर्जा के साथ भाषण देता रहे तो मान लिया जाता है कि वक्ता की स्वरों के उतार चढ़ाव की क्षमता विकसित ही नहीं हुई है। दरअसल एक रूपता हमारी सीमाओं को दर्शाती है। एक रूपता दर्शकों पर प्राणनाशक प्रभाव डालने का काम करती है। यह चेहरे की रौनक छीन लेती है, आंखों की चमक छीन कर देती है। अत्यंत एक रूपता काल कोठरी की सजा के समान है। एक मेज पर एक कंचा रखें और लगातार 18 घंटों तक उस कंचे को एक जगह से दूसरी जगह पर धकेलते रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। एक रूपता एक कष्टकारी सजा के समान होती है, एक ऐसी सजा जो जीवन भर के लिए बोलने की क्षमता को छीन कर देती है। लिहाजा ऐसी प्राणनाशक व नीरस स्थिति से बचने का प्रयास करने चाहिए। एक आदर्श रईस के पास दर्जनों मकान, दुनिया भर के व्यंजनों के सभी प्रकार और अफ्रीका से अलास्का तक घूमने के साधन हो सकते हैं, लेकिन गरीबी से घिरा व्यक्ति सफर के लिए किराए की गाड़ी का इस्तेमाल करता है। ऐसे व्यक्ति के पास निजी नौका, कार और विशेष रेलगाड़ी में सफर करने की सुविधा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का जीवन मेहनत करने में गुजर जाता है। ऐसा व्यक्ति मंडी से खरीदी गई फल सब्जियों से संतुष्ट रहता है। भाषा और जिंदगी में एकरूपता निर्धनता के समान होती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, उसी प्रकार भाषा में विविधता लाने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। चिड़िया के गीत, पहाड़ी दर्रों और स्वयं पहाड़ों में एकरूपता नहीं होती। एकरूपता भूरे पत्थरों की लंबी कतार और पहाड़ों के बीच से दूर तक जाती सड़कों में होती है। प्रकृति ने संपदा के तौर पर कई विविधताएं प्रदान की है, इसलिए इंसान केवल अपनी सीमाओं के दायरे में ही एकरूप होता है। भाषण के दौरान प्रकृति से जुड़े तथ्यों तक पहुंचने से भाषा में विविधता स्वयं आ जाती है। प्रसन्नता बांटने की विशेषता में ही विविधता प्रदान करने की शक्ति निहित है। दुनिया के कई बड़े सत्यों को कहानियों के रूप में दर्शाया गया है। उदाहरण के तौर पर लेस मिजरबेल, यदि आप शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं या किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति में रुचि का भाव पैदा करना जरूरी होता है। पियानो पर एक ही सुर को बार बार बजाने से अरुचि, कर्कश स्वर और एकरूपता का एहसास होता है। शब्दकोश के मुताबिक एकरूपता का अर्थ है उबाऊ और थकाऊ। हालांकि यह अर्थ काफी नम्रतापूर्वक लिखा महसूस होता है, लेकिन असल में एकरूपता का अर्थ है पागल करने वाली उबाऊ स्थिति। एकरूपता पर विजय पाने के उपाय। जैसे अपने वस्त्रों के नीरसता से उबरने के लिए वस्त्रों के संग्रह को नया ताजा करना आवश्यक है, वैसे ही भाषा में एकरूपता खत्म करने के लिए शैली में विविधता लाना आवश्यक है। जानकारी बढ़ाकर भी भाषा शैली बेहतर की जा सकती है।
इमारत के विभिन्न हिस्सों को तैयार करने के लिए बढ़ई के पास अलग अलग औजार होते हैं। सुरीली धुन बजाने के लिए संगीतकार वाद्य यंत्र को विभिन्न तरीकों से बजाता है। इसी प्रकार वक्ता के पास भी साधनों की कमी नहीं होती। वाद विवाद के ढांचे को कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है। भावनात्मक व्यवहार और दर्शकों की मान्यताओं का मार्गदर्शन किया जाता है। इन साधनों का खाका तैयार करने और इनके इस्तेमाल का तरीका समझाना ही अगले अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। कई वक्ता आज भी बैलगाड़ी वाले घिसे पिटे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और आज के आधुनिक मशीनी तरीकों को नजरअंदाज करते हैं। वे वक्ता भाषा में कुशलता लाने वाली विधि को निरंतर अनदेखा करते हैं। इस प्रणाली को समझाने, इसे लागू करने और इसकी समीक्षा करने में यदि हम आपकी मदद करें तो क्या आपकी भाषा शैली में सुधार होगा? लेकिन यदि आप इस प्रणाली को अनदेखा करते हैं तो क्या आपकी भाषा नकारात्मक तौर पर प्रभावित होगी? हम खुद इस प्रणाली के जरिए भाषा में सुधार के महत्व को समझाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह प्रणाली एक वक्ता को भाषा की निपुणता तक पहुंचाने के लिए बुनियाद का काम करती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अपने सिद्धांतों को ठीक रखिए, बाकी सब विस्तृत वर्णन है। जैसे किसी मरे हुए घोड़े के खुरों में नाल ठोकने का कोई फायदा नहीं होता, उसी प्रकार एक नीरस वक्ता के लिए भाषा सुधारने के पुराने सिद्धांत किसी काम के नहीं होते। इस उदाहरण से यह पता लगता है कि कुछ फीके सिद्धांतों को अपनाकर भाषा पर पकड़ नहीं बनाई जा सकती। सार्वजनिक तौर पर बोलने की कला में निपुण होने के लिए सत्य, जोर, भावना और जीवन से जुड़े अहम सिद्धांतों को अपनाना जरूरी होता है। बाकी सभी नियमों को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को याद रखना बेहद जरूरी है। अगले कुछ अध्यायों के गहन अध्ययन के बाद भाषा शैली से एकरूपता का प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इन सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञान और इस्तेमाल की कला में निपुणता के बाद भाषा शैली में विविधता का स्वयं एहसास होने लगेगा। खास बात यह है कि इन सिद्धांतों को केवल पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, इसके लिए निरंतर अभ्यास बेहद जरूरी होता है। यदि अभ्यास के दौरान कोई और आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप अपने आप को स्वयं सुने, साथ ही इस प्रक्रिया में खुद के सच्चे आलोचक की भूमिका भी निभाएं। आगामी अध्याय में भाषा शैली की निपुणता के लिए निर्धारित किए गए तकनीकी सिद्धांत मनगढ़ंत नहीं है। इन सिद्धांतों को दुनिया भर के बेहतरीन वक्ताओं और कलाकारों के अनुभव के आधार पर स्थापित किया गया है। विद्यार्थियों को स्वाभाविक रहने के लिए प्रतिबद्ध करना कारगर साबित नहीं होता। भाषण के दौरान स्वाभाविक रहना एकरूपता का कारण भी बन सकता है। उत्तरी ध्रुव में प्राकृतिक तौर पर उगाया जाने वाला स्ट्रॉबेरी फल छोटे बीज एवं हल्के तीखे स्वाद का होता है, लेकिन इस प्राकृतिक फल की तुलना उन्नत विधि से उगाए जाने वाले स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी फल से नहीं की जा सकती। पहाड़ों की पथरीली ढलान पर बिना मिट्टी और पानी के प्राकृतिक तौर पर बौने पौधे उगते हैं, लेकिन इन पौधों का दुर्भाग्य यह है कि इनकी तुलना नम और उपजाऊ इलाकों में पनपने वाले हरे भरे पेड़ों से की जाती है। बेशक प्राकृतिक स्वभाव को बरकरार रखें, लेकिन इस स्वभाव को आदर्श स्तर तक विकसित करने की कोशिश जरूर करें। लेसन 3, प्रभाव एवं वसीभूतता द्वारा कुशलता। C.S. बाल्डविन ने कहा है, प्रभाव के सिद्धांत का पालन विशिष्ट नियमों को याद कर नहीं किया जा सकता। इसके प्रभावशाली पालन के लिए इन नियमों की विशेषताओं को महसूस करना जरूरी होता है। जिस बंदूक की मारक क्षमता में ज्यादा फैलाव होता है उससे चिड़ियों का शिकार नहीं होता। यही सिद्धांत भाषा पर भी लागू होता है। जो वक्ता बेतरतीब तरीके से वाक्यों का इस्तेमाल करता है उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। वाक्य का प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता, लिहाजा ध्यान रखें कि केवल अहम शब्दों पर ही जोर डालने की कला का इस्तेमाल करें। यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम या पावन नगरी वृंदावन जैसे शब्दों का उच्चारण करें तो जरूरी नहीं है कि सभी अक्षरों पर बराबर जोर दें। इनमें से कुछ ही अक्षरों को विशेष महत्व दिया जाएगा, बाकी अक्षरों का उच्चारण सामान्य तौर पर होगा। क्यों न इस सिद्धांत का उपयोग पूरा वाक्य बोलने में भी किया जाए। काफी हद तक सामान्य भाषा में हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या सार्वजनिक भाषण में इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल इसी प्रतिभा की कमी की वजह से भाषण में एकरूपता का दंश प्रकट होता है। जहां तक शब्द विशेष पर जोर देने का संबंध है, आप एक सामान्य वाक्य को एक बड़े शब्द के रूप में देखें तो समस्या का हल निकल आएगा। निम्नलिखित पर ध्यान दें।
भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। आप मुकद्दर का सिकंदर बोलते समय हर अक्षर पर बराबर जोर डाल सकते हैं। इसे ऊंचे स्वर में बोलिए और महसूस कीजिए। निसंदेह आप भाग्य शब्द पर विशेष जोर डालेंगे, क्योंकि इस वाक्य में भाग्य मुख्य घोषणा है। नहीं, शब्द पर भी समान बल दिया जाएगा। जाहिर है नहीं शब्द को विशेष महत्व नहीं दिया तो दर्शक समझेंगे कि भाग्य संयोग से ही मिलता है। इसी के साथ संयोग शब्द पर भी जोर डालने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वाक्य में संयोग शब्द का भी समान महत्व है। संयोग शब्द को महत्व देने का एक और कारण यह भी है कि अगले वाक्य में संयोग की तुलना चुनाव से की गई है। साफ तौर पर लेखक ने इन दोनों शब्दों की तुलना दोनों शब्दों पर विशेष बल डालने के ध्येय से की है, अर्थात वाक्य में तुलनात्मक शब्दों पर बराबर जोर दिया जाना चाहिए। एक वक्ता को स्वर के तालमेल के जरिए तुलनात्मक शब्दों पर समान बल देना चाहिए। यदि आप कहें मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है, तो आपके जहन में सबसे पहला रंग कौन सा आएगा? स्वाभाविक रूप से सफेद, क्योंकि काले रंग का विपरीत रंग सफेद होता है। यदि आप इस विचार को प्रकट करना चाहते हैं कि भाग्य को चुना जाता है, तो इसको ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए पहले कहें कि भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसके बाद कहें कि इसे चुना जाता है। यदि हम कहते हैं कि मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से घोड़े से ज्यादा महत्व रंग का हो जाता है। यदि आप कहें कि मेरा घोड़ा सफेद है, तो सामान्य तौर पर जवाब मात्र हामी होगा। उपर्युक्त बयान के दूसरे वाक्य में केवल एक शब्द महत्वपूर्ण है, चुनाव। लेखक वक्ता वाक्य में चुनाव शब्द को विशेष महत्व प्रदान करना चाहता है, क्योंकि शब्द की तुलना पहले वाक्य के संयोग शब्द से की गई है। इस सिद्धांत के मुताबिक इन वाक्यों को इस प्रकार पढ़ना चाहिए, भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। अब इन वाक्यों को बार बार पढ़ें और गाढ़े किए गए शब्दों पर विशेष बल दें। लगभग सभी वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण विचार को प्रकट करते हैं, अर्थात ऐसे शब्दों को विशेष महत्व देने की आवश्यकता होती है। अखबार पढ़ते वक्त हेडलाइन पर सरसरी नजर डालकर मुख्य समाचारों का अंदाजा लगा लिया जाता है। अखबार के संपादक को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अखबार में हांगकांग में हुई लूट को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना आपके अपने शहर में 5 मछुआरों की मौत की खबर को दिया जाता है। खबर के विस्तार के द्वारा संपादक अलग अलग खबरों के महत्व को दर्शाने की चेष्टा करता है। चौंकाने वाली खबरों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शीर्षक को कभी कभी लाल रंग में लिखा जाता है। इसी प्रकार यदि वक्ता अपने भाषण के जरिए दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब होता है, तो इसे वरदान से कम नहीं माना जा सकता। एक सामान्य वक्ता उक्त पंक्तियां बोलते वक्त स्वाभाविक तौर पर भाग्य, संयोग, नहीं और चुनाव पर विशेष बल देगा। एक बार द न्यूयॉर्क सन के संपादक चार्ल्स डाना ने अपने एक संवाददाता से कहा कि सड़क पर जाते समय जब वो किसी कुत्ते को आदमी को काटते देखे तो उस ओर ध्यान न दे। हमारा अखबार ऐसी बेमतलब की खबर के लिए न तो पाठकों का ध्यान खींचना चाहता है और न ही अपना कीमती समय नष्ट करना चाहता है। एक चुप्पी के बाद माननीय डाना ने लेकिन शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, यदि तुम किसी व्यक्ति को कुत्ते को काटते देखो तो फटाफट दफ्तर लौट आना और लेख को छापने के लिए दे देना। निसंदेह यह एक बड़ी अनोखी खबर होगी। यदि वक्ता बोलते समय भाग्य संयोग से नहीं मिलता वाक्य के सभी शब्दों पर समान बल देता है, तो यह कुत्ते ने आदमी को काटा जैसी आम खबर के समान नीरस होगा। लेकिन यदि वक्ता सही शब्द पर बल डालता है तो वाक्य की खूबसूरती बढ़ जाती है। एक आदर्श वक्ता बोली जाने वाले वाक्य के अहम शब्द को पर्वत शिखर के तौर पर पेश करता है। एक आदर्श वक्ता के भाषण में महत्वहीन शब्द नदी की सतह की तरह जलमग्न रहते हैं। वक्ता के महान विचार शाहबलूत के ऊंचे वृक्षों के समान होते हैं और कम महत्व वाले विचार मैदानी घास के समान। इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वाक्यों में तुलनात्मक शब्दों पर विशेष बल देना चाहिए। निम्नलिखित संपादकीय पर ध्यान दीजिए। जानकारी के लिए बता दें कि यह लेख हूबहू प्रकाशित किया गया था। हम नहीं जानते कि संदेश मिलने के वक्त राष्ट्रपति ने क्या सोचा और एक चूहे को देखकर हाथी क्या सोचता है, लेकिन हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ने क्या सोचा होगा। उक्त वाक्य में सोचा शब्द पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें गाढ़ी स्याही से लिखा गया है। इसके विपरीत यदि बाकी शब्दों को सोचा के मुकाबले 10 गुना
गाढ़ा कर दिया जाए तो भी सोचा सब इतना ही आकर्षित करेगा, क्योंकि इस शैली में भी यह सब भिन्न रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। रॉबर्ट चैम्बर्स के उपन्यास द बिजनेस ऑफ लाइफ से प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में आप, चुका और होता को हल्का टेढ़ा लिखकर भिन्न प्रदर्शित किया गया है। जाहिर है लेखक अपने उपन्यास में इन शब्दों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता है। उसने उस लड़की की ओर विस्मय से लिप्त क्रोध से देखा। आप इसको कायरता नहीं तो और क्या कहेंगे? आप चुपके से आए और निसहाय लड़की से जबरदस्ती शादी कर ले। क्या आप मुझसे यह उम्मीद रख चुके थे कि मैं आपकी सलाह पर जैकलिन के दिमाग में जहर घोलता और खुद को बर्बाद कर लेता? यदि मैं ऐसा करता तो निश्चित तौर पर यह एक कायरतापूर्ण कार्य होता। कुछ विशेष शब्दों पर बल डालने के लिए और इन शब्दों को अलग दर्शाने के लिए लेखक ने इन शब्दों को भिन्नता प्रदान की है। यदि आप जोर से बोलने के आदि हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों पर बल देने के लिए उनका उच्चारण सहजता के साथ करें। इस प्रकार आप इन शब्दों पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब सिद्ध होंगे। यदि आप तेजी से बोलने के आदि हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों के उच्चारण की रफ्तार धीमी करें। यदि आप धीमे स्वर में बोलते हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों के उच्चारण के दौरान स्वर को भारी कर दें। विभक्ति, एहसास, विराम, स्वर बदलने की कला, गति बदलने की प्रतिभा जैसे अध्यायों का अध्ययन करें। इन अध्यायों के गहन अध्ययन के जरिए विस्तृत रूप से यह जानकारी हासिल की जा सकती है कि सही जगह पर बल डालने के खास सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि इस अध्याय में हम बल डालने के केवल एक सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण शब्द पर बल डालने और महत्वहीन शब्द को अनदेखा करने की कला। कभी ना भूले भाषण को आकर्षित बनाने में यह सिद्धांत बेहद कारगर सिद्ध होता है। ऊंची आवाज में बोलने की आदत और शब्दों पर बल देने की कला को एक समान मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। चिल्लाना ईमानदारी, समझदारी और एहसास का सूचक नहीं है। शब्दों पर बल देने की जिस कला पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका संबंध वास्तविक शारीरिक शक्ति से नहीं है। हालांकि यह सही है कि शब्दों पर बल देने के लिए उच्चारण या तो ऊंचे या फिर धीमे स्वर में करना चाहिए, लेकिन जिस वास्तविक कुशलता की आकांक्षा की जा रही है उसका संबंध ईमानदारी एवं प्रबलता से है। यह एक आंतरिक शक्ति है जिसे दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। एक वक्ता ने कहा, इस देश के दुर्भाग्य का कारण शिक्षा की कमी नहीं, राजनीति है। वक्ता ने दुर्भाग्य, कमी, शिक्षा और राजनीति शब्दों पर विशेष बल दिया। बाकी शब्दों का उच्चारण सामान्य तौर पर किया गया। राजनीति शब्द के साथ एक विशेष एहसास को जोड़ा गया और इस शब्द के उच्चारण के वक्त क्रोध की मुद्रा में हाथ पर हाथ मारा गया। इस शब्द पर वक्ता का जोर देने का तरीका एकदम उचित एवं जबरदस्त था। इस पंक्ति के बाकी शब्दों की ओर लापरवाही और राजनीति पर विशेष रवैये से बल देकर वक्ता ने आसानी से दर्शकों का ध्यान इस शब्द की ओर खींच लिया। आप उस गाइड के बारे में कैसा सोचेंगे जो आपको न्यूयॉर्क घुमाने के नाम पर सड़क के किनारे स्थित चीनी धोबी घाट और जूते चमकाने वाली दुकानों का दर्शन कराने लगे? दर्शकों का ध्यान भाषण की ओर आकर्षित करने की केवल एक ही विधि है, या तो उजागर करने के लिए कोई सच्चाई हो या मनोरंजन का मसाला हो। यदि वक्ता का भाषण निरर्थक एवं उबाऊ है तो दर्शकों में महत्वपूर्ण सीख के व्याख्यान को सुनने का न तो जोश बचेगा न ही जिंदादिली। कभी कभी ज्यादा बल दर्शाने के लिए शब्द के हर एक अक्षर पर समान जोर देना गलत नहीं होता, जैसे कि निम्नलिखित वाक्य में पूर्ण रूप से बल दिया गया है, मैं आपकी प्रार्थना पूर्ण रूप से खारिज करता हूं। इसी प्रकार किसी अति महत्वपूर्ण वाक्य को विशेष महत्व देने के लिए प्रत्येक शब्द पर बल डाला जा सकता है। इस सिद्धांत के जरिए दर्शकों को आकर्षित करना आसान होता है। इस मौके पर पैट्रिक हेनरी की प्रसिद्ध कहानी के अंतिम भाग को उदाहरण के तौर पर पेश करना कारगर सिद्ध होगा। वाक्य में मौजूद किसी एक शब्द पर जोर देने से उसका सही और गलत प्रभाव महसूस किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य है कि निम्नलिखित वाक्य में कैसे विभिन्न शब्दों पर जोर देने से वाक्य का भाव पूर्ण रूप से बदल जाता है। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, लेकिन मकान नहीं खरीदा जा सका। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, लेकिन कोई रुकावट आ गई। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, इधर से उधर किराए पर रहने की जगह। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, कोई मोटरकार नहीं
केवल मकान। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, अगली वसंत तक टालने की इच्छा नहीं थी। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, वसंत में ठंडे के मौसम में नहीं। जब समाचार पत्रों में महान युद्ध के बारे में लिखा जाना शुरू किया गया तो एक ही तथ्य पर बार बार जोर नहीं दिया गया। हर नए लेख में नई सूचना या नया दृष्टिकोण प्रकाशित करने की कोशिश की गई। सुबह के संस्करण में जिस खबर को ज्यादा महत्व दिया गया, दोपहर के संस्करण में वही खबर कम महत्व की खबर के तौर पर पेश की गई। भाषण के दौरान कहां ज्यादा जोर देना है, यह सिद्धांत सटीक रूप से इस महत्व को प्रदर्शित करता है। एक ही विचार पर बार बार जोर नहीं देना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी महत्वपूर्ण घटना पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि भाषण के दौरान जोर देने के नियम किसी खूंटे से बंधे नहीं होते। भाषण में किस शब्द, वाक्य और भाव पर ज्यादा जोर दिया जाए, यह वक्ता की शैली पर आधारित होता है। एक वक्ता भाषण के जरिए जो व्याख्यान करता है, जरूरी नहीं है कि अन्य वक्ता उसी भाषण के जरिए समान भाव पैदा करे। इस बात का भी आकलन नहीं किया जा सकता कि कौन सा व्याख्यान सही है और कौन सा गलत। ये सिद्धांत वक्ता के जहन की उपज होते हैं। लेसन 4, स्वर बदलने की कुशलता। भाषण देना गायन की संशोधित कला है। महत्वपूर्ण अंतर यह है कि गायन में स्वर की ध्वनि को लंबा खींचना होता है और शब्दों के बीच का अंतराल छोटा होता है, जबकि भाषण में शब्दों का उच्चारण असंबंधित स्वर से किया जाता है। मुख्य रूप से स्वर को ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाता और शब्दों के बीच का अंतराल भिन्न होता है। गायन में स्वरों की विभिन्नता का मतलब यह नहीं है कि आम भाषा शैली और गायन पूर्ण रूप से अलग हुनर है। बोलने की कला में भी इसी प्रकार स्वरों की विभिन्नता होती है। यहां तक कि आम बातचीत में भी 3 से 6 अर्धस्वर होते हैं। मैंने जांच से निष्कर्ष निकाला है कि कई व्यक्ति 8 अर्धस्वरों तक के ध्वनि होते हैं। ऐसा कहना है विलियम सिट्रेगिल का। जैसा कि सब जानते हैं, कंठ की स्थिति बदलने से ऊंचे, नीचे या मध्यम स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है। भाषा के दौरान न केवल इसका उपयोग एक जैसे उच्चारण के लिए, बल्कि चिल्लाहट, एकाक्षर जैसे ओह, उफ जैसे भाव शब्द और एक ही स्वर में बोले जाने वाले वाक्यों के लिए भी किया जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि इस अंतर को समझा जाए। एक दक्ष वक्ता न केवल लगातार उपयोग में आने वाले शब्दांश, बल्कि भाषण के अलग अलग शब्द और शब्दों के समूह को विभिन्न स्वर से अलंकृत करता है। हम इस अध्याय में इसी विषय के विशेष चरणों पर ध्यान दे रहे हैं। विचार में बदलाव के साथ स्वर में भी बदलाव की आवश्यकता होती है। चाहे वक्ता इस सिद्धांत का होशो हवास में, अनजाने में या अवचेतना की स्थिति में प्रयोग करे, लेकिन यह वह शुद्ध आधार है जिसके माध्यम से स्वर में बदलाव पैदा होता है। इसके बावजूद आमतौर पर वक्ता इस नियम का उल्लंघन करते रहे हैं। एक अपराधी राष्ट्र के कानून की अवहेलना करते हुए भी दंड से बच सकता है, लेकिन भाषण के नियमों की अवहेलना करने वाले वक्ता को कम प्रभावशाली होने के नाते यह दंड भुगतना ही पड़ता है। ऐसे वक्ता के बेगुनाह दर्शकों को भाषण में एकरूपता के दंश को झेलना पड़ता है। एकरूपता यदि वक्ता के लिए पाप के समान है तो दर्शकों के लिए महामारी से कम नहीं है। स्वर में बदलाव करने की कला लगभग सभी नौसिखिए के लिए अड़चन का काम करती है, यहां तक कि बहुत से निपुण वक्ताओं के लिए भी। यह तब ज्यादा प्रखर हो जाती है जब भाषण को कंठस्थ याद किया जाए। यदि आप स्वर की एकरूपता के प्रभाव को समझना चाहते हैं तो पियानो के एक ही स्वर को बार बार बजाते रहें। निसंदेह आपको बोरियत का आभास होने लगेगा। स्वाभाविक रूप से बोलने की क्रिया में स्वर के निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक कई आयाम होते हैं। इन स्वरों का स्वाभाविक ज्ञान होने के बावजूद किसी को कोई भी हक नहीं है कि दर्शकों में एक रूप स्वर और शैली से उबाऊ भाषण पैदा करने का मौका प्रदान करे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धुन की रचना में एक विशेष लय संगीत की खूबसूरती का आधार बन सकती है। धुन में एक आधारभूत लय के मुताबिक ही बाकी स्वरों का ताना बना बुना जाता है। इस प्रकार धुन में सामंजस्य तैयार किया जाता है। यही वजह है कि धार्मिक संस्कार के उद्देश्य से बनाई गई धुन में पवित्रता का आभास होता है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर भाषण देने वाले वक्ता को एकरूपता से बचना चाहिए, क्योंकि भाषण का एक जैसा ढंग ऊब पैदा करता है। निरंतर स्वर बदलने की कला
प्राकृतिक उपहार है। भाषण देने की कला में दक्षता हासिल करने के लिए प्राकृतिक नियमों को समझना बेहद आवश्यक है। ध्यान से सुनिए कि चिड़िया कैसे चहचहाती है, किस चिड़िया के कंठ से सबसे कर्णप्रिय स्वर निकलता है। कुछ चिड़िया बेहद सुरीली होती है, लेकिन स्वर में उतार चढ़ाव न के बराबर होता है, जबकि कैनेरी, लार्क और बुलबुल जैसी चिड़ियों के स्वर में न केवल उतार चढ़ाव की असीम प्रतिभा होती है, बल्कि स्वरों की बंदिश बनाने का भी गुण होता है। यहाँ तक कि चिड़ियों की बेरोक टोक मधुर चहचहाट पागलपन की हद तक मधुर प्रतीत होती है। छोटा बच्चा अचानक एक ही स्वर में बोलना शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे स्वर बदलने लगता है। अपने घर के आसपास रहने वाले छोटे बच्चों के स्वरों में होने वाले इस निरंतर बदलाव पर गौर से ध्यान दीजिए। खास बात है कि युवाओं की लापरवाह बातचीत को ध्यान से सुनते वक्त स्वरों के कई बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित पंक्ति को बोल रहा है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रभाव पैदा नहीं हो पा रहा है। याद रखें, यहां हम एक शब्द से संबंधित विभक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस सामान्य स्वर की चर्चा कर रहे हैं जिसमें मुहावरे पढ़े जाते हैं। मैं अपनी छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए कल निकलना पसंद करूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं अभी भी यही सोचता रहूं कि मेरे पास काफी समय बचा है तो मेरी जाने की तैयारी कभी पूरी नहीं हो सकती। इस वाक्य को पहले अंकित किए गए स्वरों के मुताबिक दोहराएं, फिर साधारण वक्ता की तरह स्वर के उतार चढ़ाव के बिना बोलें, फिर दोनों ढंग से बोले गए वाक्यों के परिणाम का आकलन करें। मैं अपनी छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए कल निकलना पसंद करूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं अभी भी यही सोचता रहूं कि मेरे पास काफी समय बचा है तो मेरी जाने की तैयारी कभी पूरी नहीं हो सकती। बेनाम स्वरों में बदलाव की आवश्यकता स्वयं महसूस की जा सकती है, लिहाजा इस सिद्धांत को जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करें। हालांकि स्वयं को एकरूपता से उबाने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक बातचीत में व्यक्ति पहले विचार करता है, फिर विचार व्यक्त करने के लिए शब्दों का ताना बाना बुनता है, जबकि पहले से तैयार किए गए भाषण में वक्ता शब्दों का सही क्रम तैयार करता है। लेकिन यदि इस प्रक्रिया को उल्टा दिया जाए तो क्या परिणाम भी बदल जाएंगे? बेहतर यही है कि भाव व्यक्त करने के लिए प्राकृतिक नियमों का इस्तेमाल करें। निम्नलिखित संकलन को उदासीन तरीके से पढ़ें, इसके अर्थ को समझने के लिए एक बार भी न रुके। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं, ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इस संकलन का क्या अर्थ है। विचार पर विश्वास करें, इसका प्रभावशाली व्याख्यान करने की कोशिश करें और कल्पना करें कि आप दर्शकों को संबोधित कर रहे हैं। यदि आपने निर्देशों का सही ढंग से पालन किया है तो बार बार पढ़ने के अभ्यास से स्वरों में बदलाव महसूस किया जा सकता है। श्रम व्यक्ति को नहीं मारता, चिंता मारती है। श्रम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसी व्यक्ति के कंधों पर क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं रखा जा सकता। चिंताधार को नष्ट करने वाले जंग के समान होती है, यंत्र क्रांति से नहीं घर्षण से नष्ट होती है। हेनरी वार्ड बीचर ने ऐसा कहा है। स्वर में बदलाव के बाद यह पढ़ने में कैसा लगता है? श्रम व्यक्ति को नहीं मारता, चिंता मारती है। श्रम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसी व्यक्ति के कंधों पर क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं रखा जा सकता। चिंताधार को नष्ट करने वाली जंग के समान होती है। यंत्र क्रांति से नहीं घर्षण से नष्ट होती है। स्वर में बदलाव से बल पैदा होता है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण बयान है। स्वर में विभिन्नता दर्शकों में रुचि पैदा करती है, लेकिन दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका है सही जगह पर बल का प्रयोग। महत्व देने योग्य शब्द या वाक्य पर सही एवं सटीक बल देना बेहद जरूरी होता है। एक महान विरोधाभास सदा ध्यान आकर्षित करता है। शिकागो के शोर शराब वाले इलाके के मुकाबले सहारा के शांत इलाके में तोप के गुण ज्यादा भीषण प्रतीत होती है। इसी विरोधाभास का सटीक उदाहरण माना जा सकता है। भाषण के दौरान अचानक स्वर में बदलाव और वाक्य विशेष पर दिए गए जोर के जरिए वक्ता सवाल की गंभीरता को दर्शाता है। इस गंभीरता को दर्शाने के लिए ऊपर इस्तेमाल की गई विधि को उलट दिया जाए तो भी समान प्रभाव पैदा होगा। बस गंभीरता में थोड़ा बदलाव दर्शाना होगा। दोनों विधियों का कुशलता से उपयोग किया जाए तो बेशक समान परिणाम हासिल किया जा सकता है। अधिकतर वक्ता बेहद तेज स्वर में बोलते हैं। शेक्सपियर के मुताबिक शीतल, नम्र और मंद आवाज महिलाओं का उत्तम गुण है। इसका महत्व पुरुषों के लिए भी कम नहीं है।
सशक्त आवाज के लिए न तो उसका भारी होना जरूरी होता है और न ही बेहद नम्र होना। अंततः स्वर में विभिन्नता लाने के लिए कई और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। ऊंचे स्वर में गाएं, फिर स्वर को धीमा कर लें। इसी तर्ज पर गाते समय स्वर को घटाते बढ़ाते रहे। स्वर बदलने की इस कला का बोलते समय भी अभ्यास करें। भाषण के दौरान हल्के, मध्यम एवं ऊंचे स्वर का इस्तेमाल स्वयं की रुचि और पसंद के मुताबिक होना चाहिए। लेसन 5, गति में बदलाव की कुशलता। रॉबर्ट बर्न्स ने कहा है, सुनो कि वह कैसे विश्वास से लबालब, तेज और धमाकेदार तरीके से पहलुओं को स्पष्ट करता है। अभी नम्रता से भरी शांति, अभी जंगलियों की तरह क्रोध, वह पैर पटकता है और छलांग लगाता है। लैटिन भाषा ने एक ऐसा शब्द विरासत में दिया है जिसका स्पष्ट रूप से समतुल्य उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इसे अपना लिया है। इसके स्वरूप को नहीं बदला गया। यह शब्द है टेम्पो, जिसका अर्थ होता है गति में बदलाव। इसे गति बदलने में लगने वाले समय के आधार पर नापा जाता है। यही कारण है कि गीत और संगीत की कला में इसका योगदान बेहद सीमित है, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ठोस चीजों में टेम्पो को महसूस किया जा सकता है। इसके अर्थ का सटीक उदाहरण देने के लिए हम कह सकते हैं कि बैलगाड़ी धीमे टेम्पो के साथ आगे बढ़ती है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी तेज टेम्पो के साथ दौड़ती है। आधुनिक बंदूक बेहद तेज टेम्पो के साथ मिनट के 600वें हिस्से में गोलियां दाग सकती है, जबकि पुरानी मंजल बंदूक को दोबारा भरने में 3 मिनट लगते थे, यानी धीमे टेम्पो के साथ गोली दागी जाती थी। सभी संगीतकार इस सिद्धांत को बखूबी पहचानते हैं। आधे स्वर को उठाने में 8 स्वरों को उठाने से ज्यादा समय लगता है। मंच पर प्रभावी पेशकश के लिए टेम्पो की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि वक्ता पूरे भाषण को एक ही स्वर और लहजे में प्रस्तुत करता है तो यकीनन वक्ता ने भाषण को जोर और बल के सुंदर प्रभाव से वंचित रखा है। बेस बॉल को फेंकने वाला खिलाड़ी, क्रिकेट में गेंदबाज, टेनिस में सर्विस करने वाला खिलाड़ी सभी गति में बदलाव के महत्व को बखूबी समझते हैं। गेंद फेंकते समय टेम्पो में बदलाव किया जाता है। इसी प्रकार वक्ता को भी टेम्पो में बदलाव के महत्व को समझना चाहिए। प्रस्तुति के दौरान गति में बदलाव से स्वाभाविकता झलकती है। एक रूपता के अध्याय में स्वाभाविकता के महत्व को समझाया गया था। स्वाभाविकता के साथ टेम्पो में बदलाव भाषण को और ज्यादा आकर्षक बना देता है। कलाकार के लिए स्वर की गति में बदलाव करना बेहद महत्वपूर्ण हुनर होता है। यदि कलाकार इस हुनर पर कमजोर पकड़ रखता है तो अभिनय में नीरसता महसूस होती है। लिहाजा कलाकार की तरह वक्ता को भी इस हुनर पर मजबूत पकड़ बनानी चाहिए। हालांकि स्वाभाविक बर्ताव को समझने के लिए कई आधारभूत और प्रभावी साधन हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह एक ऐसी प्रतिभा है जिसे खोने के बाद दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है। मंच पर प्रस्तुति का यह वह आदर्श स्तर है जिसे हासिल करने की भरपूर कोशिश की जाती है। हालांकि प्रत्येक वक्ता के लिए इसका अर्थ भिन्न होता है। इस तथ्य की जानकारी हमें आगामी अध्यायों में मिलेगी। यदि सभी वक्ता और कलाकार अपनी शैली में बदलाव के सिद्धांत को पूरी ईमानदारी से निभाएं, प्रत्येक फुसफुसाहट, करा, विराम, चुप्पी और तेज स्वर को कुशलता से प्रस्तुत करें, तो निसंदेह परिणाम काफी आकर्षक होंगे। भाषण के दौरान यदि प्राकृतिक अंदाज का तड़का लगा दिया जाए तो भाषा शैली प्रकृति के सबसे खूबसूरत तोहफे के समान आकर्षक हो जाएगी। वास्तविक कहानियों से प्रेरित लेखक असल भाषा की जानकारी का प्राकृतिक रस संवाद में घोल देते हैं और दर्शकों तक इसका स्वाद टेम्पो के उतार चढ़ाव की कला के जरिए पहुंचता है। कल्पना कीजिए कि आप निम्नलिखित पंक्ति के पहले वाक्य को धीमी गति से यानी धीमे टेम्पो से पढ़ते हैं और दूसरे वाक्य को तेजी से। महसूस कीजिए कि इसका प्रभाव कितना प्राकृतिक या अप्राकृतिक प्रतीत होता है। इसके पश्चात पूरी पंक्ति को एक रफ्तार से पढ़िए। अंतर खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने अपने चाकू के साथ क्या किया। ओह, मुझे अब याद आया, मैंने चाकू मैरी को दिया था। इस उदाहरण के जरिए यह पता लगता है कि एक ही वाक्य में टेम्पो के बदलाव की जरूरत हो सकती है। जरूरी नहीं है कि शब्द और वाक्य के लिए ही टेम्पो में बदलाव लाना पड़े। लंबी पंक्ति बोलने में भी टेम्पो के बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। गति में बदलाव से एक रूपता खत्म होती है। टेम्पो में लगातार बदलाव के जरिए कैनेरी चिड़िया अपने संगीत को अत्यंत कर्णप्रिय बना देती है। यदि राजा सोलोमोन एक वक्ता होता तो वह जंगली चिड़ियों के ही नहीं
बल्कि मधुमक्खियों के व्यवहार से भी प्रेरणा लेता। किसी ऐसे गीत की कल्पना कीजिए जिसमें केवल एक चौथाई स्वर हो। एक ऐसे वाहन की कल्पना कीजिए जो केवल एक ही रफ्तार से चलता हो। गति में बदलाव से बल मिलता है। गति में किया गया बदलाव प्रभावशाली होता है और दर्शकों को आकर्षित करता है। यदि कोई रेलगाड़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है तो मुमकिन है कि आप उस रफ्तार पर ध्यान न दें। लेकिन यदि अचानक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलने लगे तो आपका ध्यान जरूर आकर्षित होगा। संभव है कि रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त आपका ध्यान धीमे बज रहे संगीत पर न जाए, लेकिन यदि संगीत की आवाज अचानक तेज कर दी जाए तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस ओर जाएगा। यह सिद्धांत भाषा की कला में भी समान रूप से लागू होता है। यदि आप कोई महत्वपूर्ण तथ्य दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो तथ्य को टेम्पो में बदलाव के साथ कुशलता से पेश कीजिए। निसंदेह ऐसा करने पर दर्शकों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। निम्नलिखित संवाद का इस्तेमाल एक नाटक में किया गया था। जो मैंने कहा था मैं उसे भूलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए याद रखें। मुझे परवाह नहीं यदि आप 6-6 बंदूकें अपने साथ लाए हो। संवाद का पहला वाक्य बड़े आराम से बोला गया। याद रखने वाला दूसरा वाक्य विद्युत की गति से प्रस्तुत किया गया। इसी बीच कलाकार ने संवाद का आखिरी वाक्य बोलते वक्त रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। इस संवाद का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि दर्शकों के जहन में पूरा नाटक तो धुंधला पड़ने लगा, लेकिन इस संवाद को अगले 6 महीनों तक याद रखा गया। एक प्रभावी वक्ता बनने की तैयारी में जुटे छात्र आसानी से समझ सकते हैं कि कलाकार अपने संवाद को यादगार बनाने के लिए इसी कला का इस्तेमाल करते हैं। गति के सिद्धांतों का अभ्यास करते वक्त नियमों से ज्यादा विचार का ख्याल रखना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस वाक्य को तेज गति से बोला गया और किसे धीमी गति से। महत्व इस बात का है कि भाषण के दौरान इस कला का इस्तेमाल किया गया या नहीं। भाषण के दौरान टेम्पो में बदलाव के हुनर का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उत्तेजना में वाक्य को जरूरत से ज्यादा गति दे दे। नए वक्ताओं में यह दोष ज्यादा देखने को मिलता है। श्रीमती सीडोन का नियम था कि समय लें। करीब 1 सदी पहले चिकित्सा विज्ञान में बंदूक से उपचार नामक औषधि मिश्रण के जरिए इलाज की प्रथा का चलन था। इसके अंतर्गत करीब 50 अलग अलग औषधियों का मिश्रण मरीज को दवा के तौर पर इस उम्मीद के साथ दिया जाता था कि कोई एक दवा काम कर जाए। हालांकि चिकित्सा प्रणाली में यह योजना कारगर साबित नहीं होती, लेकिन भाषा को विविधता प्रदान करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। गैट्सबर्ग समाधि स्थल पर समर्पण। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता, एकाधिकार एवं विकासशील राष्ट्र के गठन की कल्पना की थी, लेकिन आज हम गृह युद्ध में व्यस्त हैं। बड़ा सवाल है कि क्या उदारवादी सोच के साथ किसी राष्ट्र की स्थापना की जा सकती है? क्या यह सोच लंबे समय तक टिक सकती है? एक दूसरे से हमारा सामना युद्ध भूमि में हो रहा है। हम अपने पूर्वजों की सोच में जिंदा रहने के लिए युद्ध भूमि में उतरे हैं। यह बिल्कुल उचित है कि हम राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न करें, लेकिन एक मायने में हम समर्पित नहीं हो सकते। हम संकल्प भी नहीं ले सकते। हम इस धरती को पवित्र नहीं कर सकते। इस धरती के लिए समर्पित जीवित या मृत बहादुर योद्धा जिसने इस सोच के लिए संघर्ष किया वह योद्धा हमारे अंदर मौजूद नहीं है। दुनिया हमारे बलिदानों को याद नहीं रखेगी, लेकिन हमारे पूर्वजों के बलिदान सदा याद रखे जाएंगे। पूर्वजों के अधूरे कार्यों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस मुहिम को सहजता के साथ आगे बढ़ाएंगे। अधूरा पड़ा महान कार्य पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने की आवश्यकता है। पूर्वजों के बलिदान से प्रेरणा लेकर अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पण की ज्योति जलानी होगी। प्रण लेना होगा कि हमारे पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। प्रभु की कृपा से हमारे राष्ट्र में फिर से स्वतंत्रता का परचम लहराएगा। जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई सरकार का फिर से गठन होगा। लेसन 6, विराम एवं ऊर्जा। जॉर्ज सेम्सबरी ने कहा है, एक साहित्यिक कलाकार का मुख्य कार्य भाषा की माला में लेखन के उद्देश्य को गूंथना होता है, ताकि प्रत्येक वाक्य एक के बाद एक आने वाले मुहावरों की माला में इस तरह जुड़ता रहे कि हर उलझी गुत्थी खुद ब खुद सुलझती रहे। जॉन फ्रैंकलिन जिनंग ने कहा है, विराम का विशिष्ट महत्व होता है। इसे चुप्पी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
अन्य शब्दों में यह एक भाव से दूसरे भाव तक पहुंचने का अंतराल है। हाव भाव के लय संभालने एवं नजाकत और क्षतिपूर्ति के लिए सुनने की शुद्ध शक्ति की जरूरत होती है। ऐसी शक्ति दोष रहित लय को सुनने में सक्षम होती है। क्षतिपूर्ति न होने की स्थिति और बेपरवाह विराम के इस्तेमाल से आघात और कमी का भाव पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी कड़ी का बंधन टूट गया हो। भाषण के दौरान विराम का उपयोग वाक्पटुता के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति कहे यह मेरे लिए अथाह सम्मान की बात है, मुझे आप लोगों के सामने कुछ कहने का मौका मिला है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दरअसल यह विराम नहीं है, यह हकलाना है। हालांकि एक वक्ता हकलाने के बावजूद प्रभावी वक्ता हो सकता है, लेकिन बार बार अटकने से प्रभाव नहीं जमाया जा सकता। इसके अलावा एक प्रभावशाली वक्ता के लिए महत्वपूर्ण वाक्य या मुहावरे की शुरुआत या अंत में विराम लेना आवश्यक होता है। कोई वक्ता इस सिद्धांत को नजरअंदाज करने की भूल नहीं करता। यह वह महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका इस्तेमाल लगभग सभी महान वक्ता करते हैं। इस सिद्धांत को आत्मसात करने तक अभ्यास करना चाहिए। वाक्पटुता के इस सिद्धांत को सरलता से समझा जा सकता है, लेकिन प्रशिक्षण की लंबी अवधि के पश्चात यह खुलासा हुआ है कि इस सिद्धांत को हिंदी भाषा में समझाया जाए तो एक सामान्य व्यक्ति लंबा समय लगा देता है। अर्थात इस अनुभव को हम ज्यादा उत्सुकता के साथ प्रस्तुत नहीं करना चाहते। हम अपने लिए पेड़ से फल तोड़ने की इच्छा रखते हैं। यदि फल कड़वा निकलता है तो हम उस पेड़ को कभी नहीं भूलते। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वकालत करता है, मेरे दोस्तों इस व्यक्ति ने आपके और मेरे लिए अनोखा बलिदान दिया है। आपको नहीं लगता कि विराम की वजह से इस कथन में आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होती है? गौर करने योग्य बात है कि वक्ता ने अपनी संयोजित शक्ति का प्रयोग में लाते हुए कैसे बड़े प्रभावशाली ढंग से आपके और मेरे लिए का भाव व्यक्त किया है। इस पंक्ति को अब बिना विराम दिए बोले, क्या बिना विराम के इसका प्रभाव नष्ट होता प्रतीत हो रहा है? स्वाभाविक है कि पहले से सोचे गए इस विचार के साथ वक्ता ने पूरे ध्यान से विराम का सटीक जगह पर प्रयोग किया। वक्ता ने अपने विचार को एक पल के लिए भी नहीं भटकने दिया। खास है वक्ता की प्रस्तुति में बलिदान जैसे भारी शब्द के बावजूद भटकाव का असर नहीं महसूस हुआ। इस प्रकार यहाँ एकाग्रता के महत्व का बोध होता है। एकाग्रता के बिना विराम के सही उद्देश्य को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। प्रभावी विराम की कला के द्वारा एक या सभी चार परिणामों को हासिल किया जा सकता है। पहला, निर्णायक भाव उजागर करने से पहले विराम वक्ता को अपनी संपूर्ण शक्तियों को एकाग्र करने का मौका प्रदान करता है। युद्ध में बिना तैयारी और सैनिकों की संख्या का आकलन किए बिना उतरना हानिकारक साबित होता है। आप सूर्य की रोशनी में माचिस की तीली को कांच के टुकड़े के नीचे रखकर जला सकते हैं, लेकिन कांच के टुकड़े को बार बार हटाने से तीली नहीं जलेगी। ऊर्जा जुटाने के लिए रुकना पड़ता है। इसी तरह गलत समय पर लिया गया विराम दर्शकों के मन में उत्सुकता और प्रसन्नता का भाव पैदा करने में कामयाब नहीं होता। तेल के कुएं का ढक्कन अक्सर खुला रहता है, लेकिन ज्यादा प्रवाह के लिए तेल के कुएं का ढक्कन कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है। दरअसल इस प्रकार प्रवाह को शक्ति संयोजित करने का समय मिल जाता है। अर्थात व्यवहारिक ज्ञान को उपयोग में लाना चाहिए। किसी विचार को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हल्का सा विराम लें, दिमाग की शक्तियों को संयोजित करें, फिर नए जोश के साथ अपने विचार को प्रस्तुत करें। कार्लाइल ने सही कहा है, मैं मन से विनती करता हूं, जब तक विचार पूर्णतया विकसित ना हो तब तक ना बोलें। शांत रहने से शक्ति का सृजन होता है। बोलना चांदी के समान है, लेकिन चुप रहना सोने की भांति है। बोलना मानवीय है, चुप्पी ईश्वरीय। चुप्पी को भाषण का सृजनकर्ता माना गया है, जाहिर तौर पर माना भी जाना चाहिए। बहुत से भाषणों का सिर पर समझ में नहीं आता। इन भाषणों में विराम और बल की कमी के कारण भटकाव नजर आता है। लिहाजा बच्चों की बातों पर ध्यान दीजिए, पुलिस अधिकारियों की बात सुनिए, खाने के समय पारिवारिक बातचीत को गौर से सुनिए। आपको एहसास होगा कि स्वाभाविक रूप से विराम का उपयोग बातचीत को प्रभावित बनाता है। दर्शकों के समक्ष पहुंचने पर एक अस्वाभाविक दबाव हावी हो जाता है। नतीजतन वक्ता इस प्राकृतिक सिद्धांत को भूल जाता है। वक्ता को इस दबाव से उबरकर वास्तविक प्रतिभा को प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा, विराम का अंतराल संदेश का महत्व स्पष्ट करने में सहायता करता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि पूरा ब्रह्मांड गतिशील है,
इस प्रकार गति का सबसे निपुण उदाहरण लय है। ठहराव भी लय का अहम हिस्सा है। सटीक ठहराव के लिए प्रकृति के नियमों का अनुसरण करना चाहिए। उदाहरण, दिन रात, बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शीत ऋतु, इन सभी मौसमों के बीच में एक ठहराव होता है। इसके अलावा दिल की धड़कनों के बीच भी ठहराव की भूमिका अहम होती है। विराम का उपयोग कीजिए और दर्शकों को गंभीरता से विचार के महत्व को समझने का मौका दीजिए। दर्शक चुप्पी के बाद कही गई बात बेहद गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण इलाके में रहने वाले बच्चे छुट्टियां बिताने के लिए जब किसी शहर में रहने वाले रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो मोटर गाड़ियों की आवाजें उन्हें चौंकाने का काम करती है, जबकि शहरी लोगों पर उन आवाजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शहरी लोग चारों ओर मोटर गाड़ियों के लगातार शोर शराबे के आदि हो जाते हैं। जो लोग कभी कभी शहर आते हैं उन्हें यह आवाजें ज्यादा आकर्षित करती है। दरअसल लंबे अंतराल के बाद शोर शराबे का माहौल ज्यादा ध्यान भटकाता है। लंबे समय तक रेलगाड़ी में सफर करने के बाद रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट पर ध्यान नहीं जाता। यदि आप दूर टंगी दीवार घड़ी की टिक टिक ध्यान से सुनने की कोशिश करें तो थोड़ी देर में आवाज साफ सुनाई देने लगेगी। दरअसल ऐसा करते वक्त आप वातावरण में मौजूद बाकी आवाजों से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं और टिक टिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दर्शकों के ध्यान का सिद्धांत भी इसी नियम के आधार पर काम करता है। इस नियम को समझिए और इसके लिए खुद को तैयार कीजिए। इस नियम को बार बार दोहराइए। एक ठहराव के बाद सोचा गया विचार ज्यादा प्रभावशाली होता है। रात के मुकाबले सुबह कही गई बात ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि रात में नींद के द्वारा मिले विराम की वजह से सुबह एकाग्रता ज्यादा होती है। बाइबल के पहले पृष्ठ पर साफ तौर से उल्लेखित है कि ईश्वर के सृजन शक्ति को एक ठहराव के बाद सातवें दिन बल मिला था। आप अस्पष्ट हो गए होंगे कि दर्शकों का दुर्बल एवं अनंत दिमाग भी इसी तरह ठहराव की अपेक्षा रखता है। प्रकृति का अनुसरण करें, उसके नियमों पर ध्यान दें और भाषण के दौरान इन नियमों का पालन करें। तीसरा, ठहराव से असमंजस की प्रभावशाली स्थिति पैदा होती है। जीवन में संदेह से एक विशेष प्रकार की रुचि पैदा होती है। यह रुचि भाषा शैली से भी जन्म ले सकती है। नाटक या उपन्यास में कथा वस्तु का उल्लेख शुरू में कर दिया जाए तो पाठक की रुचि खत्म हो जाती है। स्त्रियों की प्रवृत्ति में संदेह पुरुषों में जिज्ञासा पैदा करता है। सर्कस में कलाबाजी करने वाला कलाकार कलाबाजी करने से पहले कई बार नाकाम कोशिश करता है ताकि दर्शकों में जिज्ञासा पैदा हो सके। इस जिज्ञासा को भापने के बाद ही कलाकार कामयाब कलाबाजी का प्रदर्शन करता है। कर्तव्य दिखाने से पहले की जाने वाली तैयारियों के द्वारा कलाकार दर्शकों की उम्मीद को बढ़ावा देता है और इस दौरान दर्शक पेश किए जाने वाले अद्भुत कर्तव्य का इंतजार करते हैं। हम केवल इंतजार नहीं करते बल्कि इस इंतजार की सराहना भी करते हैं। यदि किसी कर्तव्य में मछली झट से छलांग लगाकर किसी चीज को पकड़ ले तो थोड़ी देर में ऐसा खेल नीरस महसूस होने लगता है। शेरलॉक होम्स की कहानियों में मौजूद असमंजस ही पाठक को बांध कर रखता है। पाठक रहस्य खुलने तक बेहद रुचि के साथ इंतजार करता है। रहस्य का खुलासा यदि कहानी के बीच में कर दिया जाए तो यकीनन बाकी हिस्से के लिए पाठक की रुचि खत्म हो जाएगी। विकी कॉलिंस का काल्पनिक कहानी लिखने का नुस्खा भाषण की कला पर भी बराबर लागू होता है। पाठकों को हंसाएं, रुलाएं और इंतजार करने के लिए विवश करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि इंतजार कराएं। दर्शकों को इंतजार के लिए प्रेरित न करने वाला कलाकार हंसाने या रुलाने का काम नहीं कर सकता। प्रशिक्षित लेखक असमंजस बनाए रखने के लिए ठहराव के सिद्धांत का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। एक भाषण में विलियम ब्रायन ने कहा, उन्हें सुनना मेरे लिए सम्मान की बात थी। और फिर वह कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। इस अंतराल में दर्शकों के बीच जिज्ञासा पैदा हुई कि किसे सुनना विलियम को सम्मानित महसूस हुआ। ईसाई धर्म के महान प्रचारक। और वह फिर रुक गए। जिस व्यक्ति की वह चर्चा कर रहे थे दर्शकों को उनके बारे में बेहद कम जानकारी थी, लेकिन दर्शकों ने इसके बावजूद उस स्थिति को पहचानने की कोशिश जारी रखी। चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा, टिड एल मूडी। ब्रायन फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोले, मैं उनका सम्मान करने लगा। इसके बाद वो फिर चुप हो गए और एक बार फिर दर्शकों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। दर्शक सोचने लगे कि मूडी का किस प्रकार सम्मान करने लगे। तब उन्होंने कहा, एक महान उपदेशक के तौर पर यदि भाषण के इस हिस्से से ठहराव को हटा दिया जाए तो परिणाम कुछ इस तरह होगा।
उन्हें सुनना मेरे लिए सम्मान की बात थी। ईसाई धर्म के महान प्रचारक टीड एल मूडी, मैं उनका सम्मान करने लगा एक महान उपदेशक के तौर पर। एक अकुशल वक्ता इस प्रस्तुति को ठहराव और संदेह की कमी के जरिए नीरस बना सकता है। इन छोटी छोटी बारीकियों का सूक्ष्म अंतर एक कामयाब और नाकाम वक्ता के बीच की दूरी होता है। चौथा, सटीक ठहराव से महान विचार और प्रभावशाली हो जाता है। कोई भी किसान आपको समझा सकता है कि मूसलाधार बारिश का पानी तेज गति से बाहर दूर चला जाता है और फसल के लिए उम्मीद से कम लाभदायक होता है। इसी प्रकार यदि भाषण की गति तेज है तो दर्शक वक्ता के भाव और विचार को नहीं समझ पाते। किसान की पत्नी भी कपड़े धोने के लिए इसी नियम का पालन करती है। गंदगी दूर करने के लिए कपड़ों को घंटों पानी में भिगोया जाता है। जब जीवन के हर मोड़ पर हम इस नियम का पालन करते हैं तो भाषा शैली में इस नियम को क्यों नकारा जाए। दर्शकों के समक्ष किसी महान विचार को प्रस्तुत करने से पहले कुछ क्षण रुकें ताकि दर्शकों को विचार की गहराई तक जाने का मौका मिल सके। अपने भाषण को एक दिन में न्यूयॉर्क घुमाने का दावा करने वाले गाइड की तरह जल्दबाज न बनने दे। यह गाइड मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय में रखी श्रेष्ठ कृतियों की झलक केवल 15 मिनट लेने देते हैं। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का दर्शन 10 मिनट में करा देते हैं। जल जीवालय की बस एक झलक ही मिल पाती है। ब्रुकलिन ब्रिज को अफरा तफरी में पार करवाते हैं। चिड़ियाघर में भी जल्दबाजी हावी होती है। इसके बाद ग्रांड टोम पर वापस ले आते हैं और इसी अफरा तफरी को न्यूयॉर्क दर्शन का नाम दिया जाता है। यदि आप भाषण के महत्वपूर्ण बिंदु पर सही ठहराव का प्रयोग नहीं करेंगे तो निसंदेह दर्शक आपके विचारों को नहीं समझ सकेंगे। ध्यान रखें कि आपके पास भी उतना ही समय है जितना आपके आसपास बसने वाले अरबपतियों के पास। दर्शक वक्ता का इंतजार करते हैं। कैलिफोर्निया के मशहूर लाल सागौन पेड़ सुकरात की मृत्यु से 500 साल पहले उपजने के बावजूद आज भी युवावस्था में है। प्रकृति के धैर्य को देखकर स्वयं के उतावलेपन पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। चुप्पी दुनिया के सभी भावों के मुकाबले ज्यादा मन हरण होती है। इस कला पर दक्षता हासिल कीजिए और ठहराव के जरिए इसका उपयोग कीजिए। विराम और ठहराव के सटीक प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित संकलन में अल्प विराम के संकेतों का इस्तेमाल किया गया है। स्वाभाविक रूप से आप इन संकेतों का विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल कर भाषण के महत्व और अर्थ को बदल सकते हैं। यह मुख्यतः निजी प्राथमिकता का विषय है। एक दर्जन से ज्यादा कलाकारों ने अपने अंदाज में हैमलेट के किरदारों को निभाया है। किस कलाकार ने किरदार पूरी निपुणता से निभाया इसका आकलन नहीं किया जा सकता। निजी अंदाज को उजागर करने से ही मनचाही कामयाबी मिलती है। एक क्षण का विराम व्यक्ति को शेष भीड़ से पृथक कर देता है। यह आश्चर्य की बात है। प्रेतों का काफिला पहुंच चुका है और अब कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। अरे जल्दी करो। जिन सांसारिक उम्मीद की चाह में व्यक्ति का दिल धड़कता है वह राख हो जाती है या उस गुमनाम बर्फ की तरह होती है जो रेगिस्तान के धूल भरे चेहरे को कुछ समय के लिए ढक देती है। समय की चिड़िया के पास उड़ने के कई साधन होते हैं जबकि एक वास्तविक चिड़िया अपने पंखों के सहारे ही फड़फड़ाती है। आपने गौर किया होगा कि विराम चिन्ह का ठहराव के सिद्धांत से खास वास्ता नहीं होता। आप भाषण के किसी भी हिस्से को तेजी से पढ़ सकते हैं और कहीं भी विराम ले सकते हैं। अर्थात विचार का महत्व विराम चिन्ह से ज्यादा होता है। एक कविता के पुस्तक, मदिरा का प्याला, पाव रोटी का बड़ा सा टुकड़ा और बीहड़ में गीत गाते हजारों कंठ, ओह बीहड़ का सौंदर्य स्वर्ग समान होता है। बायरन द्वारा लिखित संकलन में विराम संकेतों पर ध्यान दीजिए। लेकिन वे गहरी आवाज एक बार फिर सुनाई दे रही है, पहले से ज्यादा निकट और साफ और घातक। धड़ाम धड़ाम तोप के गरजने की आवाज। इन स्वाभाविक विभिन्नताओं के महत्व पर लंबे विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। आप महसूस कर सकते हैं कि आम बातचीत करते वक्त जहन में शब्दों और मुहावरों का ताना बाना बनने लगता है और हम सही शब्द या मुहावरा चुनने के लिए हल्का सा रुक जाते हैं। इसी प्रकार भाषण के दौरान सांस लेने के लिए रुके और पूरी सांस भरने के बाद ही दोबारा बोलना शुरू करें। जल्दबाजी से भाषण का सौंदर्य कम हो सकता है। सावधानी के तौर पर एक हिदायत बेहद जरूरी है। विराम और ठहराव के सिद्धांतों का बहुत ज्यादा अभ्यास न करें। विराम के ज्यादा अभ्यास से भाषा शैली बोझिल और
अस्वाभाविक हो सकती है। इस बात का भी खासा ख्याल रखना जरूरी है कि विराम किसी आम विचार को महत्वपूर्ण साबित करने का काम नहीं कर सकता। आपको प्राचीन हास्यास्पद रचना मिडनाइट मर्डर का व्याख्यान याद है, जिसकी शुरुआत बहुत आडंबरपूर्ण तरीके से हुई और अंत बेहद रोमांचकारी रहा। अंत कुछ इस प्रकार था, और उसने निष्ठुर ढंग से मच्छर की हत्या कर दी। अंतिम पंक्ति में विराम को कुछ इस नाटकीय ढंग से पेश किया गया है कि दर्शक हंसी पर काबू नहीं रख सके। हास्यपद भाषण में भाषा की शैली कारगर सिद्ध होती है, लेकिन गहन और गंभीर भाषण प्रस्तुत करते वक्त हास्यपद ढंग का उपयोग भाषण का प्रभाव छीन कर देता है। अर्थात भाषण के दौरान विराम की गंभीरता और लहजे की सहजता को समझना बहुत आवश्यक है। लेसन 7, सुर बदलने की दक्षता। विलियम कॉपर का कहना है, गांव की उन घंटियों की धुन कितनी मधुर है, एक अंतराल के बाद सुनाई पड़ती है। आवाज का उतार चढ़ाव बेहद मधुर है। अभी धीमा स्वर, फिर तेजी से बजना और तेजी से बजना गुंजायमान बेहद साफ, जैसे झोंका आ रहा हो, एक साधारण सी शक्ति से जर्रे जर्रे में समा रही है, वहां जहां याददाश्त गहरी नींद सो रही हो। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस लय पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि लेखक ने बातचीत के दौरान सुर बदलने के सिद्धांत को महत्व दिया है और बड़े भावनात्मक तरीके से ज्ञान का दर्शन प्रस्तुत किया है। यह कितना सच प्रतीत होता है कि शब्दों के मुकाबले सुर में उतार चढ़ाव से कथन के भाव को ज्यादा स्पष्ट किया जा सकता है। सुर में उतार चढ़ाव की मामूली प्रतिभा से भाषा का प्रस्तुतीकरण कई गुना प्रभावी हो जाता है, और सुर के उतार चढ़ाव की इसी कला को विभक्ति कहते हैं। शब्द के अंतर्गत सुर में बदलाव की कला और ज्यादा अहम है। मुहावरे के मुकाबले इस कला का उपयोग शब्द के बीच करना बेहद महीन काम है। शब्द बिखरी ईंटों के समान होते हैं, लेकिन सुर बदलने की कला के द्वारा इन ईंट समान शब्दों से रास्ता, गोदाम या गिरजाघर तैयार किया जा सकता है। सुर बदलने की कला शब्दों को नया अर्थ प्रदान कर सकती है। इसी आधार पर एक पुरानी कहावत की रचना की गई है। क्या कहा गया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे कहा गया है यह महत्वपूर्ण है। शेक्सपियर की रचनाओं पर टिप्पणी करने वाली शख्सियत श्रीमती जेम्स ने सुर बदलने से संबंधित एक तीक्ष उदाहरण दिया है। लेडी मैकबेथ के जैसा दिखने के लिए श्रीमती सिडोन्स ने हम नाकाम रहे भाव को तीन अलग अलग भाव से पेश किया। सर्वप्रथम तिरस्कारपूर्ण प्रश्न के तौर पर, हम नाकाम रहे। इसके बाद अचरज जताते हुए, हम नाकाम रहे। आश्चर्य को दर्शाने के लहजे के साथ पर विशेष जोर देते हुए, हम नाकाम रहे। अंत में परिणाम को पुख्ता करने की मंशा से वह सहमते हुए, जो मेरे ख्याल से सबसे सटीक भाव था, हम नाकाम रहे। एक सामान्य अंतराल में स्वर को धीमा, गहरा और गंभीर करते हुए, जैसे उसने मामले का निपटारा करते हुए कुछ इस तरह कहा हो, यदि हम नाकाम रहे तो क्यों रहे, अब सब खत्म हो गया है। विदेशी भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता का एहसास प्रशिक्षण के आखिरी दौर में होता है। स्वाभाविकता दर्शाने के लिए सुर में बदलाव की कला का उपयोग आवश्यक होता है। सुर बदलने की कला के अभाव में एक रूपता झलकने लगती है। सुर बदलने की कला में सुर चढ़ाने और गिराने का अभ्यास किया जाता है। सुर से संबंधित प्रतिभा असाधारण होती है। सुर के बीच पैदा किया गया महीन अंतर का प्रभाव बेहद व्यापक होता है। सुर बदलने की कला के द्वारा विभिन्न सुरों को जन्म दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तेजी से सुर का चढ़ाना, लंबे अंतराल तक सुर को खींचना, सपाट सुर, लंबे अंतराल तक गिरने वाला सुर, तेजी से गिरने वाला सुर, तेजी से चढ़ने गिरने वाला सुर, तेजी से गिरने चढ़ने वाला सुर और हिचकिचाहट। दरअसल सुर में विभिन्नता की कोई सीमा नहीं है। इन उदाहरणों के द्वारा सुर में बदलाव के सामान्य सिद्धांत यानी सुर में उतार चढ़ाव के माध्यम से होने वाले प्रभाव को दर्शाया गया है। अलग अलग विचार और भावनाओं को व्यक्त करने वाले विभिन्न सुरों की सूचीबद्ध करना नामुमकिन है। इस कला के प्रशिक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों के साथ अभ्यास के लिए पर्याप्त सामग्री का उल्लेख किया गया है। अभ्यास सुर में बदलाव की कला पर पकड़ बनाने का सबसे आसान तरीका है। उदाहरण के लिए इस साधारण वाक्य को ही ले लीजिए, ओह यह एकदम ठीक है। ध्यान दीजिए कि कैसे सुर बदलने के जरिए फीकी सराहना, विनम्र संदेह और विचारों की अनिश्चितता को व्यक्त किया जा सकता है।
इसके बाद ध्यान दीजिए कि कैसे समान भाव को दर्शाने में गिरता हुआ सूर्य निश्चय, अच्छे आचरण के साथ सहमति, उत्साहपूर्ण सराहना आदि को प्रदर्शित करता है। साधारण तौर पर ऊंचे सुर से शंका और अनिश्चितता का भाव पैदा करता है, जबकि गिरते हुए स्वर से निश्चितता का बोध होता है। छात्र यह साबित करने के लिए कि उनका भाषण कुछ खास बुरा नहीं था, ऊंचे सुर का इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत नीचे स्वर में भाव व्यक्त करने वाले छात्रों को कथन की सत्यता प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। उस व्यक्ति को अलविदा कहने की कल्पना करें जिससे आप कल दोबारा मिलने वाले हैं, फिर उस मित्र को जिसे मिलने की संभावना बेहद कम है। इन दोनों भावों में सुर के बदलाव का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। चाय पर किसी कम पहचान की महिला से अलविदा कहते समय आपके साथ बिताया गया समय बेहद सुखद था का भाव और प्रेमिका के साथ बिताए गए समय के बाद इस भाव का प्रस्तुतिकरण समान नहीं होता। दोनों स्थितियों में सुर में बदलाव के अंतर को महसूस किया जा सकता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सुर में बदलाव की प्रक्रिया बेहद अप्रत्याशित होती है। एक एक शब्द के बीच बेहद महीन बदलाव, भाषण के दौरान सुर में तेज और बेहद धीमे बदलाव से इस कला को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। हालांकि यह भी नहीं नकारा जा सकता कि कभी कभी सुर में तेज और धीमे बदलाव की भी आवश्यकता होती है, पर जाहिर तौर पर यह सिद्धांत विशेष परिस्थिति में ही कारगर सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि शब्दों के उच्चारण में सुर का बदलाव आवश्यकता से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। सुर में जरूरत से ज्यादा बदलाव भाषा को बनावटी बना देता है। ऐसा लगता है जैसे एक परिपक्व गृहिणी चुलबुली अदाएं दिखाने की कोशिश कर रही हो। यह एक स्वाभाविक भाव और बिना इरादे के किए गए मजाक के बीच एक महीन पर्दे के समान है। अपने सुर का स्वयं विश्लेषण कीजिए, उदाहरण के तौर पर ओह नहीं, या फिर ओह मैं समझा, और वास्तव में जैसे भाव को सुर के बदलाव के जरिए अलग अलग मतलब देने की कोशिश कीजिए और धैर्य पूर्वक इसकी समीक्षा कीजिए। नियमों की पुस्तक के मुकाबले यह अभ्यास विषय को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करेगा। इसके अलावा अंतर्मन की आवाज पहचानना भी महत्वपूर्ण विशेषता है। लेसन 8, भाषण शैली में एकाग्रता। डेनियल पुतनम का कहना है, सावधानी बौद्धिक दृष्टि के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का काम करती है। इसकी क्षमता कम और ज्यादा हो सकती है, इसके देखने का दायरा कम और ज्यादा हो सकता है। जबकि इसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है तो इसका दायरा कम हो जाता है, लेकिन इसका परिणाम बेहद कुशल एवं गहन होता है। हालांकि इसके द्वारा बेहद कम दायरे में देखा जा सकता है, लेकिन कम दायरे में दिखने वाली चीजों का बारीकियों से अध्ययन किया जा सकता है। एक सीमा तक केंद्रित बौद्धिक ऊर्जा एवं सक्रियता चाहे अनुभव से हो या विचारों से, सूर्य की उन किरणों के समान होती है जिन्हें कांच के टुकड़े के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। वस्तु सूर्य की किरणों से गर्म हो जाती है और आग पकड़ देती है। सिर के ऊपर आगे पीछे की ओर हाथ फेरे और साथ ही अपने सीने को थपथपाएं। तालमेल का सही अभ्यास होने तक यह क्रिया नामुमकिन नहीं तो बेहद उलझन भरी जरूर महसूस होगी। एक ही समय पर दो या तीन काम करने की विद्या सीखने के लिए दिमाग को विशेष अभ्यास की जरूरत होती है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक दिमाग एक समय में दो विचारों के विषय में नहीं सोच सकता। अक्सर हमें महसूस होता है कि हमने दो विचारों के विषय में एक ही समय में सोचा है, लेकिन दरअसल ऐसे दो विचारों के बीच बेहद समानता होती है, लिहाजा हमें लगता है कि यह एक ही समय में होने वाली क्रिया रही होगी। इस दावे की सत्यता की मनोवैज्ञानिक वजह जो भी हो, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिमाग दूसरे विचार तक पहुंचते वक्त पहले विचार को छोड़ देता है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। अधिकतर वक्ता एक विचार व्यक्त करते समय अगले विचार को सोचने की बहुत आम लेकिन हानिकारक गलती करते हैं और इस तरह वक्ता की एकाग्रता भंग हो जाती है। परिणाम स्वरूप वाक्य की शुरुआत तो बेहद प्रभावशाली होती है, लेकिन अंत बेहद फीका हो जाता है। पहले से तैयार किए गए लिखित भाषण में ध्यान रखा जाता है कि वाक्य के अंत में ही बल देने योग्य शब्दों का प्रयोग किया जाए, लेकिन बल देने योग्य शब्द के लिए प्रभावशाली प्रस्तुति की भी आवश्यकता होती है। एकाग्रता के अभाव में यह प्रभाव फीका पड़ जाता है, लिहाजा मौजूदा वाक्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक होता है। याद रहे कि दर्शकों का दिमाग वक्ता के दिमाग का बहुत ध्यानपूर्वक अनुकरण करता है। यदि भाषण के दौरान एकाग्रता को मौजूदा वाक्य की जगह अगले वाक्य पर केंद्रित कर दिया जाए तो दर्शकों का दिमाग भी भटक जाता है। हालांकि दर्शकों में यह भटकाव सोचा समझा नहीं होता, लेकिन निसंदेह
ऐसे मौके पर मौजूदा वाक्य का महत्व दर्शकों के लिए कम हो जाता है। वक्ताओं और कलाकारों के लिए विचारों का भटकाव बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। निसंदेह भाषण के बीच स्वाभाविक विराम के दौरान अगले वाक्य के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन एक वाक्य बोलते समय दूसरे वाक्य के बारे में सोचना हानिकारक होता है। किसी गहन विचार को एकाग्रता के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। निसंदेह एकाग्र व्यक्ति विचारों के भाव को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता रखता है। भाषण की तैयारी के समय वक्ता विचार और भावनाओं को केंद्रित करता है। स्वाभाविक विराम के दौरान अभ्यस्त वक्ता आगामी विचारों पर ध्यान देते हुए प्रभावशाली प्रस्तुति की तैयारी करता है, लेकिन भाषण के दौरान केवल बोले पूर्वानुमान न करे। एकाग्रता के साथ शक्तियों को भी बांटे। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पर ध्यान दे। आपने क्या पढ़ा मेरे स्वामी? हैमलेट ने जवाब दिया, शब्द शब्द शब्द। यह एक प्राचीन समस्या है। शब्दों का सपाट उच्चारण भाव पैदा नहीं करता, लेकिन शब्दों को खींचने से भाव व्यक्त हो सकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रटा हुआ भाषण कितना खोखला महसूस होता है? क्या आपने कभी एक लय और तेज स्वर में दोषारोपण करने वाले अप्रभावी कलाकार, वकील या उपदेशक को सुना है? ऐसे लोग मानसिक समस्या से ग्रसित होते हैं। पेशेवर लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते कि महत्वपूर्ण भाव को सपाट तरीके से व्यक्त करने से उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। लिहाजा महत्वपूर्ण भाव को दृढ़ता से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। ऐसी प्रस्तुति वक्ता और दर्शक दोनों के लिए कष्टदायी होती है। इस लिहाज से तो तोते को भी वाक्पटु माना जा सकता है। शेक्सपियर ने बड़े सटीक उदाहरण के साथ समझाया है कि मेरे शब्द ऊपर उड़ते हैं, विचार सतह पर रहते हैं, बिना सोचे बोले गए शब्द स्वर्ग तक नहीं पहुंचते। निपुण वक्ता होने के नाते शब्दों को बार बार नया जन्म देना चाहिए। इस प्रकार भाषण से एक रूपता के बादल छट जाते हैं। शब्दों के पीछे छिपे स्वाभाविक हार्दिक ताजा और सहज विचार भाषण की प्रस्तुति को जीवंत बना देते हैं। शब्द अभिव्यक्ति का परिणाम होते हैं। कारण को प्रोत्साहित किए बिना परिणाम तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ध्यान कैसे केंद्रित किया जाता है? क्या आपने विभिन्न शब्दों के दार्शनिक अर्थों पर ध्यान दिया है? गौर करें कि किस प्रकार एक कांच का टुकड़ा सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा को केंद्रित करता है। कठोर सत्य है कि एकाग्र न हो सकने वाले व्यक्ति में या तो इच्छा शक्ति की कमी होती है, या वह घबराहट की बीमारी से ग्रसित होता है, या फिर उसे इच्छा शक्ति के महत्व की जानकारी ही नहीं होती है। हर व्यक्ति में वातावरण की बाकी घटनाओं से ध्यान हटाकर खुद को एकाग्र करने की शक्ति होती है। शरीर के किसी हिस्से में होने वाली पीड़ा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने से पीड़ा और बढ़ जाती है। टेनिस के खेल में प्रहार पर ध्यान दीजिए, प्रदर्शन में खुद ब खुद निखार आ जाएगा। एकाग्रता का अर्थ है किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी चीजों से ध्यान हटाना। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। इस कमी पर सबसे पहले ध्यान दें। कमी को सुधारने की भरपूर कोशिश करें। निश्चित रूप से समाधान निकल आएगा। आत्मशक्ति से संबंधित अध्याय को ध्यान से पढ़ें। इच्छा और अभ्यास के द्वारा इच्छा शक्ति को विकसित करें। हर कीमत पर ध्यान लगाएं। निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। लेसन 9, बल। हालांकि यह साधन चौकन्ना करता है, उदासीनता से व्यथा न पैदा होने दे। उत्साह हासिल करने के लिए भद्र समाज का हिस्सा बने। ऐसा करने से नैतिकता की भूख बढ़ेगी। कई नाटक अच्छे होने के बावजूद दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम सिद्ध होते हैं। रंगमंच की जबान में कहा जाए तो ऐसे नाटक एक निश्चित प्रभाव से ऊपर उठाने में नाकाम रहे हैं। दरअसल ऐसे नाटकों में रोचकता, मनोरंजन और प्रचंडता की कमी महसूस होती है। निसंदेह ऐसे नाटक त्रासदी से कम महसूस नहीं होते। सटीक शब्दों में कहें तो ऐसे नाटकों के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत कम तैयारी की जाती है और मंच पर भी अभिनय में जान डालने के खास प्रयास नहीं किए जाते। इन नाटकों का प्रस्तुतिकरण बेहतर कर दिया जाए तब भी दर्शकों पर खास प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इन नाटकों को जल्द भुला दिया जाता है। बल क्या है? पूर्णतः स्पष्ट प्रतीत होने वाले शब्दों की बारीकी से छानबीन की जाए तो कई गुप्त अर्थ निकाले जा सकते हैं। बल को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। शुरुआत करने से पहले आंतरिक और बाहरी शक्ति के बीच के अंतर को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक शक्ति कारण है तो दूसरा नतीजा। एक शक्ति वास्तविक है और दूसरी ईश्वरीय। इसी प्रकार निर्जीव और सजीव बल अलग अलग होते हैं। व्यक्ति में आंतरिक शक्ति को जुटाकर उसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की असीम प्रतिभा होती है।
यह कला गंधक पोटास के समान नहीं होती, जिसमें विस्फोट के लिए बाकी ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। व्यक्ति की बाहरी ताकत से प्रभावित होने वाली वास्तविक शक्ति अंतर्मन से जन्म लेती है। यह सुनने में महज मनोवैज्ञानिक प्रतीत हो सकता है, लेकिन भाषण की कला में निपुणता हासिल करने में इसका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। वक्ता के लिए मानवीय शक्ति और शारीरिक बल के बीच अंतर को समझना बहुत जरूरी है, साथ ही इसके वास्तविक गुण को भी गंभीरता से समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, तेज आवाज में बोलना शक्ति का प्रतीक नहीं होता। ऊंचा बोलने को अक्सर चिल्लाना माना जाता है। महज गरजने से भाषण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। हालांकि ऐसे कुछ पल जरूर होते हैं जब भाषण के किसी हिस्से को तेज आवाज के जरिए बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बल यदि कारण है तो प्रभाव भी है। आंतरिक शक्ति का जन्म चार महत्वपूर्ण प्रगतिशील तत्वों से होता है। सबसे पहले बल की उत्पत्ति दृढ़ निश्चय से होती है। भाषण के दौरान किसी महत्वपूर्ण भाव को बल देने से पहले कथन की सत्यता, महत्व और सही मतलब का बोध होना बहुत जरूरी होता है। दृढ़ निश्चय विश्वास को जन्म देता है। द सैटरडे इवनिंग पोस्ट के एक लेख इंग्लैंड के TR में विंस्टन स्पेंसर चर्चिल ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि चर्चिल और रूजवेल्ट की कामयाबी के पीछे प्रभावशाली भाषण की कला सबसे बड़ी वजह रही है। आंतरिक शक्ति की महत्ता को गहराई से समझने के लिए इसके मूल सिद्धांत को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति दृढ़ निश्चय की भावना को कैसे महसूस करता है? इसका जवाब खुद सवाल में छिपा है। व्यक्ति इसको महसूस करता है। निश्चय का एहसास भावनात्मक तनाव पैदा करता है। थियोडोर रूजवेल्ट और बिली संडे के भाषण देते वक्त खींची गई तस्वीरों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। भाषण के अंत में पहुंचने पर उन वक्ताओं के जबड़ों में खिंचाव और तनाव की वजह से शरीर में खींची नसों पर ध्यान दीजिए। नैतिक और शारीरिक बल लगभग एक ही तरह से काम करता है। दोनों बलों को दर्शाने में तनाव और तंतु शक्ति की भूमिका एक समान होती है। धनुष के प्रत्यंचा के खिंचाव और प्रत्यंचा खींचने में मांसपेशियों का बल दर्शकों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार जब वक्ता अपनी संयोजित शक्ति का प्रदर्शन करता है तो दर्शकों में उत्सुकता की लहर प्रवाहित हो जाती है। इस संयोजित शक्ति को उजागर करने के लिए इसे ढीला छोड़ना आवश्यक होता है। यही वह शक्ति है जो दर्शकों को सतर्क बनाती है। दर्शक वक्ता की जुबान से बरसने वाली शब्दों की बौछार का उत्सुकता से इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार यह इंसानी फितरत है। एक गुड्डे में निश्चय और भावनात्मक तनाव जैसे जज्बात को नहीं डाला जा सकता। यदि आप अपने भाषण रूपी चबूतरे पर लकड़ी की बुरादे की गद्दी लगाने की सोचे तो स्वाभाविक है कि आपके भाषण की फूक खुद ब खुद निकल जाएगी। निश्चय और तनाव की विकसित प्रतिभा से दर्शकों के बीच उत्साह पैदा करने का भरोसा पैदा होता है। उद्देश्य को बल की आधारभूत शक्ति माना जाता है। इसके अभाव में भाषण कमजोर पड़ जाता है। इससे चमक तो पैदा हो सकती है, लेकिन यह चमक बिना रीढ़ की हड्डी वाली जेली मछली के समान महत्वहीन होती है। जिस रफ्तार से आप दर्शकों पर पकड़ बनाते हैं, उसी रफ्तार से आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। अंततः यदि विश्वास, तनाव और उद्देश्य के मिश्रण से लक्ष्य को गति नहीं मिल रही है तो इसका प्रयोग निरर्थक साबित होता है। अपनी शक्ति को नीरसता में तब्दील न होने दे, उसे सकारात्मक रूप देने का प्रयत्न निरंतर जारी रखें। क्या बल को अर्जित किया जा सकता है? हाँ, इस बल को अर्जित करने की इच्छा रखने वाला वक्ता उक्त प्रतिभा को हासिल कर सकता है। निम्नलिखित विश्लेषण के द्वारा इस कला पर पकड़ बनाने के सुझाव दिए गए हैं। विषय पर विश्वास कायम करने तक भरोसे को अडिग रखें। यदि विचार जहन में तनाव पैदा नहीं कर पा रहा है तो एहसास को जागृत करने की कोशिश जारी रखें। यदि हिम दरार को लांघना जीवन रक्षा के लिए जरूरी हो जाए तो किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मौके पर व्यक्ति अपनी मांसपेशियों में खुद ब खुद लचक महसूस करने लगता है। इसी प्रकार भाषा में निपुणता हासिल करने के लिए वक्ता प्रेरणा खोजने के स्तर से ऊपर उठ जाता है। अर्थात भाषा में निपुणता हासिल करने में भी इच्छा शक्ति अहम भूमिका अदा करती है। यह तथ्य दोहराने योग्य है, दक्षता हासिल करने में इच्छा शक्ति सर्वोपरि है। इच्छा शक्ति की लौ जलाए रखने के लिए दर्शक या फिर आप खुद प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इंजन कितना भी उत्तम हो, ईंधन के अभाव में उससे काम नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार विराम, स्वर के उतार चढ़ाव और सुर के बदलाव में अभ्यस्त वक्ता में ऊर्जा का अभाव प्रस्तुति को अप्रभावशील बना देता है। भाषण में बल पैदा करने के चार महत्वपूर्ण गुणों पर भरपूर नियंत्रण होना चाहिए। वे गुण इस प्रकार हैं: विचार, विषय पर मजबूत पकड़,
शब्दों का सटीक चयन एवं प्रस्तुतिकरण। इस अंक में इन सभी विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। विशेषकर सटीक शब्दों का चयन, इसके जरिए व्याख्यान की कला बेहद प्रभावशाली हो जाती है। भाषण में बल स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दें। सटीक शब्दों का चयन, असाधारण शब्दों के मुकाबले सामान्य शब्द ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। बाजीगिरी के मुकाबले हाथ की सफाई ज्यादा प्रचलित शब्द है। लंबे शब्दों के मुकाबले छोटे शब्द ज्यादा प्रखर होते हैं। समापन के मुकाबले खत्म ज्यादा प्रचलित शब्द है। संस्कृत के मुकाबले देवनागरी हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें, अग्नि की जगह आग का इस्तेमाल ज्यादा प्रभावशाली महसूस होता है। व्यापक शब्दों के मुकाबले निश्चित शब्दों का महत्व ज्यादा होता है। मुद्रक की जगह छापने वाला ज्यादा स्पष्ट भाव पैदा करता है। लक्ष्य साबित करने वाले शब्द निसंदेह आमतौर पर बोले जाने वाले शब्दों के मुकाबले ज्यादा गहरा प्रभाव डालते हैं। उसकी शादी हो गई के मुकाबले आखिरकार उसने शादी कर ही ली से भाव की स्पष्टता बढ़ जाती है। शख्सियत से संबंधित अपशब्दों के मुकाबले लक्षण दर्शाने वाले शब्दों का प्रभाव ज्यादा होता है। उस मक्कार इंसान से कह देना के मुकाबले उस चालाक लोमड़ी से कह देना जैसे शब्दों से भाव ज्यादा भद्र एवं प्रभावशाली हो जाता है। शब्दों को क्रमबद्ध करना, वाक्य की शुरुआत ध्यान आकर्षित करने वाले शब्दों के साथ करें। प्रोफेसर बैरेंट वेंडल के मुताबिक प्रतिष्ठावान शब्दों के साथ वाक्य का अंत करें। कमजोर विचारों के सम्मुख गहन एवं गंभीर विचार प्रस्तुत करें। इस वैचारिक तुलना से आत्मविश्वास बढ़ता है। भाव को ज्यादा विस्तार से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, छोटे वाक्य ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। निरर्थक शब्द को भाषण से छाटने की कोशिश करें ताकि अहम शब्दों पर विशेष बल दिया जा सके। आम घरेलू कहावतों का इस्तेमाल औपचारिक और दार्शनिक विचारों के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली होता है। वाक्यों में गहन विचार को सही स्थान दें। इस प्रकार विचार के महत्वपूर्ण हिस्से को ज्यादा बल प्रदान किया जा सकता है। लेकिन किसी ने कहा है, विषय के दिलचस्प हिस्से पर निर्भर होने से प्रभाव नहीं जमता। उसके मूल भाव, स्पष्ट तौर पर की गई व्याख्या और प्रस्तुति का सौंदर्य दर्शकों को आकर्षित करने में ज्यादा कारगर साबित होता है। किसी व्यक्ति को बलपूर्वक आकर्षित करने के मुकाबले उसे मोहित करना ज्यादा उत्तम तरीका है। बल का प्रयोग क्यों किया जाए? यह नजरिया वास्तविकता के बेहद करीब है, लेकिन पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं है। स्पष्टता, धारणा, सौंदर्य एवं सत्य की साधारण व्याख्या करना आवश्यक होता है। निश्चित ही इन गुणों के मिश्रण से प्रस्तुतिकरण में चार चांद लग जाते हैं। छोटे मोटे प्रहार की परवाह करने वाले वक्ता आक्रामक संदेश देने में विफल साबित होते हैं। जिस तरह सख्त चमकीले पत्थर को रगड़कर चिंगारी पैदा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मात्र सहजता से दर्शकों में जिज्ञासा पैदा नहीं की जा सकती। दर्शकों से भरे मंच के सम्मुख अभिनय करते समय यदि आप भावुकता के साथ कहें, मुझे लगता है कि नाट्यशाला में आग लग गई है, तो जाहिर तौर पर दर्शक हंसी से फूट पड़ेंगे। यदि इस भाव को चिंता और बौखलाहट के साथ व्यक्त किया जाए तो दर्शक एक दूसरे को रोनते हुए बाहर के दरवाजे की ओर भागना शुरू कर देंगे। वक्ता के मिजाज और भाषा के प्रभाव से संदेश दृढ़ हो जाता है। किसी यादगार भाषण में मुझे लगता है, मुझे पता लगाना होगा, मेरी राय में और शायद यह सच है, जैसे भाव का उपयोग नहीं किया गया है। वक्ताओं के आत्मविश्वास और निर्भीक भाषण शैली ने ही महान व यादगार भाषणों की नींव रखी है। दरअसल इन वक्ताओं ने शब्दों के जरिए अविनाशी सत्य को जाहिर करने की हिम्मत दिखाई है। ईसा मसीह के बारे में कहा गया है कि साधारण व्यक्ति ईसा मसीह का प्रवचन बहुत आनंद से सुनते थे। क्यों? दरअसल ईसा मसीह पूर्ण विश्वास के साथ शिक्षा प्रदान करते थे। दर्शकों पर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता कि आपके मुताबिक क्या सही है और आपकी मान्यता क्या है। भाषण में दर्शकों को आकर्षित करने की ऊर्जा होनी चाहिए। बोलने से पहले विचार की सत्यता को परखा जाना चाहिए, फिर उस विचार को ब्रह्म सत्य के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए। दृढ़तापूर्वक विचार की सत्यता को प्रमाणित करना चाहिए। विचारों की घोषणा चुनौतीपूर्ण लहजे में करनी चाहिए। यदि आप विश्वास के साथ नहीं बोल सकते तो बेहतर है कि चुप रहें। एक कट्टर विचार वाले युवा मंत्री में वह कौन सी शक्ति होती है जो हठधर्मी होने के बावजूद दर्शकों को प्रोत्साहित करने में कामयाब हो जाता है? मेरे दोस्तों, जो मैं आपको मानता भी हूँ, कर्तव्य के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि पश्चाताप ही पापों को धोने का सही मार्ग है। पश्चाताप से पाप पूरी तरह धुल जाते हैं, साथ ही सत्य के मार्ग की जानकारी मिलती है। लेकिन इससे बड़ी सच्चाई यह है कि
यदि मैं भी आपको यही शिक्षा देने लगूंगा तो सभी लोग पश्चाताप का मार्ग अपना लेंगे, फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा। प्रभावशाली भाषण में एक युग से संबंधित दर्शन प्रस्तुत करना चाहिए। आज के दौर में उत्साहहीन और बेमन से प्रस्तुत किए गए भाषण को कोई नहीं सुनना चाहता। आज के युग में समाज दुनिया भर की जानकारी रखता है, लिहाजा भाषण और विचारों को प्रचलित करने के लिए वक्ता को दर्शकों के मिजाज को समझना चाहिए। पहली कतार में बैठकर किसी प्रसिद्ध नाट्य रचना को गौर से देखिए। ध्यान रहे, रोमांचक नाट्य रचना हास्य रचना नहीं। नाटक देखते समय कहानी से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लीजिए और प्रस्तुतिकरण की तकनीक एवं कलाकारों के अभिनय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नाटक के अंत में अभिनय में विशेष आकर्षण एवं प्रबलता का अनुभव होगा। इस अध्याय में यही प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। दरअसल पूर्ण रूप से सुनियोजित, नियंत्रित और कोमलता से किया गया बल प्रयोग दर्शकों के मन पर अमिट छाप छोड़ने का काम करता है। बल का प्रयोग कब किया जाए? दर्शक और स्वर्ग के राज्य निवासी समान होते हैं। दर्शकों को जबरदस्ती मोहित नहीं किया जा सकता। भाषण के एक बेहद नाजुक पहलू पर सौंदर्य और शांति को एक ही भाव में घोलना पड़ता है। बल की उत्पत्ति विरोधाभास के दो अनंत किनारों में से किसी एक किनारे पर होती है। इनमें से किसी एक किनारे यानी बल या शांति को भाषण का आधार नहीं बनाया जा सकता। इन दोनों भावों का सटीक इस्तेमाल करना चाहिए। भाव के निरंतर उतार चढ़ाव से दर्शकों को आकर्षित करने वाली ऊर्जा पैदा होती है। सूर्योदय के सौंदर्य की व्याख्या करते समय जितना जोर चिड़ियों के चहचहाने, फूलों के खिलने और प्राकृतिक सुंदरता पर देना चाहिए, वहीं लोगों की चहल पहल, शोर शराबे और दूर से आती रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट का जिक्र भी उसी उत्सुकता से किया जाना चाहिए। ऐसे व्याख्यानों में दर्शकों की सोच को खुलने का भरपूर मौका दें। याद रखें, कई दिमागी तिजोरियों की चाबी खो चुकी होती है। इन तिजोरियों को खोलने का प्रयास करें। जब मैं इस भाव को समझाने की कोशिश करते हुए लिख रहा था, निश्चित रूप से उसी समय कहीं कोई ठेकेदार किसी इमारत के लिए जमीन एक सार करने की मंशा से पहाड़ियों को बारूद से उड़ा रहा होगा। अर्थात कार्य में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को बारूद से नहीं घबराना चाहिए। भाषण के दौरान प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए आखिरी तर्क यह है कि विचार का आधार तैयार करने के लिए व्यापक एवं स्वतंत्र सोच होनी चाहिए। यही वजह है कि कुछ भाषणों को सुबह के प्रसारण में विशेष स्थान दिया जाता है। अप्रभावशाली प्रस्तुतिकरण की वजह से बहुत से बयान अपरिपक्व एवं बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए महसूस होते हैं। लेकिन दिलचस्प है कि दर्शकों का ध्यान खींचने में यह विधि कारगर सिद्ध होती है। अतः ध्यान रखें कि भाषण तैयार करते वक्त हल्के विचारों को कमजोर कड़ी न बनने दे। ऐसी स्थिति में दर्शक भाषण के लचीलेपन को भाप लेते हैं। एक प्रतियोगिता के दौरान ग्रीस के महान मूर्तिकार फिडियास ने मूर्ति के बाहरी किनारों पर लापरवाही से गाढ़ी रेखा खींची। उस लापरवाही के लिए आलोचना का दौर शुरू हो गया। लेकिन फिडियास ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति और दूसरे मूर्तिकारों की मूर्ति को उस ढांचे में रखा जाए जो मूर्तियां स्थापित करने के लिए बनाया गया है। तो आश्चर्यचकित रूप से फिडियास के द्वारा मूर्ति के चारों ओर खींची गई गाढ़ी रेखाएं ज्यादा आकर्षित सिद्ध हुई। इस तरह फिडियास की मूर्ति से संबंधित सभी शंकाएं और आलोचनाएं स्वाभाविक रूप से प्रशंसा में परिवर्तित हो गई। इसी तरह भाषण के ढांचे को तैयार करते समय भी केवल बल देने योग्य पहलुओं पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के अंदाज में यदि आप आक्रामक रवैया को पसंद नहीं करते तो जैसा कि वेंडल फिलिप्स ने कहा है, इस स्थिति में बल के द्वारा भाषण में सहज प्रभाव डालने की कोशिश करें। विचारों को सांस लेने और शब्दों को जीवन देने का प्रयास करें। बीरेल के अनुसार प्रत्येक वाक्य को वैद्युत बिजली के खिलौने की तरह झटका और चिंगारी पैदा करने योग्य बनाएं। भाषण में मौजूद महत्वपूर्ण भाव को विशेष बल देने का प्रयत्न निरंतर जारी रखें। लेसन 10, भावना एवं जोश। जोश वह गोपनीय एवं सौंदर्य से भरपूर शक्ति है जो प्रतिभाशाली व्यक्ति के आसपास मंडराती है। यदि आप वैज्ञानिकों की टोली को तितली के खूबसूरत पंखों पर मौजूद नसों के जाल और सड़कों की संरचना जैसे विषय पर संबोधित कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ऐसा विषय वक्ता और दर्शकों में उत्साह की उमंग पैदा नहीं कर सकता। ये सभी विचार करने योग्य विषय होते हैं। लेकिन बाल श्रम जैसी कुरीति को खत्म करने की मुहिम या स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाने जैसे विषय पर दिए गए भाषण जाहिर तौर पर दर्शकों में जागृति और उत्तेजना की लहर पैदा करते हैं। हम आरामदायक गद्दों पर सोते हैं,
ठंडे दिनों में हीटर पर हाथ तापते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं और विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं। इस आकर्षण के पीछे सुख सुविधाओं को सही ठहराना उचित तर्क नहीं हो सकता। इस स्वभाव की मुख्य वजह आराम के प्रति झुकाव होती है। हमारी भावनाएं खाने के प्रति हमारी इच्छा और सामाजिक व्यवहार का तरीका निर्धारित करती है। इंसान भावनात्मक प्राणी है, लिहाजा कुशल वक्ता बनने के लिए दर्शकों की भावनाओं को करीब से छूना जरूरी होता है। अफ्रीकी मूल की गरीब माताओं ने नीलामी में अपने बच्चों को गुलाम के तौर पर बिकते देखा है। इस त्रासदी से त्रस्त माताओं ने शेष अमेरिकी वक्ताओं के मुकाबले दर्शकों के दिल को ज्यादा करीब से छुआ है। निसंदेह उन माताओं को भाषण के नियमों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके पास नियमों से बढ़कर कुछ था, मातृत्व की भावना एवं करुणा। करों में बदलाव और डाक व्यवस्था में सुधार से संबंधित विषयों पर खास भाषण नहीं दिए जा सके हैं। यादगार भाषण सदैव भावनाओं से लिप्त रहे हैं। वाक्पटुता के लिए कामयाबी और बेफिक्र जिंदगी खास उपयोगी साबित नहीं होती। किसी बड़ी भूल को सुधारने और त्रस्त जनता को जागृत करने के लिए की गई कोशिशों ने यादगार भाषणों को जन्म दिया है। गुलामी को युग की सबसे विकट विपत्ति घोषित करते हुए पैट्रिक हेनरी ने कभी न भुलाए जाने वाले भाषण दिया था। भाषण के दौरान ईमानदारी और भावुकता से सराबोर होकर पैट्रिक ने कहा था कि या तो मुझे आजादी दो या फिर मौत। भाषण की इस पंक्ति को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जोश का प्रभाव। राजनीति पार्टियां किराए पर गाने बजाने वाले की टोलियां बुलाती है, तालियां पीटने के लिए नकद इनाम देती है। अफसोस की इस कार्य को तर्कसंगत भी ठहराया जाता है। राजनीतिक पार्टियों की माने तो ऐसा करने से जनता के उत्साह को आसानी से वोटों में तब्दील किया जा सकता है। इस तर्क की सत्यता का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात में भी दो राय नहीं है कि संक्रमण के समान उत्साह की प्रवृत्ति तेजी से फैलने की होती है। घड़ी बनाने वाली एक कंपनी ने घड़ी की दो किस्मों को दो अलग अलग विज्ञापनों के जरिए बेचने का रास्ता आजमाया। पहले विज्ञापन में घड़ी बनाने की बेजोड़ विधि, कारीगरी और घड़ी के लंबे समय तक टिकाऊ रहने का भरोसा प्रदर्शित किया गया। दूसरे विज्ञापन में गर्व करने लायक घड़ी जैसी पंच लाइट के जरिए घड़ी खरीदने से संबंधित गौरव का व्याख्यान किया गया। विज्ञापन का दूसरा तरीका बेहद पसंद किया गया और पहले के मुकाबले दूसरे मॉडल की घड़ियां की बिक्री दुगनी रही। अंतहीन उदाहरणों के जरिए यह साबित किया जा सकता है कि इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए दर्शकों में विषय के अनुसार भावना पैदा करना बहुत जरूरी होता है। वाद विवाद की कला में निपुण वक्ता अच्छी तरह से जानते थे कि भाषण का भावनात्मक पहलू सबसे अहम होता है। उन्होंने बड़ी चतुराई से वाक्पटुता के बारे में कहा है। दिखावटी उत्साह, गंभीर भाव, व्याख्यान में निपुण रोचकता की केवल कल्पना की जा सकती है। इसे पूर्ण रूप से हासिल नहीं किया जा सकता। यह केवल तभी हासिल होती है जब हासिल हो जाए। यह जमीन से निकलने वाले फव्वारे के समान है, पहाड़ों के मुख से निकलने वाली लावा के समान है, जो केवल प्राकृतिक शक्ति से ही बाहर निकलते हैं। विद्यालय में सिखाए जाने वाले नजाकत से भरे भाषण के तौर तरीके उस वक्त काम नहीं आते जब बीवी बच्चों के भाग्य और देश की नाजुक स्थिति को सुधारने के लिए भाषण दिया जाए। ऐसे मौके पर शब्द शक्तिहीन हो जाते हैं और वाक्पटुता घास चरने चली जाती है। ऐसे मौकों पर योग्य से योग्य वक्ता की क्षमता छीन हो जाती है। अतः कहा जा सकता है कि वाक्पटुता देशभक्ति और आत्मनिष्ठा का एक रूप है। विचारों की स्पष्टता, विशेष उद्देश्य, दृढ़ निश्चय, निर्भीक स्वभाव, दीप्तिमान आंखें, जुबान पर लहराते शब्द और विषय पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति से वाक्पटुता का जन्म होता है। ऐसी वाक्पटुता बोलने की बाकी निपुणताओं के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली होती है। यह एक प्रक्रिया है, एक प्रभावशाली, श्रेष्ठ और उत्तम प्रक्रिया। एक बार खाना खाने के बाद एक लेखक गांव की सड़कों पर टहलने के लिए निकला। रास्ते में उसने एक ढोंगी को बोलते हुए सुना। इमर्सन की हर व्यक्ति से कुछ सीख लेने की सलाह को मानते हुए लेखक रुक गया और उस ढोंगी की बात को ध्यान से सुनने लगा। वह व्यक्ति बाल मजबूत करने की दवा बेच रहा था और दावा कर रहा था कि उसने इस दवा की खोज एरिजोना में की है। उसने अपने सिर से टोप हटाते हुए दवा के सकारात्मक असर का व्याख्यान दिया। दवा से मुंह धोकर साबित किया कि दवा हानिकारक नहीं है।
इसके बाद दवा के फायदों का भरपूर व्याख्यान कुछ इस तरह से किया कि खरीदारों की लाइन लग गई। दवा बेचने के बाद उस जालसाज ने बड़े विश्वास के साथ यह समझाने की कोशिश की कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा तादाद में गंजे क्यों पाए जाते हैं। इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उसने समझाया कि महिलाएं पतले तलवे के जूते पहनती है, इसलिए शरीर का मां धरती से संपर्क ज्यादा होता है। पुरुष मोटे तलवे के जूते पहनते हैं और बालों को पोषक तत्वों से वंचित रखते हैं। उस जालसाज के पास इस समस्या का भी निवारण था। एक तांबे का टुकड़ा जिसे जूतों के तलवे में रखने से समस्या हल हो सकती थी। दिलचस्प बात यह है कि सहज और स्वाभाविक तौर पर पेश किए गए उस निवारण का जनता ने उत्साह के साथ स्वागत किया और एक बार फिर खरीदारों की लंबी कतार लग गई। इमर्सन ने कहा है, सुनो, उत्साह के बिना बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है। कार्लाइल ने कहा है, इतिहास के पन्नों में शामिल महान लम्हे केवल और केवल जोश व उत्साह का परिणाम है। उत्साह की भावना चेचक के संक्रमण की तरह फैलती है। ओलिवर क्रॉमवेल ने कहा है, इतनी ऊंचे कभी ना पहुंचो कि पता ही ना चले जाना कहां है। उत्साह को कैसे हासिल और विकसित किया जाए? उत्साह कोई कमीज नहीं है जिसे जब चाहे पहन लो और जब चाहे उतार दो। उत्साह को पुस्तक में मौजूद नसीहतों से भी हासिल नहीं किया जा सकता। उत्साह समय के साथ विकसित होने वाला प्रभाव होता है, लेकिन सवाल है कि किस चीज का प्रभाव। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इमर्सन ने कहा है, एक चित्रकार ने मुझे बताया कि पेड़ का बेहतरीन चित्र बनाने के लिए चित्रकार को खुद को पेड़ के समान महसूस करना पड़ता है। इसी प्रकार एक बच्चे का चित्र बनाने से पहले बच्चों की शरारतों, हरकतों और स्वभाव को समझना जरूरी होता है। खुद को बच्चों जैसा महसूस करने वाला चित्रकार ही बच्चों के विभिन्न भावों को चित्र के द्वारा प्रकट कर सकता है। मैं रेगिस्तान में रहने वाले एक ऐसे चित्रकार को जानता हूँ जिसने चट्टान का चित्र बनाने से पहले उसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की और उसके द्वारा बनाया गया चित्र विश्व प्रसिद्ध हुआ। किसी कठिन किरदार का अभिनय करने के लिए सारा बर्नार्ड उस दिन शाम 4 बजे के बाद न तो किसी से मिलती थी और न ही बातचीत करती थी। इस अंतराल में वह अपने किरदार में खोई देती थी। शेक्सपियर के नाटकों में अभिनय करने वाले महान कलाकार बूथ भी किरदार निभाने से पहले अकेले रहना पसंद करते थे और खुद को किरदार में डुबोए रखते थे। एक महान कृति द डिवाइन कॉमेडी लिखने से पहले दांते अपनी प्रेमिका फ्लोरेंस से लंबे समय तक दूर रहे, जंगलों में ठिकाना बनाया, गुफाओं में जीवन बिताया और कई बार भुखमरी के कगार तक पहुंचे। इस कष्ट भरे जीवन के बाद दांते ने महान हास्य कृति को लिखा। सूर्योदय के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए टर्नर ने दिन निकलने से पहले 12 किलोमीटर का पहाड़ी सफर तय किया और फिर समुद्र तट से उगते सूर्य के सौंदर्य और महिमा का वर्णन किया। वेंडल फिलिप्स के वाक्य दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डालते हैं, क्योंकि फिलिप्स ने 50 लाख गुलामों के दुख दर्द को करीब से महसूस किया था। भाषा में एहसास पैदा करने का बस यही एकमात्र रास्ता है। बोलते समय विषय को दिल से महसूस करें और बाकी सब भूल जाएं। आप जिस एहसास का वर्णन करना चाहते हैं उसके किरदार में पूर्ण रूप से उतर जाएं। आप जिस उद्देश्य की वकालत कर रहे हो, जिस मामले पर बहस कर रहे हो, उसे वस्त्रों की तरह धारण कर लें, उसमें समा जाएं और इस दौरान बाकी सब भूल जाएं। इस तरह भाव के सही मतलब तक पहुंचा जा सकता है। विषय में सहानुभूति का भाव पैदा किया जा सकता है। प्रकट की जाने वाली भावना निजी भावना जैसी प्रतीत की जा सकती है। ऐसा करने से विषय का एहसास समाहित हो जाता है और उत्साह वास्तविक एवं संक्रामक रूप धारण कर लेता है। इस प्रक्रिया को मात्र सलाह के तौर पर नहीं लेना चाहिए, इसे महसूस करना चाहिए। व्याख्यान का अंदाज वक्ता भी भावनाओं के उबाल को दर्शकों के सामने परोस देता है। भाषण में वास्तविक एहसास ढांचे में मौजूद खून और हड्डी के समान होता है, जिसे न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। एक आदर्श भाषण में वक्ता और दर्शकों की भावना एक समान हो जाती है। एहसास एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और प्रस्तुति यादगार बन जाती है। मानवता में सहानुभूति की आवश्यकता। वक्ता में मानव स्वभाव से संबंधित करुणा का भाव जोर जबरदस्ती से पैदा नहीं किया जा सकता, उसका विकास स्वयं होता है। विक्टर ह्यूगो की आत्मकथा लिखने वाले लेखक ने ह्यूगो की अथाह धार्मिक भावनाओं को लेखन कला की महानता का आधार बताया है।
हाल ही में कार्लियर्स वीकली के संपादक को लघु कथा लिखने की कला पर बोलते हुए सुना गया। भाषण के दौरान उन्होंने बार बार मानवता के प्रति स्नेह की भावना पर जोर दिया, लेकिन निजी स्वार्थ हासिल करने के लिए दिए गए कुछ यादगार भाषण समय के साथ खुद ब खुद महत्वहीन के अंधेरे में लुप्त हो जाते हैं। महानता का सबसे मजबूत आधार है समर्पण की भावना। स्वयं का संरक्षण जीवन का पहला नियम है, तो आत्मत्याग महानता का पहला लक्षण है। पाप की बुनियादी नीति स्वार्थ की जमीन पर खोदी जाती है। महान धर्म और दार्शनिक निरंतर इस सत्य का सत्यापन करते आए हैं। वास्तविक सहानुभूति और स्नेह से भरा व्यक्तित्व ही मानवता की भावनाओं में जागृति पैदा करने योग्य भाषण प्रस्तुत कर सकता है। जैसा कि वेबस्टर ने कहा है, सहानुभूति और स्नेह दर्शाने का ढोंग किसी काम नहीं आता। इस नियम को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। प्रकृति ने वास्तविकता को विशेष ऊर्जा प्रदान की है। भाषण देते समय शब्दों और भावनाओं में तालमेल होना चाहिए। बिना भावना के प्रस्तुत किए गए वाक्यों में एहसास की कमी झलक ही जाती है। अधूरे मन से पेश किए गए उदासीन व्याख्यान के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती। वाक्पटुता का सबसे अहम स्रोत है ईमानदारी। कार्लाइल ने सही कहा है, मिराबियो, नेपोलियन, बर्न्स और क्रॉमवेल में से कोई विशेष योग्यता का धनी नहीं था, लेकिन इन सभी व्यक्तियों में दृढ़ निश्चय सर्वोपरि था। और मेरी नजर में ऐसा ही व्यक्ति सच्चा एवं गंभीर होता है। महान एवं वास्तविक गंभीरता से नायक का उदय होता है। महान व्यक्ति लक्ष्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गंभीरता और लगन का व्याख्यान नहीं कर सकता। असल में इसके बारे में विचार तक नहीं किया जा सकता है। लेसन 11। शब्दकोश में उन लैटिन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिनमें फ्लो का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द सांकेतिक भाव प्रदर्शित करते हैं। पहले पहल आसान और आम इस्तेमाल में लिए जाने वाले शब्दों में प्रवाह महसूस होता है। भाषण के दौरान शब्दों का प्रवाह तेज करना आसान नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास और भाषण के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारना जरूरी होता है। भाषण में बहाव का स्रोत। मोटे तौर पर कहें तो मजबूत तैयारी भाषण में बहाव पैदा करने का एकमात्र तरीका है। निश्चित तौर पर कलाकार में मौजूद पैदाइशी गुण विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन जन्म से प्राप्त गुणों को निखारने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास के द्वारा उन गुणों को भी हासिल किया जा सकता है जो व्यक्तित्व में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होते। यह उदाहरण प्रेरणादायक हो सकता है। शायद हजरत मूसा की तरह आपको भी गलतफहमी हो कि आप में तत्परता की योग्यता नहीं है। अगर आप हजरत मूसा की कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके उनकी कहानी सुन सकते हैं। क्या यह सोचना बंद किया जा सकता है कि हम तत्पर वक्ता नहीं हैं? किसी कार्य के लिए तत्परता का मतलब है बेहतर तैयारी से सुसज्जित होना, और वे लोग सदा तैयार रहते हैं जो कार्य को अंजाम देने के लिए बेहतर तैयारी करते हैं। उंगलियों की फुर्ती से चलाने का अभ्यास ताबड़तोड़ गोलियां चलाने में सक्षम बंदूक से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषा में बहाव की कला दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं के सीधे अनुपात में होती है। भाषण के विषय और बोलने के अंदाज का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार भाषण में बहाव पैदा करने के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों का बोध होता है। बेहतर तैयारी और निरंतर अभ्यास से भाषण में स्वतः ही बदलाव पैदा हो जाता है। विषय के ज्ञान का महत्व। आकर्षक प्रस्तुतिकरण में अभ्यास की भूमिका के साथ कुछ और महत्वपूर्ण पहलू भी होते हैं। विचारों को क्रमबद्ध तरीके से पेश करना, शब्दों का सटीक चयन, सहज व्याख्यान, सही समय पर विराम, आत्मचेतना और कुछ अन्य विशेषताओं का वर्णन इस अध्याय में नहीं तो पुस्तक में कहीं ना कहीं जरूर किया जाएगा। आम विषय या विषय विशेष के अनुसार तैयारी की जा सकती है। दरअसल तैयारी की प्रक्रिया में इन दोनों का सटीक मिश्रण होना चाहिए। अध्ययन की ओर निरंतर झुकाव, भावोत्तेजक विचारों का गहन आकलन और जीवन के संघर्षों से जूझने का साहस निपुणता हासिल करने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। सुसमृद्ध दिमाग, व्यापक अनुभव और संवेदनशीलता रखने वाले व्यक्ति किताबों के मुकाबले इन गुणों से ज्यादा सीखता है। विषय से संबंधित उचित जानकारी, वातावरण से हासिल किए गए गहन अनुभव और अच्छी संगति से मिले महत्वपूर्ण सुझाव जैसे गुणों के मिश्रण को उत्तम तैयारी माना जाता है। अच्छी संगति एवं उत्तम विचारों से आदर्श सोच विकसित होती है।
मित्रों के बीच निपुण भाषण शैली प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही आदर्श वक्ता बन सकता है। अतः विचारों को सटीक शब्दों के माध्यम से व्यक्त करें। वक्ता भी अपने भाषण से उतना ही सीखता है जितना दर्शक। कभी कभी बोलने से पहले वक्ता विषय की कम जानकारी होने की धारणा बना लेता है। ऐसे में याद रखें कि एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है। यह जानकर हैरानी होगी कि वक्ता जितना प्रस्तुत करता है दर्शक उससे ज्यादा ही उम्मीद रखते हैं। दोस्ताना वार्तालाप के जरिए मानसिकता और व्याख्यान में बहाव विकसित होता है। लॉन्गफेलो ने कहा है, किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ की गई चर्चा 10 साल तक हासिल किए गए किताब ज्ञान से ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। और होम्स ने बड़े मनमौजी ढंग से घोषणा की है कि आधे समय तो वह केवल विचारधीन मुद्दों पर ही बोलता रहा है, लेकिन भाषण के मंच पर यह तरीका नहीं अपनाया जा सकता। दरअसल संग्रह के माध्यम से प्राप्त संपन्नता का उपयोग एक महान भाषण की तैयारी के लिए करना चाहिए। निसंदेह यह एक महान विचार है और इस विचार को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए एक अलग अध्याय की जरूरत पड़ेगी। अभ्यास। जानकारी को संगठित कर उसे निश्चित रूप देने को संपूर्ण तैयारी नहीं मानना चाहिए। अभ्यास के बिना तैयारी संपूर्ण नहीं हो सकती, अर्थात जानकारी के अनुसार भाषण का अभ्यास करना बेहद आवश्यक होता है। इस सिद्धांत के आधार पर की गई तैयारी और अभ्यास का असर निश्चित समय के बाद ही महसूस होता है। लिहाजा शुरुआती विफलता से न तो घबराएं और न ही निराशा को हावी होने दें। शुरुआत में इस पद्धति को अपनाने से होने वाले प्रभाव को नजरअंदाज करें और भविष्य में सकारात्मक परिणाम की कल्पना करें। मंच पर पहुंचने के बाद केवल विषय के बारे में सोचें। दर्शकों और वक्ता के बीच एक दूसरे के भाव समझने की असीम शक्ति होती है। वक्ता द्वारा संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विचारों को दर्शक आसानी से समझ लेते हैं। आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि भाषण देते समय केवल विषय पर ध्यान केंद्रित रखें। यह सलाह थोड़े में बहुत समझी जानी चाहिए। भाषण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भूलने की सलाह कतई नहीं दी जा रही है। बस यह कहा जा रहा है कि उनके बारे में बेवजह न सोचें। एकाग्रता केवल संदेश के महत्व पर ही होनी चाहिए। हालांकि अवचेतन में तकनीकी पहलुओं पर विचारों का भटकाव होता रहता है, लेकिन इससे भाषण पर प्रभाव नहीं पड़ता। दरअसल एक निपुण वक्ता समय के साथ इस कला में अभ्यस्त हो जाता है। चेतना और अवचेतना के बीच सहज तालमेल स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है। जिस तरह सांस लिए बिना नहीं जिया जा सकता है, उसी प्रकार इस सिद्धांत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मंच पर हाव भाव, स्वर, सुर बदलने की कला उतनी ही निपुण होनी चाहिए जितना वास्तविक हाव भाव, स्वर और सुर बदलने का अंदाज होता है। भाषण के दौरान वाक्यों का भाव कैसा है, बस इतना विचार ही भाव को बिगाड़ देता है। आत्मविश्वास से संबंधित शुरुआती अध्याय का ध्यान कर उसके निर्देशों को याद कीजिए। सलाह है कि सिद्धांतों को याद किए बिना बोलने की कला को समझिए। यह जरूरी नहीं है और हो भी नहीं सकता कि शब्द के सही उच्चारण के लिए आप भाषण के बीच में सोचना शुरू कर दें। हकीकत यह है कि ग, ख, क के क्रम को क, ख, ग के क्रम के मुकाबले याद करना मुश्किल होता है। दरअसल बचपन से ही व्यक्ति क, ख, ग के क्रम के लिए अभ्यस्त होता है। भाषण कला में निपुण होने के लिए शब्दों का सही उच्चारण दिनचर्या के कामकाजों जैसा आसान होना चाहिए। एक नौसिखिए के लिए पियानो बजाने की विधि शुरुआती मुश्किलें खड़ी करती है, लेकिन समय के साथ उंगलियां अभ्यस्त हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब पियानो बजाने के लिए उंगलियां खुद ब खुद सटीक सुर पर पानी की तरह तैरने लगती है। इसी प्रकार शुरुआती दौर में बोलते वक्त हिचकिचाहट जरूर होती है, एक नए तैराक की तरह भय का भी आभास होगा, लेकिन निरंतर डटे रहने से सफलता जरूर मिलती है। इस प्रकार निरंतर अर्जित किया गया शब्दों का ज्ञान अभ्यास के द्वारा भाषा शैली में हासिल की गई सहजता और विराम एवं ठहराव का सटीक उपयोग धीरे धीरे स्वाभाविक होता चला जाता है। समय के साथ भाषा का भाव अभ्यास के अनुरूप ढलता चला जाता है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत से कौन सी चीज हासिल नहीं की जा सकती। कड़ी मेहनत लक्ष्य हासिल करने का एकमात्र रास्ता है। कड़ी मेहनत से हासिल की गई सफलता सबसे ज्यादा संतोषजनक होती है। यादगार भाषण के लिए सोचे गए विचार और कड़े अभ्यास का फल अति स्वादिष्ट होता है। लेसन 12, स्वर। लॉन्गफेलो ने कहा है, ओह, उस आवाज में कुछ ऐसा है जो मेरे अंतर्मन की गहराई तक पहुंचता है। द लंदन टाइम्स के एक प्रभावशाली आलोचक ने कहा था कि अभिनय में बोलने की कला का 90% योगदान होता है। भाषण के संदेश को अलग कर दिया जाए
तो सर्वजन के सम्मुख बोलने की कला पर भी यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होता है। शानदार आवाज और सुर का सटीक बदलाव दर्शकों को उत्साहित करने का कार्य करती है। इस प्रतिभा के साथ महान विचारों का मिश्रण यादगार भाषण की बुनियाद रखता है। लेकिन यह भी मानना गलत होगा कि केवल शानदार आवाज किसी व्यक्ति को महान वक्ता बना सकती है। इसके लिए वक्ता का स्वभाव और अन्य प्रतिभाओं का भी समान महत्व होता है। गहन एवं सुशील आवाज का अभ्यास करने वाले प्रोफेसर ग्लैडस्टोन ने कहा है, 100 पेशेवर गायकों की भीड़ में से 90 गायक सामान्य स्तर से ऊपर नहीं उठ पाते। दरअसल आमतौर पर गायक अभ्यास से कतराते हैं या इसके महत्व को नहीं समझ पाते। इस कथन पर विचार करना बहुत जरूरी है। शानदार आवाज के लिए 3 आधारभूत गुणों का होना बहुत जरूरी है। पहला, सरलता। सुरीली आवाज का रहस्य स्थिरता में छुपा होता है। स्थिरता से सरलता का जन्म होता है। आवाज पैदा करने वाली तरंगे तनावपूर्ण मांसपेशियों के मुकाबले तनाव मुक्त मांसपेशियों से टकराकर ज्यादा मधुर स्वर पैदा करती है। इस विधि को खुद पर आजमाकर देखिए। घृणा का भाव दर्शाते वक्त चेहरे एवं कंठ की मांसपेशियों को सिकुड़ते हुए बोलिए, मैं तुमसे नफरत करता हूं। इसके बाद शांत हो जाइए और हृदय में प्रेम की भावना जगाते हुए बोलिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दोनों अंदाज में भिन्नता आसानी से महसूस की जा सकती है। आवाज से जुड़ी कसरत का अभ्यास करते वक्त और बोलते वक्त स्वर पर दबाव ना डालें। आवाज बेहद नाजुक होती है, इसके साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। जबरदस्ती आवाज उत्पन्न करने की कोशिश न करें, इसे स्वयं उत्पन्न होने दें। आवाज को सहजता से उत्पन्न होने दें। इस पर रखे सभी बोझ को हल्का करने का प्रयास करें। भाषण देते वक्त कंठ पर तनाव नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि मांसपेशियों को सिकोड़ने से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। कंठ को आवाज के लिए चिमनी की तरह व्यवहार करना चाहिए। जाहिर है कि अप्राकृतिक सिकुड़न चिमनी को उसी प्रकार खराब कर देती है जैसे तनाव से ग्रस्त कंठ से निकलती आवाज। हताशा और मानसिक तनाव की वजह से चेहरे और कंठ में सिकन पैदा होती है। संतुलित और आत्मविश्वास के लिए संघर्ष करें। बड़ा सवाल है कि स्थिरता कैसे हासिल की जाए। इसका सबसे आसान रास्ता है शांत होने की इच्छा। अपने हाथों को कंधे की सीध में खड़ा करें और अचानक हाथ को खड़ा रखने की शक्ति छोड़ दें तथा हाथों को नीचे गिरने दें। इसी तरह कंठ की मांसपेशियों को सिर और गर्दन ढील छोड़कर आराम देने का अभ्यास करें। अपनी कमर के सहारे शरीर के ऊपरी हिस्से को घुमाएं, सिर को ढीला छोड़ दें और शरीर के निचले हिस्से को स्वाभाविक तौर पर घूमने दें। याद रखें, इस प्रक्रिया में बल का प्रयोग न करें और सिर को बिल्कुल ढीला छोड़े रखें। गर्दन को स्थिर रहने दें और शरीर के निचले हिस्से के साथ खुद ब खुद घूमने दें। सिर को छाती पर गिरने दें, फिर सिर को उठाएं और जबड़े को झूलने दें। जबड़े को उस समय तक ढीला छोड़ें जब तक जबड़े में भारीपन का एहसास न हो। कुछ समय बाद ऐसा एहसास होगा जैसे चेहरे पर वजन लटका दिया गया हो। इस कसरत के द्वारा स्वर में मधुर बदलाव के लिए मांसपेशियां तैयार हो जाएंगी और स्वर बिना किसी बाधा के निकलने लगेगा। इसी प्रकार होठों को भी लचीला बनाने का अभ्यास करना चाहिए। होठों के जरिए भी स्पष्ट और मधुर स्वर उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। होठों में लचीलेपन के लिए मो एवं मैं का बार बार उच्चारण करें। मो बोलते वक्त होठों को ओ का स्वर पैदा करने जैसा गोल बनाएं। मैं बोलते वक्त होठों को इस तरह फैलाएं जैसा कि हंसते वक्त किया जाता है। इस अभ्यास को बार बार करें और होठों को कसरत करने का ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। इसी प्रकार निम्नलिखित अभ्यास करने का प्रयास करें। मो ई ओ ई ओस आ। इस अभ्यास पर निपुणता हासिल करने के बाद निम्नलिखित अभ्यास होठों में लचक पैदा करने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस बुक से बेहतर परिणाम चाहते हैं तो प्लीज आप इस बुक को खरीद लीजिए। आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बुक होगा तो आप ये जो प्रैक्टिस दिया गया है होठों का या फिर आवाज का, उसे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। इस अभ्यास पर निपुणता हासिल करने के बाद
निम्नलिखित अभ्यास होठों में लचक पैदा करने के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। नीचे अंकित किए गए स्वरों को याद कीजिए, भाव को नहीं, इन स्वरों का निरंतर अभ्यास कीजिए। ए जैसे एनक में, ई जैसे इनाम में, यू जैसे यूक्रेन में, आ जैसे आह में, आई जैसे आइस में, आ जैसे ऑयल में। इस अभ्यास को करते वक्त ध्यान रखें कि सांस भरने के बाद आवाज को गले की जगह पेट से निकाला जाए। जिस तरह कमर के बल लेटकर आसानी से सांस ली जाती है, उसी तरह सांस लेने का अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान आपको महसूस होगा कि सांस लेने और आवाज पैदा करने की क्रिया में पेट की विशेष भूमिका होती है। यह सांस लेने की प्राकृतिक एवं सटीक प्रक्रिया है। सांस लेने की इस प्रक्रिया को धीरे धीरे आदत में शामिल करें। यकीन मानिए, एक समय बाद कंठ की मांसपेशियों को आराम देने का अभ्यास हो जाएगा। दूसरा, स्पष्टता। यदि कंठ की मांसपेशियां कमजोर एवं संकीर्ण है, स्वर निकलने का रास्ता आंशिक रूप से बंद है और मुंह आधा ही खुल पाता है, तो स्पष्ट और प्रभावशाली स्वर की कल्पना कैसे की जा सकती है? आवाज तरंगों की श्रृंखला से उत्पन्न होती है, और यदि आप अपने मुंह को कैद में तब्दील कर देंगे, जबड़े और होठों को कसकर दबाए रखेंगे, तो कंठ से स्वर का निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में यदि आवाज निकलेगी भी तो उसमें मधुरता एवं प्रभाव का अभाव होगा। बोलते समय मुंह को बड़ा खोलें, कंठ को तनाव मुक्त रखें और स्वर को स्वाभाविक रूप से आसानी के साथ निकलने दें। अपने मुंह को उबासी लेने की जगह बोलने के लिए खोलिए। बोलते समय स्वाभाविक रहने की कोशिश कीजिए। यदि आपके स्वर से संबंधित अंग स्वस्थ है तो लगातार अभ्यास के जरिए स्वर को मधुर बनाने की कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। स्वर में कमी के कई और कारण भी हो सकते हैं। गले में सूजन या फिर नाक की हड्डी बड़ी होने की वजह से भी आवाज साफ तौर पर नहीं निकल पाती है। यदि ऐसा है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। स्वर पैदा करने में गले और पेट के साथ नाक की भी अहम भूमिका होती है, अतः नाक का खुला होना बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम कहते हैं, नाक के जरिए बोलना, दरअसल इसका मतलब हकीकत में नाक से बोलना नहीं होता, लेकिन नाक के महत्व को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, नाक पकड़कर बोलने की कोशिश कीजिए, स्वर में होने वाला बदलाव खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। यदि आप नाक की हड्डी बढ़ने या फिर सूजन की शिकायत से परेशान हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, एक छोटे से ऑपरेशन से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी प्रकार भाषण देने के लिए फेफड़ों का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी होता है। जाहिर है कि जल्दी थकने वाला व्यक्ति अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। तीसरा, तत्परता। गले में घुटती हुई आवाज बेहद उदास एवं अप्रभावशाली महसूस होती है। स्वर बिना किसी दबाव के पैदा होना चाहिए। आपको याद होगा कि सबसे पहला सिद्धांत सरल है, स्वर को बाहर की ओर निकलता महसूस कीजिए। ऐसा मानिए कि स्वर बाहर की ओर निकल रहा है, इसे सरलता से बहने दीजिए। स्वर को बाहर निकलता महसूस करने के लिए एक लंबी सांस लीजिए और होठों को फैलाकर आह का स्वर पैदा कीजिए। इस स्वर को पैदा करने के लिए उत्पन्न तरंगों के प्रवाह को अगले दांतों के साथ टकराता महसूस कीजिए। इसका संवेदन इतना हल्का होता है कि शायद पहली बार में तो आप इसे महसूस ही नहीं कर सके, लेकिन अभ्यास के साथ यह संवेदना महसूस होने लगेगी। सदा स्वर को बाहर की ओर फिसलता महसूस करें। धीरे धीरे स्वर पैदा करने में इस्तेमाल तरंगे मुंह के ऊपरी हिस्से से टकराती महसूस होने लगेगी। स्वर के बाहर निकलने की कला उदास, भारी और अप्रभावशाली स्वर को अभ्यास के साथ मधुर बना देगी। होठों को बंद कीजिए और ओ जैसे गुनगुनाहट कीजिए। क्या यह स्वर पैदा करते वक्त होठों में तरंगों से उत्पन्न कंपन महसूस होता है? चेहरे के सामने अपनी हथेली रखिए और जोर से बज की आवाज निकालिए। क्या आप बाहर निकलने वाली तरंगों को हथेली से टकराता महसूस कर रहे हैं? यदि नहीं तो अभ्यास कीजिए। याद रखिए, स्वर को बाहर धकेलना ही एकमात्र विधि है, इसे बाहर धकेलने का निरंतर अभ्यास कीजिए। स्वर को थामने की कला का विकास।
दूरी तक आवाज पहुंचने के लिए केवल चिल्लाना काफी नहीं होता है, इसके लिए शब्दों की स्पष्टता बेहद आवश्यक होती है। मंच के सामने दर्शकों की पहली दूसरी पंक्ति तक मंच पर लहराते कागज की खड़खड़ की आवाज तक पहुंच जाती है। यदि स्वर में स्पष्टता है तो यकीनन सुना और समझा भी जाएगा। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भाषण आखिरी कतार में बैठे दर्शकों को भी सुनाई देना चाहिए। यदि पिछली कतार में बैठे दर्शकों को भाषण सुनने में असुविधा हो रही है तो स्वर के निम्नलिखित सिद्धांत को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे मौके पर सरलता के नियम के साथ स्पष्टता और तत्परता के नियम का भी पालन करें। यह दूर बैठे दर्शकों तक आवाज पहुंचाने का मुख्य सिद्धांत है। भाषण देते समय दर्शकों पर अपनी नजरें न टिकाएं। यह अंदाज न केवल वक्ता के भाषण को अप्रभावशाली बनाता है बल्कि ऐसा करने से वक्ता की आवाज केवल एक दिशा में बहती प्रतीत होती है। तरंगों के एक निश्चित क्रम से स्वर पैदा होता है। इसे आकर्षक बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। लंबी सांस भरे और आवाज में ज्यादा कंपन पैदा करें। सांस आवाज पैदा करने का आधार होती है। जिस तरह कारतूस में बारूद की कम मात्रा गति की क्षमता को कमजोर कर देती है, उसी प्रकार सांस का अभाव स्वर को कमजोर बना देता है। गहरी सांस न केवल आवाज को उचित सहारा देती है बल्कि इससे स्वर में गूंज भी पैदा होती है, अतः वक्ता की आवाज में विशेष आकर्षण पैदा हो जाता है। आमतौर पर कमजोर स्वास्थ्य कमजोर आवाज का कारण होता है, जबकि पूर्ण रूप से स्वस्थ वक्ता की आवाज में प्रबलता के साथ गूंज भी महसूस होती है। स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित सिद्धांतों के बारे में विद्वानों में कई मतभेद है, लेकिन एक बिंदु पर सभी की राय समान है। गहरी सांस भरने की कला से आवाज की प्राण शक्ति और वायु में बढ़ोतरी होती है। इस सिद्धांत के निरंतर अभ्यास के द्वारा इसे स्वभाव में ढालने की भरपूर कोशिश करें। बोलने से पहले लंबी सांस लें, लेकिन ध्यान रखें सांस भरने के बाद बोलते वक्त सांस की घर घर न सुनाई दे। एक सांस में इतना लंबा ना बोले कि दूसरी सांस भरने का मौका ही ना मिले। प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध अनुपात से ज्यादा सांस भरने का सांस के अनुपात से ज्यादा बोलने पर खांसी या धचकी जैसी शिकायत हो सकती है। कई सफल वक्ता विभिन्न देशों की स्थानीय भाषा के मुताबिक अपने कंठ से स्वर निकालने का अभ्यास बेहद कम समय में कर लेते हैं। इन कठिन प्रयासों की वजह से ऐसे वक्ताओं का लंबी सांस भरने का अभ्यास और फेफड़ों की शक्ति काफी हद तक बढ़ जाती है। कड़े मुकाबले बास्केटबॉल और टेनिस जैसे खेलों के द्वारा गहरी सांस लेने की शक्ति को अकाल्पनिक तौर पर बढ़ाया जा सकता है। यदि यह विधि आपके लिए सहज नहीं है तो निम्नलिखित सुझाव पर ध्यान दें। अपनी कमर के दोनों हिस्सों को हथेली से पकड़ें, अपनी उंगलियों और अंगूठे के माध्यम से कमर को जकड़ें और फेफड़े से हवा तेजी से बाहर की ओर छोड़ें। गहरी सांस लें। याद रखें इस क्रिया का केंद्र बिंदु शरीर का मध्य हिस्सा यानी पेट होना चाहिए। ऐसा करते वक्त कंधों को न उचकाएं। इस कसरत को बार बार दोहराने का अभ्यास करें। विशेषज्ञों ने लंबी सांस भरने की कला के विभिन्न तरीकों को अपनाने की सलाह दी है। खास बात है कि सभी तरीकों में लंबी सांस खींचने और छोड़ने को विशेष महत्व दिया गया है। स्वर में कंपन पैदा करने के लिए भी अभ्यास सबसे अहम भूमिका अदा करता है। अपनी उंगलियों को होठों पर रखें और तेजी से ऊपरी व निचले होठ से टकराएं। ऐसा करते वक्त अपने गले से आवाज बाहर की ओर फेंके। क्या आपको होठों में कंपन महसूस हुआ? यदि नहीं तो अभ्यास करें, परिणाम बेहद जल्द सामने आ जाएगा। इस अभ्यास को दोबारा करें और नाक से आवाज को बाहर फेंके। नाक के ऊपरी हिस्से को अंगूठे और पहली उंगली से दबाएं। क्या नाक में कंपन महसूस हो रहा है? अपनी हथेली को अपने सिर पर रखें और नाक से निकलने वाली आवाज दोबारा निकालें। आवाज को सिर से उत्पन्न होता महसूस करें। क्या सिर में कंपन महसूस हो रहा है? अब हथेली को सिर के पीछे रखें और पहली क्रिया को दोबारा अपनाएं। इसके बाद हाथ को सीने पर रखकर समान अनुभव करें। शरीर के जिस हिस्से में आवाज की वजह से कंपन हो रहा है उसी हिस्से से आवाज को निकलता हुआ महसूस करें। सांस को पूरी तरीके से बाहर छोड़ने के बाद इस प्रक्रिया को फिर दोहराएं और पूरे शरीर में
उत्पन्न सरसराहट को महसूस करने की कोशिश करें। शरीर में महसूस होने वाली सरसराहट यकीनन मजेदार महसूस होगी। स्वर की शुद्धता। फिजूल में सांस खर्च करने से स्वर की गुणवत्ता घट जाती है। सांस पर ध्यान से नियंत्रण स्थापित करें। स्वर उत्पन्न करने के लिए सांस की सही मात्रा का उपयोग करें। बाहर निकलने वाली सांस के एक एक कतरे को उपयोग में लाएं। ऐसा करने में नाक में सांस की घरघर सुनाई पड़ती है। सांस को खर्चीले स्वभाव के साथ खींचें, लेकिन बाहर बेहद कंजूसी के साथ निकालें। स्वर के लिए सलाह। आवाज फटने के समय शक्ति का बेहद कम प्रयोग करें। भाषण देते वक्त ठंडे पानी से परहेज रखें। बोलने में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा से कंठ की मांसपेशियां गर्म हो जाती है, अतः ठंडा पानी कंठ को आघात पहुंचा सकता है। स्वर को बेहद ऊपर तक ले जाने से बचें। ऐसा करने से आवाज कर्कश हो सकती है। वक्ता आमतौर पर यह गलती करते हैं। यदि सहसा महसूस हो कि आवाज बेहद ऊंचे स्वर पर पहुंच गई है तो स्वर को सहजता के साथ नीचे लाएं। इस अभ्यास को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। स्वर में विस्तार पैदा करने के लिए अ अक्षर को धीमे सुर में निकालें और हर अगले अक्षर के साथ सुर को ऊंचा करने का अभ्यास करें। सुर में विस्तार पैदा करने से भाषण में विविधता लाना आसान हो जाएगा। बोलते समय अपनी आवाज को सुनने की आदत न डालें। ऐसा करने के लिए बोलते समय भाव को समझने की कोशिश की वजह से भटकाव की स्थिति पैदा होगी और भाषण का प्रभाव फीका पड़ने लगेगा। लेसन 13, स्वर का जादू। जोसेफ एडिसन ने कहा है, सादगी हसमुख व्यवहार को आकर्षक बना देती है, ज्ञान हाजिर जवाबी को शिष्ट बना देता है। पाई ने कहा है कि स्वर का सौंदर्य शोक में निहित होता है। दरअसल पाई ने कारण को प्रभाव की वजह माना है। इसके विपरीत इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शोक सौंदर्य नष्ट करने का कारण होता है, वही प्रसन्नता से सौंदर्य बढ़ता है। डूबते सूरज का सौंदर्य आनंदित नहीं करता, बल्कि गहरी उदासी की भावना को जन्म देता है। सिरहन पैदा करने वाला गहरा और गंभीर संगीत दुख की भावना उत्पन्न करता है। सूर्यास्त के समय चिड़ियों का धीमे धीमे चहचहाना निराशापूर्ण एहसास पैदा करता है। गंभीर सौंदर्य से निराशा का भाव पैदा होता है। गति से उत्तेजना और आनंद का एहसास होता है। स्थिरता से गंभीर चिंतन की मन स्थिति और गंभीर हो जाती है। गंभीर चिंतन की अवस्था में अतीत में घटी दुखद घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित होता है। स्थिर सौंदर्य से भविष्य में कामयाबी की धुंधली उम्मीद जागृत होती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति उपलब्धि के लिए जरूरी उत्साह जुटाने में कामयाब नहीं हो पाता। इसी कारण सौंदर्य से पैदा होने वाली निराशा और आनंद के बीच के महीन अंतर को समझने की योग्यता होनी चाहिए। सच्चे आनंद का एहसास अंतरात्मा से जुड़ा होता है। इस भाव से जन्म लेने वाले उत्साह और आशावाद की कोई तय सीमा नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति संतुष्टि की भावना से सराबोर हो जाता है। हालांकि इस अध्याय में स्वर के जादू का तात्पर्य उत्साह एवं प्रसन्नता से है, लेकिन फिलहाल चंचल स्वभाव, तेजस्वी आंखों और उल्लास की बात की जा रही है। स्वर की आनंददायक लय में माहौल को मदहोश करने का जादू होता है। पाठकों को इस बात का बोध हो गया होगा कि मधुर स्वर पैदा करने वाले कंठ के लिए लापरवाह होना तितली के पंख को चीरने के समान है, जो पंखों की मनमोहक सुंदरता को नष्ट कर देता है। लेकिन क्या प्रभाव को जाने बिना कारण को स्थापित करना न्यायसंगत होगा? नथनों में घर्षण से घंटियों के गर्जन समान स्वर उत्पन्न होता है। स्वरों में स्पष्टता के लिए नथनों का स्वस्थ एवं खुला होना जरूरी होता है। अगले अध्याय में दिए गए सुझावों और चेतावनियों के बाद नाक से निकलने वाले स्वर और नथनों से उत्पन्न होने वाले स्पष्ट स्वर के बीच का अंतर आसानी से समझा जा सकता है। फ्रांसीसी गायकों में नाक के स्वर की स्पष्टता ज्यादा होती है। नाक में गूंज पैदा करने के लिए निम्नलिखित पंक्तियों को गाकर अभ्यास करें और नाक से निकलने वाले पैने स्वर पर विशेष जोर दें। नथनों के सहारे स्वर को ऊपर नीचे करें। इसका अभ्यास
ऊंचा और निम्न स्वर स्पष्टता से उत्पन्न करके तय करें। सिंग, सॉन्ग, डिंग, डोंग, होंग, कोंग, लोंग, थोंग। अस्वाभाविक उच्च स्वर निकालने के अभ्यास से सामान्य तौर पर बातचीत के दौरान पैदा होने वाला स्वर खुद ब खुद मधुर हो जाएगा। व्यक्ति जब अस्वाभाविक तौर से ऊंचा स्वर पैदा करता है तो उच्चतम आलाप में आवाज जाना महसूस होने लगती है, अतः आलाप लेने में कंठ को थका देने की स्थिति तक अभ्यास न करें। अभिनेत्री मैरी एंडरसन ने कवि लॉन्गफेलो से पूछा कि आवाज में आकर्षण पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए। लॉन्गफेलो ने कहा, तेज एवं आनंद में आवाज में पढ़ने का निरंतर अभ्यास करें। मैं इसे फिर से दोहराना चाहूंगा। लॉन्गफेलो ने कहा, तेज एवं आनंद में आवाज में पढ़ने का निरंतर अभ्यास करें। आनंद से भरा स्वर सबसे मधुर होता है, इसे अभ्यास के जरिए विकसित करें। प्रसन्नचित मन से अभ्यास करें। प्रसन्नता के प्रभाव से शरीर विकसित होता है, स्वर निकालने का रास्ता खुलता है, हृदय और फेफड़े स्वस्थ होते हैं, अतः मधुर स्वर उत्पन्न होने की सभी जरूरतें तैयार हो जाती है। प्रसन्नता मुख्य रूप से मानसिक प्रवृत्ति है। जिंदगी के लिए सकारात्मक नजरिया प्रसन्नता को जन्म देता है। हाल ही में एक दूरसंचार कंपनी ने मिसाल के जरिए विज्ञापन जारी किया था, मुस्कुराहट भरी आवाज दिल जीतने का काम करती है। इस मिसाल को आजमाकर जरूर देखें। आनंद से भरी गद्य या गीतात्मक कविता को प्रसन्नता एवं मुस्कुराहट के साथ पढ़ते वक्त स्वर में स्वाभाविक मधुरता पैदा हो जाती है। निम्नलिखित संकलन अभ्यास के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इन उत्कृष्ट उदाहरणों का अभ्यास करते वक्त दो बातों पर विशेष ध्यान दें, शरीर और हृदय का प्रसन्नता भरा स्वभाव और स्वर की उत्तम ध्वनि। इन दोनों पहलुओं पर पकड़ बनाने के बाद ध्यान से सार्वजनिक रूप से बोलने की कला के सिद्धांतों को याद करते हुए इन वाक्यों को पढ़ें। इन्हें याद करना बेहद फायदेमंद साबित होगा। मिल्टन के एल एलेग्रो संकलित किए गए अभ्यास। उतावली सुंदर युवती अपने गीतों में है रचती, दिल लगी और जवानी से भरी मस्ती, हाजिर जवाबी और चिड़चिड़ाहट और छल कपट, हामी और इशारे और मनमोहक मुस्कुराहट, जैसे हेब के गालों से हो लटकती और गालों के गड्ढों में धीरे से फिसलती, खुशी से चहकते सलवटों से भरे चेहरे, मुस्कुराहट से भर जाते हैं होठों के घेरे, जैसे ही जाने लगे इसे लपक लो, बिजली से फूर्ती से पकड़ लो, अपने सीधे हाथ से राह दिखाती पहाड़ों की सुंदर युवती स्वतंत्रता दर्शाती, और यदि मैं उचित सम्मान प्रदर्शन करूं तो प्रसन्नता से उसके काफिले का हिस्सा बनूं, उसके साथ और सदा पास रहने के लिए, बिना आघात पहुंचे हर्ष के साथ जीने के लिए, उसके चहचहाते से मस्ती भरे गीत के लिए, धुंधली रात में चौकन्ना सा गुनगुनाने के लिए, आसमान को छूते बुर्ज से निहारूं, चितकबरी शाम का श्रृंगार होते हुए फिर द्वेष के कारण उदासी से भरकर रोऊं। इस चैप्टर में लगभग 5 पोयम दिए हुए हैं। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हो तो आप प्लीज इस बुक को जरूर खरीदना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी जाके बुक को खरीद सकते हो। मैं इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करता हूं। आगे 3-4 और पोयम है, अगर आप बुक खरीदते हो तो आप वहां से इसे पढ़ सकते हो। थैंक यू। लेसन 14, भिन्नता एवं उच्चारण की शुद्धता। हेसियोड ने कहा था, इंसान के अंतर्मन से ईश्वर बोलता है, और होमर ने अपने इलियाड में लिखा है, जिस तरह भाषण पेश करने के कई अंदाज होते हैं उसी तरह शब्द चुनने के भी कई तरीके होते हैं। आमतौर पर उच्चारण, स्वराघात और संधि योजन को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन सही उच्चारण में 3 भिन्न प्रक्रियाएं शामिल होती है, अतः कुछ इस तरह इसे परिभाषित किया जा सकता है। किसी शब्द या शब्दों के समूह को उच्चारण, स्वराघात और संधि योजन के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। भिन्न और सटीक उच्चारण भाषण की कला का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। बिना सोचे समझे शब्दों को लापरवाही से इस्तेमाल करने वाले वक्ता का भाषण विचारों के उद्देश्य को समझाने में नाकाम साबित होता है। बताने का क्या मतलब होता है? बताने का मतलब होता है
भाव की स्पष्टता और भाव शब्दों के सही चयन या शब्दों की कमी के साथ स्पष्ट रूप से कैसे व्यक्त किया जा सकता है। अस्पष्ट उच्चारण की वजह या तो शारीरिक विकलांगता होती है या फिर गलत उच्चारण की आदत। ऑपरेशन के जरिए शारीरिक विकलांगता का इलाज किया जा सकता है, लेकिन सही उच्चारण की आदत विकसित करने के लिए दृढ़ निश्चय और कठिन प्रयास की जरूरत होती है। व्यक्ति की इच्छा शक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता। उच्चारण में खोट की आदत का प्रचलन आम है, लेकिन इसमें सुधार बहुत दुर्लभ। आमतौर पर हिंदी के शब्दों का गलत इस्तेमाल बेहद कष्टदायक महसूस होता है। कुरेन के अनुसार उच्चारण में खोट यदि भाषा का कत्ल नहीं करता है तो उसे ढेर तो कर ही डालता है। यदि कोई वक्ता भाषण देते वक्त शब्दों के अक्षरों को खाने लगे तो कष्ट स्वाभाविक हो जाता है। हिंदुस्तान बोलते समय ह का स्वर छोड़कर सीधे ई से बोलना बेहद अखरता है। इन खामियों को न सुधार करने वाला वक्ता सही और सटीक उच्चारण का अभ्यास नहीं कर सकता। ऐसे वक्ता को भाषण देने का हक नहीं मिलना चाहिए। यदि वक्ता भाषण में सुधार लाने में असमर्थ है तो बेहतर है कि चुप रहे। उच्चारण से संबंधित लाइलाज दोष को छोड़कर वैसे आजकल उच्चारण से संबंधित बहुत कम लाइलाज दोष हैं, लेकिन इच्छा शक्ति और अभ्यास से उच्चारण को निपुण बनाया जा सकता है। आत्मविश्वास और जी तोड़ मेहनत से कई व्यक्तियों ने असंभव कार्य को अंजाम देकर महान उदाहरण पेश किए हैं। नाथन सेफर्ड ने कहा है, आपके लिए धरती पर कुछ भी नहीं बना, जरूरत है कि आप कड़ी मेहनत से उपलब्धियां हासिल करें। आपके लिए धरती पर कुछ नहीं बना, जरूरत है कि आप कड़ी मेहनत से उपलब्धियां हासिल करें। उच्चारण का अर्थ है स्वर के प्राथमिक आधार को प्रभावशाली अंदाज के साथ जोड़ना। हिंदी शब्दकोश के लाखों शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करने की कल्पना बेहद भयावह लगती है, लेकिन इसकी शुरुआत करना बहुत आसान है। सही उच्चारण करने की शुरुआत करें, धीरे धीरे एक शब्द से दूसरे शब्द की ओर बढ़ें। भाषा के सभी आधारभूत स्वरों का अभ्यास करें। कई महान वक्ताओं की भाषण शैली और उच्चारण में खोट के चार प्रमुख कारण रहे हैं। आधारभूत स्वरों को नजरअंदाज करना, लगभग एक समान स्वरों के बीच महीन अंतर को अनदेखा करना, कंठ का फूहड़पन एवं लापरवाही से इस्तेमाल और इच्छा शक्ति की कमी। अपनी इंद्रियों पर काबू रखने वाला व्यक्ति इन कमियों को दूर करने और उम्मीद के मुताबिक सुधार लाने का सामर्थ्य रखता है। व्यंजनों का गलत स्वर भाषा में खोट की मुख्य वजह होती है। विशेष तौर पर संयुक्त स्वर में खोट बेहद अखड़ता है। आमतौर पर अलग अलग स्वरों को कुशलता से प्रस्तुत न कर पाने के दोष से उच्चारण में खोट पैदा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अधिकतर व्यक्ति चूहा बोलते वक्त अंक के स्वर का इस्तेमाल करते हैं। फूल का उच्चारण अंग्रेजी के द्वस शब्द के समान किया जाता है। आमतौर पर बवाल की जगह बबाल बोला जाता है। इसी तरह हिंदी भाषा में कई शब्दों के भ्रष्ट स्वर विकसित हो गए हैं। इस तरह की चूक असावधानी की वजह से होती है, लापरवाही इसकी मुख्य वजह नहीं है। दरअसल ज्यादातर व्यक्ति शब्दों के सही या गलत उच्चारण पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसके अलावा अपने द्वारा बोले गए शब्दों को सुनने की आदत भी विकसित नहीं की जाती है। स्वराघात। स्वराघात का मतलब है शब्द का उच्चारण करते वक्त सही अक्षर पर बल देना। दरअसल इसी कला को वास्तविक रूप से उच्चारण कहा जाता है। इसी के अभाव में उच्चारण में खोट पैदा होता है। यदि ईश्वर बोलते समय ई की जगह ई का स्वर निकल जाए तो स्वाभाविक तौर पर शब्द का प्रभाव फीका हो जाएगा। शब्दकोश में मौजूद शब्दों के सही उच्चारण के लिए जीवन भर सीखना पड़ता है और प्रचलन के मुताबिक उच्चारण की शैली में बदलाव का भी अभ्यास करना पड़ता है। सतर्क कान शब्दों की उत्पत्ति की जानकारी और शब्दकोश को समझने की आदत इस प्रतिभा पर मजबूत पकड़ बनाने में कारगर सिद्ध होती है। संधि योजन। संधि योजन का मतलब है अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण। स्वर और व्यंजनों के गलत उच्चारण से अस्पष्टता महसूस होती है। जैसे फूल और द्वस शब्द दो अलग अलग स्वरों को एक साथ या विराम के साथ बोलने से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। संधि योजन में गलती करने का मतलब है अक्षरों का अधूरा उच्चारण या फिर अनावश्यक स्वर का इस्तेमाल। जरूरतमंद की जगह जरूरतीमंद बोलना पूर्ण रूप से गलत संधि योजन है। स्वरूप की जगह स्वरूप बोलना स्वाभाविक रूप से खलता है। जैसे कि पहले भी बताया गया है, दो शब्दों को एक साथ मिलाने वाले स्वर को
नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर्षोल्लास शब्द का उच्चारण करते वक्त विशेष ध्यान देना चाहिए कि हर्ष और उल्लास शब्द को जोड़ने वाली मात्रा का ही उच्चारण हो, न कि संपूर्ण उ अक्षर का। शब्द के किसी एक अक्षर का स्वर बदलने से पूरे शब्द का उच्चारण प्रभावित हो जाता है। किसी एक स्वर या व्यंजन में स्पष्टता का एहसास न होना वक्ता के लिए अपराध समान है। इस प्रकार शब्द के अर्थ को हानि पहुंचती है। स्वरूप, बारूदा, चूहा, ईसर, ईमान, इनाम, इंतजार, जख, जुलम कुछ ऐसे ही आम गलतियों के सामान्य उदाहरण है। दोषयुक्त संधि योजन की मुख्य वजह असावधानी और होठों की जटिलता होती है। अक्षरों के सही उच्चारण के अभ्यास से इस कमी को दूर किया जा सकता है। होठों में लचक का अभ्यास करने से एक साथ बोले जाने वाले शब्दों का सही उच्चारण और स्वर सीखा जा सकता है। लेकिन होठों में इस लचीलेपन के लिए जहां एक तरफ कड़े अभ्यास की जरूरत होती है, वहीं इच्छा शक्ति भी निपुणता हासिल करने में अहम भूमिका निभाती है। अपनी भाषा पर लौटते हुए हम ध्यान देते हैं कि अक्षरों के सही संधि योजन से सही स्वर उत्पन्न होता है और इस अभ्यास से उच्चारण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस अभ्यास के दौरान विशेष तौर पर ख्याल रखें कि स्वर को जरूरत से ज्यादा न खींचा जाए। शब्दों के जुड़ाव को सहज रखना बहुत आवश्यक है। भाषण तैयार करने के बाद विशेष रूप से ध्यान दें कि किन स्वरों, व्यंजनों, शब्दों और वाक्यों पर बल देने की आवश्यकता है और किन पर नहीं। शब्दों के सही और सटीक उच्चारण के लिए प्रमाणित शब्दों से सही जानकारी हासिल करें। लेसन 15, संकेतों से जुड़े सत्य। नाथन सैफर्ड का कहना है, एक बूढ़े नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार निभाते हुए जब व्हाइटफील्ड धीमी से ढलान के पास पहुंचा तो लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने चिल्लाते हुए कहा, हे प्रभु, यह तो मरा। अभिनय सीखने के लिए किताबी नियमों की नहीं, सामान्य ज्ञान और भावों को ध्यान से समझने की जरूरत होती है। व्यक्ति के भाव अंतर्मन को उजागर करते हैं। यह केवल एक प्रभाव है, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को शारीरिक तौर पर व्यक्त करने का एक तरीका। इसको समझने की प्रक्रिया गलत सिरे से शुरू नहीं करनी चाहिए। यदि आप इशारे करने के तरीकों या भाषा में संकेतों के अभाव से परेशान हैं, तो प्रभाव की जगह कारण को समझने की कोशिश कीजिए। व्याख्यान के दौरान इस्तेमाल किए गए बनावटी इशारे भाषण में प्रभाव डालने का काम नहीं कर सकते। यदि आंगन में खड़ा पेड़ उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें समय पर खाद पानी डालें और रोशनी की रुकावट को दूर करें। पेड़ की सेहत सुधारने के लिए कुछ शाखों को काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पानी का कुंड खाली है तो बारिश का इंतजार कीजिए या फिर जरूरत पूरी करने के लिए कुआं खोदिए। जाहिर है, सूखे कुंड में पंप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। जिस वक्ता की भावना और विचार पहाड़ी झरनों की तरह स्वतंत्र होते हैं, उन्हें भाव व्यक्त करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे लोगों की भावना खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। विषय में डूबकर नाटकीय भावना व्यक्त करने वाले कलाकार को अभिनय के नियम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाव अंतर्मन से पैदा होने चाहिए। जबरदस्ती पैदा किए गए भाव बनावटी लगते हैं। लकड़ी का घोड़ा बच्चों का दिल बहला सकता है, लेकिन रास्ता तय करने के लिए असली घोड़े की ही जरूरत पड़ती है। किसी विषय से संबंधित निश्चित नियम तैयार नहीं किए जा सकते, बल्कि ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। भाषण माहौल वक्ता के स्वभाव और दर्शकों के मिजाज के मुताबिक होना चाहिए। 6 × 7 से करना हो तो परिणाम अंदाजे के मुताबिक हो सकता है, लेकिन भाषण के दौरान वक्ता किस विचार पर कैसा प्रभाव प्रस्तुत करेगा, इसका ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। भाषण के बीच में वक्ता कई बार दोनों हथेलियों की पहली उंगलियों को छोड़कर बाकी उंगलियों की मुट्ठी बना लेता है और पहली उंगलियों को मिलाकर दर्शकों की तरफ ऐसे संकेत करता है जैसे विचारों की बौछार कर रहा हो। बहुत से वक्ता हथेली पर मुट्ठी की ताल देते हुए विचार पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। वहीं ब्रायन अहम विचारों को प्रस्तुत करने के दौरान ताली मारने के बाद सीधे हाथ को ऊपर उठाने का आदी है। ग्लेडस्टोन विचारों को बल देने के लिए सामने रखी मेज पर जोर से मुक्का मारता है। इस प्रकार वक्ता के अंदाज के बारे में कुछ अटकलें जरूर लगाई जा सकती है, लेकिन यह तय नहीं किया जा सकता कि भविष्य में वक्ता किस अंदाज को विकसित कर ले। इस विषय को ज्यादा स्पष्टता के साथ समझने के लिए
कुछ सुझावों पर ध्यान देना आवश्यक है। दर्शकों का ध्यान आकर्षित न कर पाने वाला अंदाज व्यर्थ होता है। विचारों को मजबूती देने और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में संकेतों और अंदाज की अहम भूमिका होती है। विचारों के माध्यम से दिए जाने वाले संदेश को बलपूर्वक व्याख्यान, संकेतों के जरिए प्रस्तुतिकरण, स्वर में बदलाव, चेहरे के हाव भाव और सिर, हाथ या पैर को झटका देकर इस उद्देश्य को हासिल किया जा सकता है। भाषण के दौरान शरीर की मुद्रा बदलना भी प्रभावशाली अंदाज माना जाता है। यदि सड़क पर टहलते समय लोगों का ध्यान आपकी चाल की ओर आकर्षित होता है तो जाहिर है कि आपके व्यक्तित्व के मुकाबले चलने का ढंग लोगों पर ज्यादा असर डाल रहा है, अतः चाल में बदलाव की आवश्यकता है। क्या आपने कभी ऐसे वक्ता को सुना है जिसके विचार चाहे समझ में आए या ना आए लेकिन बोलने के अंदाज वसीभूत करने योग्य हो? ऐसा संभव नहीं है। दरअसल बनावटी अंदाज से कमजोर विचारों को आकर्षित नहीं बनाया जा सकता। अंतर्मन से उत्पन्न विचारों का भाव संदेश में छुपी सच्चाई और गहराई को प्रदर्शित करता है। इन दोनों के मिश्रण से सत्यता प्रमाणित होती है। भाषण के बनावटी अंदाज के अभ्यास और अभिनय करने के प्रयास से दर्शकों को खोखलेपन का एहसास होने लगता है। अलग अंदाज या नजाकत से चलने के लिए सरस या फैशन शो का आयोजन किया जाता है। सामान्य तौर पर नजाकत से चलना खलता है। हाथ पैरों को थिरकाने के लिए नाचने के मंच तैयार किए जाते हैं। बिना वजह हाथ पैर थिरकाना अच्छा नहीं लगता। बिना किसी मौके के नजाकत और दक्षता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। याद रखें, यदि आपके जूते, उच्चारण का तरीका और अंदाज लोगों का बेवजह ध्यान खींच रहे हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। यदि भाषण के दौरान वक्ता ने प्रभावशाली भाव प्रकट किए हैं तो दर्शक जरूर कहेंगे, क्या शानदार तरीके से बयान किया है, बात एकदम ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनके विचार का समर्थन करता हूं। भाव महत्व के मुताबिक होना चाहिए। मंझे हुए कलाकार और वक्ता को पहले से मालूम नहीं होता कि वह किस विचार पर कैसा भाव और अंदाज अपनाएगा। भाषण के दौरान आज प्रस्तुत किए गए भाव अगले भाषण में बिल्कुल अलग हो सकते हैं। दरअसल मंझे हुए कलाकारों और वक्ताओं के भाव दिन के मिजाज पर आधारित होते हैं। इसमें आवेग और बुद्धिमानी की भी अहम भूमिका होती है। बुद्धिमानी शब्द पर विशेष ध्यान दें। प्रकृति भी हर बार एक जैसा सूर्योदय और बर्फ की चादरें नहीं बिछाती। इसी प्रकार एक निपुण वक्ता भी हर बार एक जैसा अंदाज और भाव पेश नहीं करता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अंदाज और भाव के बारे में सोचा ही नहीं जाए। यदि ऐसा होता तो इस अध्याय की आवश्यकता ही क्या होती। जब कमांडर टुकड़ी के किसी जवान की ओर इशारा कर उसे एक कदम आगे आने को कहता है तो कमांडर की मंशा केवल उसी जवान को नसीहत देने की होती है। इसी प्रकार सर्वजन के समक्ष बोलने की कला सीखने वाले व्यक्ति को सभी आवश्यक प्रतिभाओं का आकलन करते रहना चाहिए। यदि किसी एक प्रतिभा को विकसित करने में ज्यादा कठिनाई हो रही है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि उसके अभ्यास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषण देने की कला से संबंधित सभी सिद्धांतों को याद कीजिए। पहचानिए कि किस मौके पर भाषण में नीरसता, व्यर्थता, भद्दापन जैसे खोट महसूस हो रहे हैं। इन कमियों को दूर करने का निरंतर प्रयास कीजिए। एक कमी दोबारा न दोहराने का प्रयास कीजिए। आत्मचेतन और स्वयं की चेतना को समझना अलग अलग मुद्दे हैं। यह वक्ता के विवेक पर आधारित होता है कि भाषण के दौरान स्वाभाविक अंदाज और भाव कैसे विकसित किए जाएं और किस प्रकार अभ्यास के लिए समय निकाला जाए। हर असाधारण कलाकार और वक्ता ध्यान से अनुसरण करता है, सीखता है और अभ्यास करता है। साथ ही साथ में स्वाभाविकता लाने के लिए निरंतर जी तोड़ मेहनत करता है। यह अभ्यास तभी सफल माना जाता है जब अभिनय करते वक्त भाव स्वाभाविक हो जाए और बोलते वक्त सही उच्चारण के लिए सोचना ना पड़े। मंच पर अभिनय करने वाला कलाकार और भाषण देने वाले वक्ता में एक ही भाव को कई तरह से व्यक्त करने का गुण होना चाहिए। दरअसल भावों को व्यक्त करने के भिन्न तरीकों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए भाव व्यक्त करने की सूची तैयार करने से अच्छा है स्वाभाविक रूप से पैदा होने की कला का निरंतर अभ्यास किया जाए। इस कला में निपुण होने के लिए निरंतर अभ्यास की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भाव में एक रूपता नहीं होनी चाहिए। भुना मांस बहुत स्वादिष्ट व्यंजन हो सकता है लेकिन इसे सुबह शाम के खाने का जरूरी हिस्सा बना लेना संभव नहीं है। एक ही तरह के भोजन से व्यक्ति बहुत जल्दी उकता जाता है। इसी प्रकार एक जैसे भाव दर्शकों में ऊब पैदा करते हैं।
भावों में विविधता लाने की कोशिश कीजिए। एकरूपता से सुंदरता और आकर्षण फीका पड़ने लगता है। भाषण के बीच की महत्वहीन कड़ी कमजोर को जन्म देती है। बेचैनी भी एक भाव है। बेचैनी जैसे कई निरर्थक भाव दर्शकों का मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। किसी राष्ट्रीय नेता के भाषण के दौरान यदि दरबान खिड़कियां बंद करने लगे तो जाहिर तौर पर उस ओर ध्यान आकर्षित होगा। मंच के कोने में खड़ा गायक समूह यदि गाते वक्त कुछ विशेष अदाओं का इस्तेमाल करता है तो दर्शकों का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। गुफाओं में रहने वाले हमारे पूर्वज किसी चलती रेंगती चीज को खतरे के समान मानते थे। इस आदत को हम आज तक नहीं भुला सके हैं। विज्ञापन करने वाली कंपनियां आज भी शहरों में तेज रोशनी की किरण घुमाकर इस विधि का इस्तेमाल करती है। इसी प्रकार एक बुद्धिमान वक्ता प्रभावशाली इशारों के हलचल से एक ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है, वहीं व्यर्थ इशारों को छुपाकर नकारात्मक प्रभाव पर काबू पाता है। इशारों का इस्तेमाल या तो भाव के साथ होना चाहिए या भाव से पहले, भाव के बाद नहीं। लेडी मैकबेथ ने कहा था, आपकी आंखों, बाहों और शब्दों में स्वागत का भाव झलकना चाहिए। इसके उलट भाव पैदा करने से हास्य की उत्पत्ति होती है। कहिए, उधर वो गया। अपने शब्दों को खत्म करने के बाद जाने वाले की ओर इशारा कीजिए। जाहिर तौर पर हास्य का भाव पैदा होगा। छोटे और झटकेदार इशारों से बचिए। कुछ वक्ता उन बैरों की तरह व्यवहार करते नजर आते हैं जो बख्शीश लेने में कामयाब न रहे हो। इशारे करते वक्त कंधे से जोर लगाएं, न कि कोहनी से। ऐसा करने से गति में सरलता और सहजता महसूस होगी। लेकिन इशारों को बहुत धीमी गति से भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वक्ता ध्यानमग्न प्रतीत होगा, जैसे ईश्वर में लीन हो। एक मामूली सटीक बल भाव में जान डाल देता है। इस प्रभाव को हासिल करने में बनावटी भाव कारगर सिद्ध नहीं होते। हालांकि दर्शकों को भाव में खोट की वजह का पता नहीं लग पाएगा, लेकिन फिर भी कमी जरूर महसूस होगी। कभी फिल्म के पोस्टर पर कलाकारों के भावों को ध्यान से देखा है? समूह गान गाने वाली लड़कियों के उस समूह पर गौर से ध्यान दिया है जिन्हें डर का भाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाते हैं? इनका भाव इतना बनावटी होता है कि हंसी आने लगती है। इसी प्रकार किसी प्रसिद्ध कलाकार के डर दर्शाने वाले भाव पर ध्यान दीजिए। कलाकार का चेहरा उतरा हुआ होगा, भौवें तनी हुई होगी, शरीर सिमटा हुआ होगा और आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ऐसा अभिनय करते वक्त कलाकार वास्तव में भयभीत होने की कल्पना करता है। चेहरे की मांसपेशियों से उत्पन्न भाव हाथों के इशारों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। घोड़ा गाड़ी दौड़ाने में हाथों का जबरदस्त इस्तेमाल और चीख चिल्लाहट दर्शाने के मुकाबले उदासी से भरा भाव दर्शाना ज्यादा मुश्किल होता है। आंखों को दिल का रोशनदान माना जाता है। आंखों की चमक के साथ विचारों को भी चमक मिलती है। जरूरत से ज्यादा इशारों का इस्तेमाल न करें। हकीकत है कि जीवन के उदास लम्हों में इशारों का खास इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मृत्यु के बाद शोक सभा में मिलने वाले करीबियों, संबंधियों और दोस्तों से बिना किसी भाव के मिला जाता है। ऐसे मौकों पर हाथ मिलाना, गले लगाना और उत्साह दिखाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे मौकों पर व्यक्ति शांत एवं विचारों में खोया प्रतीत होता है। जोर से हाथ झटकने और चिल्लाने वाले व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखें, गुस्से से लाल आंख और दमकते चेहरे वाला गंभीर व्यक्ति एक ही बार में ढेर कर सकता है। बात का बतंगड़ बनाने में कोई आकर्षण नहीं होता। इन प्राकृतिक सिद्धांतों पर ध्यान दें और अभ्यास करें। शारीरिक मुद्रा। दर्शकों के समक्ष वक्ता का शारीरिक अंदाज हाव भाव से प्रस्तुत किया जाता है। हाव भाव की कला का वास्ता किताबी नियमों से नहीं बल्कि भाषण के स्वभाव और मौके की नजाकत से होता है। सभासद लॉ फॉलेट पैर के अगले हिस्से के बल 3 घंटों तक खड़े रहे, फिर थोड़ा सा झुककर बालों में हाथ फिराते हुए संगठन की जोर जोर से भर्त्सना करने लगे। यह बेहद प्रभावशाली अंदाज था। लेकिन यदि इस अंदाज का इस्तेमाल सड़क बनाने वाली नई मशीन की तारीफ में किया जाए तो यकीनन बेहद भद्दा लगेगा। भड़काऊ और आक्रामक बात करते वक्त भाव जटिल हो जाते हैं, मुट्ठी भीग जाती है और शरीर का भार किसी एक पैर पर पहुंच जाता है। किसी ज्वलंत राजनीतिक वाद विवाद में या सड़क पर झड़प के दौरान व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं देता कि शरीर का भार कौन से पैर पर है। शांत व सहज संदेश देते समय आमतौर पर शरीर का भार पिछले पैर पर होता है। लेकिन इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, न ही ध्यान देना चाहिए। यह स्वाभाविक हरकत है।
भाषण देते वक्त सैनिक की तरह ईड़ियों को आसपास रखकर सावधान की मुद्रा में खड़ा नहीं होना चाहिए। वहीं ट्रैफिक हवलदार की तरह पैर फैलाकर भी खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। खड़े होने का अंदाज स्वाभाविक और सामान्य होना चाहिए। यह एक सावधानी बरतने की जरूरत है। हमने आपको सलाह दी है कि भाषण देते वक्त मुद्रा और अंदाज स्वाभाविक होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खुद का अंदाज विकसित करने पर ध्यान ही न दिया जाए और अभ्यास की महत्ता को नजरअंदाज किया जाए। मजबूत मांसपेशियों वाले हाथ को हल्की कसरतों से लचीला बनाया जा सकता है। शरीर में लचीलेपन से सहज अंदाज विकसित होता है, जबकि जटिल शरीर कड़े व्यक्तित्व का एहसास कराता है। धसे हुए सीने वाले व्यक्ति कमजोर नजर आता है। इसके विपरीत सुडौल कंधे, बाहर की ओर उभरा सीना और तनी गर्दन वाला व्यक्ति आकर्षक महसूस होता है। इस प्रकार स्वस्थ शरीर, आत्मविश्वास और लचीलापन प्रभावशाली अंदाज के आधार होते हैं। इन गुणों से भाषण में विविधता आती है और विविधता के बिना भाषण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। अब्राहम लिंकन जैसा बड़ा और भद्दा शरीर होने के बावजूद भाषण की कला के शिखर पर पहुंचने वाला वक्ता मामूली इंसान नहीं हो सकता। केवल शुद्ध आत्मा और साफ विचारों वाला व्यक्ति ही इस मुकाम पर पहुंच सकता है। ऐसे कई अपवाद हर क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। व्यक्तित्व के तेज, गंभीरता, ईमानदारी और विचारों की शुद्धता से दर्शक प्रभावित होते हैं। भद्दे ढीलढोल के बावजूद महान वक्ता बनने के लिए अब्राहम लिंकन जैसे गुणों को विकसित करना पड़ता है। दर्शकों के समक्ष प्रभावशाली तरीके से पेश आने का अंदाज सीखने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास करें, लेकिन इस अभ्यास को एक सीमा तक ही करना चाहिए। चाल में भद्देपन को दूर करने के लिए शीशे के सामने चलकर देखें और कमी को दूर करने की कोशिश करें। मंच पर उसी सामान्य अंदाज से पेश आए जैसे घर आए मेहमानों के साथ आया जाता है। यदि आपकी शारीरिक रचना प्रभावशाली नहीं है तो नृत्य का अभ्यास कीजिए, व्यायाम कीजिए और बेहतर अंदाज की कल्पना कीजिए। एक ही मुद्रा में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। महान विचार के साथ शरीर की मुद्रा में भी बदलाव करना चाहिए। भाषण देते वक्त तनाव मुक्त रहना चाहिए। अंदाज विकसित करने का कोई नियम नहीं है, इसे निजी पसंद और स्वाद के मुताबिक विकसित करना चाहिए। मंच पर भूल जाएं कि आपके हाथ भी हैं। इनका इस्तेमाल केवल जरूरत के वक्त करें, लेकिन प्रभावशाली ढंग से। निसंदेह भाषण देते वक्त कुछ समय के लिए हाथों को पीछे की ओर मोड़कर जोड़ लेने या सीने पर रखकर जोड़ लेने से खास फर्क नहीं पड़ता। भाषण में सबसे ज्यादा महत्व विचारों का होता है। हाथ और पैरों की स्थिति से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पिछले अभ्यास को एक बार फिर दोहराते हैं। अभ्यास के महत्व को नजरअंदाज ना करें। आपका अंदाज और भाव स्वाभाविक होना चाहिए, चाहे अंदाज खुद को गलत ही क्यों ना लगे। अंदाज कितना भी अप्राकृतिक क्यों ना हो, अभ्यास के जरिए सुधारा जा सकता है। अंदाज विकसित किए बिना आकलन नहीं किया जा सकता। झिझक दूर कीजिए, अंदाज विकसित कीजिए और अभ्यास के जरिए कमियों को सुधारिए। महान कलाकारों और वक्ताओं के अंदाज का अध्ययन कीजिए। प्रकृति के व्यवहार और प्राकृतिक घटनाओं पर ध्यान दीजिए। पेड़ की पत्तियां हवा के हल्के से झोंके से भी हिलने लगती है। इसी प्रकार चेहरे की मांसपेशियां और आंखों की चमक में भाव के साथ बदलाव लाने का अभ्यास कीजिए। एमर्सन ने कहा है, मैं जिस व्यक्ति से मिलता हूं वह मुझे खुद से ज्यादा महान नजर आता है, इसलिए मैं उनसे कुछ सीख पाता हूं। अतः अपनी आंखें सदा खुली रखनी चाहिए। इमर्सन के अनुसार हमारी आंखें सौंदर्य में डूबी रहती है, लेकिन इनमें दूरदर्शिता की कमी होती है। इस पुस्तक को एक तरफ रख दीजिए, बाहर निकलिए और किसी बच्चे को माँ से खाना मांगते हुए देखिए। लोगों को सड़क पर झगड़ते देखिए। गतिमान जीवन को करीब से समझिए। क्या आप जानते हैं कि जीत का भाव कैसा होता है? चुनाव में जीत के बाद हाथ उठाते नेताओं की विजय मुद्रा को गौर से देखिए। क्या आपने लोगों को भीख मांगते देखा है? भीख मांगते लोगों का संयुक्त चित्र लीजिए और उसका गौर से अध्ययन कीजिए। लोग भीख मांगते, उधार लेते और झूठ बोलते वक्त कैसे भाव प्रस्तुत करते हैं? इन भावों को ध्यान से अध्ययन कीजिए और अभ्यास के द्वारा स्वभाव में शामिल करने की कोशिश कीजिए। लेसन 16, भाषा शैली की पद्धति। JBE ने कहा है, भाषण में संपूर्णता व्याख्यान के अंदाज से आती है। यदि दर्शक किसी वक्ता को सुनने का इंतजार करते हैं तो मान लीजिए कि वक्ता की शैली बेहद प्रभावशाली है। भाषण देते समय वक्ता की सारी शक्ति वाक्पटुता के लिए एकत्र हो जाती है। भाषण के दौरान
विचारों के इर्द गिर्द घूमने वाले तथ्य पर पकड़, भाषा को अलंकारित करने के लिए वाक्यों का क्रम और शब्दों का चयन, भाव एवं अंदाज को प्रभावशाली बनाने के लिए शारीरिक शक्तियों पर नियंत्रण, इन सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। दरअसल इस हुनर में निपुण वक्ता दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ता है। वक्ता के लिए भाषण का महत्व सर्वोपरि होना चाहिए, तभी भाषण को यादगार बनाया जा सकता है। भाषण से पहले उचित तैयारी न करने वाले लापरवाह वक्ता के हाथ केवल निराशा लगती है, जबकि भाषण के विषय पर मजबूत पकड़, शब्दों का उचित चयन और विचारों की स्पष्ट समझ रखने वाले वक्ता सदा प्रभावशाली भाषण देने में कामयाब होते हैं। भाषण प्रस्तुत करने के चार आधारभूत तरीके होते हैं। इसके अलावा बाकी तरीके इन चार आधारभूत तरीकों को तोड़ मरोड़ कर विकसित किए गए हैं। पहले से तैयार किए गए लेख को पढ़ना, लेख को याद कर भाव को व्यक्त करना, छोटी छोटी टिप्पणियों की मदद से पढ़ना और बिना तैयारी के भाषण देना, इनमें से किसी एक तरीकों को श्रेष्ठ सिद्ध नहीं किया जा सकता। दरअसल इन तरीकों को मौके के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। किस मौके पर भाषण देने का कौन सा तरीका अपनाया जाए, यह निर्णय वक्ता पर छोड़ देना चाहिए। दर्शकों के स्वभाव के आधार पर भी इसका निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा विषय, समय एवं तैयारी के अभाव के आधार पर भी भाषण के किसी एक तरीके को चुना जा सकता है। भाषण के तरीके से संबंधित निर्णय लेते वक्त खुद से एक बार साहसपूर्वक जरूर पूछें, जो बाकी लोग कर सकते हैं मैं उसे करने का प्रयत्न जरूर कर सकता हूं। साहसी और सकारात्मक व्यक्तित्व को जीत मिलती है, जबकि डरपोक को हार का मुंह देखना पड़ता है। साहस एवं प्रयत्न से रास्ते की बाधाओं पर विजय हासिल की जा सकती है। लेख को पढ़ना। सार्वजनिक तौर पर बोलने की कला सिखाने वाली किताबों के मुताबिक लेख पढ़कर भाषण देने वाले वक्ता को भगवान से पाप की क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। जितना चाहे खुद को उतना धोखा दे सकते हैं, पर याद रखें, दर्शकों के समक्ष पढ़ने को भाषण नहीं माना जा सकता। निसंदेह कुछ विशेष मौके पर लेख पढ़े जाते हैं, जैसे संसद की कार्यवाही का उद्घाटन, किसी विचारात्मक संस्था के समक्ष कटु प्रश्न उठाना, किसी ऐतिहासिक घटना की कीर्ति का वर्णन। ऐसे मौकों पर वक्ता की प्रतिभा के अलावा घटना विशेष का महत्व और प्रस्तुतीकरण का अंदाज भी अहम भूमिका अदा करता है। ऐसे व्याख्यान की भाषा इतनी सटीक एवं स्पष्ट होनी चाहिए कि एक भी शब्द के अर्थ पर उलझन न पैदा हो। ऐसे मौके पर वाक्पटुता को सैर पर निकल जाना चाहिए। निसंदेह इस प्रकार के लिखित भाषण बेहद लंबे व नीरस होते हैं और दर्शक निराशपूर्वक ढंग से सब्र के इम्तिहान के लिए बैठ जाते हैं, बस इस उम्मीद के साथ कि भाषण उनके सब्र की सीमा से लंबा ना हो। इन भाषणों में मौजूद सुनहरे शब्दों और महत्वपूर्ण विचारों से भी दर्शकों का उत्साह नहीं बढ़ता है। ऐसे महान मौकों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लेख तैयार करने वाले लेखक का चयन योग्यता के आधार पर नहीं किया जाता। लेखक या तो किसी महान क्रांतिकारी का पोता है, या संसद में किसी दल का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हाल ही में जनता ने नायक बना दिया हो। दर्शकों को किसी महान छवि के व्यक्ति को देखना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति की छवि से प्रभावित दर्शक बड़े ध्यान और अदब से भाषण सुनते हैं, शायद रुचि से भी, चाहे भाषण लिखित विचारों के आसपास ही क्यों ना मंडरा रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या कागजों को अलग रखकर ऐसे भाषणों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है? भाषण देते वक्त लेख पढ़ने के पीछे केवल चार कारण हो सकते हैं। पहला, आलस्य सबसे आम कारण है। किसी ने सही कहा है, ईश्वरीय शक्ति भी आलस्य भरे व्यक्ति को काबिल नहीं बना सकती। दूसरा, बेहद कमजोर याददाश्त, इस हद तक कमजोर कि उचित अभ्यास और भरसक प्रयत्न से भी काम न चले। लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसा सोचने का अधिकार नहीं है कि याददाश्त इस हद तक कमजोर हो सकती है। दरअसल ऐसी सोच इच्छा शक्ति की कमी का परिणाम होती है। याददाश्त का कमजोर होना कारण नहीं हो सकता, बहाना जरूर हो सकता है। तीसरा, भाषण तैयार करने और अभ्यास करने के लिए समय की असल कमी। वक्ता के सामने ऐसे कई चुनौतीपूर्ण क्षण आते हैं जब हकीकत में समय की कमी के चलते अभ्यास नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रहे कि ऐसे मौके केवल विशेष परिस्थिति में ही आते हैं। भाषण से पहले अभ्यास का उचित समय मिलने से वक्ता की प्रस्तुति में चार चांद लग जाते हैं, अतः विशेष परिस्थितियों में ही अचानक आए समय के दबाव को मानकर
भाषण के लिए राजी होना चाहिए। चौथा, भाषण के महत्व और मौके की नजाकत को समझते हुए विचारों को दर्शकों के समक्ष रखने का दृढ़ निश्चय। लेकिन यदि भाषण के दौरान बोले जाने वाले शब्द का सटीक मंझे हुए अंदाज और विचारों का तर्कसंगत होना संदेश से ज्यादा महत्व रखता है, तो क्या ऐसे मौके पर बिना तैयारी और अभ्यास के भाषण देना उचित होगा? संदेश में छुपे विचार की जगह व्याख्यान के अंदाज को महत्व देना न केवल सभा का अपमान है, बल्कि स्वयं ईश्वर के प्रति अशिष्टता भी है। दर्शकों के दिल तक पहुंचने के लिए भाषण का व्याख्यान धर्मोपदेश की तरह होना चाहिए। वास्तविक शक्ति और उत्साह के बिना भाषण का प्रभाव अधूरा रह जाता है। भाषण के एहसास को मारकर शब्दों को सामान्य तौर पर पढ़ना झाग निकले हुए सोडे के समान होता है। धर्मोपदेश देते वक्त उपदेशक की निगाहें केवल लेख पर टिकी होती है। ऐसे मौके पर दर्शकों को वक्ता के हाव भाव का अंदाज नहीं मिल पाता। क्या निरंतर संवाद पुस्तिका को देखकर संवाद बोलने वाले कलाकार का अभिनय लंबे समय तक देखा जा सकता है? कल्पना कीजिए कि सैनिकों को संबोधित करते वक्त नेपोलियन लगातार लेख की ओर देखकर पढ़ता रहे और ईसा मसीह बिना किसी भाव के धर्मोपदेश दे। दरअसल इन वक्ताओं के विषय पर पकड़ बेहद मजबूत थी। निरंतर अभ्यास से भाव गहरे और प्रभावशाली हो गए थे और भाषण देते वक्त किसी लेख की जरूरत नहीं पड़ती थी। अतः वक्ता दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने में कामयाब साबित होते थे। लेख पढ़कर भाषण देने की कला के कई सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सिद्धांत भाषण को प्रभावशाली बनाने में कारगर साबित नहीं हो सकता। अतः लेख पढ़कर भाषण देने से बचना चाहिए। भाषण का लेख तैयार कर या दास के मुताबिक व्याख्यान, यह विधि काफी हद तक प्रभावशाली भाषण प्रस्तुत करने में कारगर सिद्ध होती है। यदि वक्ता के पास समय की कमी नहीं है तो भाषण के विचार को मांझने, सटीक शब्द चुनने और भाषा शैली को सुधारने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि इस समय का इस्तेमाल भाषण को बार बार लिखने की जगह बिना वजह इस्तेमाल किए गए शब्दों और वाक्यों को हटाने, वाक्यों को मजबूत व प्रभावशाली ढंग से बांधने और सटीक मुहावरे एवं उदाहरण चुनने के लिए करना चाहिए। यादगार भाषण और बेमिसाल नाटक लिखे नहीं जाते, बल्कि बार बार लिखकर तैयार किए जाते हैं। जूलियस सीजर, रॉबर्ट इगरसोल और कई मौकों पर बेंडल फिलिप्स जैसे जाने माने लेखकों व वक्ताओं ने नाटक और लेखों को यादगार बनाने के लिए बार बार लिखने की कला का इस्तेमाल किया है। अद्भुत प्रभाव और भाव के साथ यादगार संवाद प्रस्तुत करने वाले कलाकारों ने पंक्तियों को याद कर बार बार अभ्यास के जरिए असाधारण मुकामों को हासिल किया है। लेकिन अनुभवहीन वक्ताओं को इस विधि का बेहतर सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मामूली सी चूक बड़ी गलती का कारण बन जाती है। इस विधि के जरिए भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़े अभ्यास और कुशलता की जरूरत होती है। अनुभवहीन वक्ताओं द्वारा याद की गई पंक्तियों का उच्चारण भद्दा महसूस हो सकता है। उदाहरण के लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर पर नए फर्नीचर या किसी और सामान के विषय में जानकारी देने वाले कर्मचारी द्वारा याद की गई पंक्तियों को सुनिए। उच्चारण में अकुशलता और भद्देपन का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। याद किए गए भाषण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। बेहतरीन याददाश्त वाले वक्ता भी बिना अभ्यास के भाषण में कुशलता का प्रभाव प्रस्तुत नहीं कर पाते। क्या भाषण के वाक्यों या वाक्यों में शामिल शब्दों को भूलना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो भाषण के दौरान वक्ता उलझ जाता है और वक्ता को पूरा वाक्य शुरू से पढ़ना पड़ता है। जाहिर है कि आमतौर पर दर्शक एक ही वाक्य और विचार को दो बार नहीं सुनना चाहते। शुरुआत में ऐसी दिक्कतें सभी वक्ताओं के सामने आती है। अतः अभ्यास के जरिए इन बाधाओं को पार करना चाहिए। यदि लेख लिखने से आपके भाषण का प्रभाव बढ़ता है तो लेख तैयार करें और उसे याद करें। याद किए गए लेख का बार बार अभ्यास करें, निसंदेह मनचाहा परिणाम हासिल होगा। इस कला में निपुण होने के लिए कई विषयों पर बिना तैयारी के बोलने का अभ्यास कीजिए। भाषण देने के लिए विषय की तैयारी केवल मानसिक आधार पर कीजिए, कोई लेख मत लिखिए। इस प्रकार आपकी याददाश्त बढ़ेगी और भाषण देने के अंदाज में भी सुधार आएगा। टिप्पणी और अहम बिंदुओं की सहायता से पढ़ना। तीसरी और आखिरी विधि शुरुआती वक्ताओं के लिए न केवल बहुत प्रसिद्ध है बल्कि कारगर भी है। हालांकि भाषण पर तैयारी की गई टिप्पणी के द्वारा पढ़ने का सुझाव केवल शुरुआती वक्ताओं के लिए है। तजुर्बेकार वक्ता को केवल विशेष परिस्थिति में ही इस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए।
भाषण के लिए एक विस्तृत योजना बनाइए। प्रस्तुत किए जाने वाले विचारों का क्रम तैयार कीजिए। क्रम को कागज पर लिखिए। ध्यान रखें, भाषण के क्रम की जानकारी बहुत सटीक और संक्षिप्त होनी चाहिए। भाषण पर टिप्पणी तैयार करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, प्रस्तावना। किसी भी महान कार्य को अंजाम देने के लिए सावधानी बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, परिभाषा और उदाहरण। आम नजरिए के आधार पर उत्पन्न विचार। महान हस्तियों के जीवन से मिली प्रेरणा। तीसरा, अन्य मानसिक शक्तियों से संबंध। पहला, कारण। दूसरा, कल्पना। तीसरा, याददाश्त। और चौथा, इच्छा। चौथा, ध्यान आकर्षित करना। पहला, अस्वाभाविक तौर पर ध्यान आकर्षण। दूसरा, स्वाभाविक तौर पर ध्यान आकर्षण। पांचवा, निष्कर्ष। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो प्लीज आप इस बुक को खरीदिए और उसे पढ़िए। अस्वाभाविक और स्वाभाविक ध्यान आकर्षण के परिणाम। इसी प्रकार कुछ और संक्षिप्त वर्णन के जरिए एक अभ्यस्त वक्ता ध्यान आकर्षित करने वाले विचारों को महत्वपूर्ण स्थान, विचार की गहराई को प्रभावशाली, मुख्य विचार को लाल स्याही से अंकित और टिप्पणी के मुख्य पंक्तियों के नीचे रेखा खींचकर महत्व देने योग्य बनाने जैसे कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। अंकित किए गए महत्वपूर्ण विचारों से संबंधित अभ्यास और तैयारी भाषण के दौरान स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित हो जाती है। लेकिन एक अनुभवहीन और शुरुआती वक्ता के लिए सलाह है कि पूर्ण लेख तैयार करें। साथ ही यह भी सुझाव है कि पूर्ण लेख तैयार करने की आदत को धीरे धीरे लेख से संबंधित संक्षिप्त बिंदु लिखने में बदलना चाहिए। कुछ समय के लिए लेख के द्वारा पढ़ने की विधि आवश्यक होती है, लेकिन ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने से यही विधि बुराई का रूप ले लेती है। अभ्यस्त वक्ता भी इस विधि का इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थिति में ही करे। सुझाव है कि जहां तक हो सके लेख के द्वारा भाषण देने की परिस्थिति को टालना चाहिए। तात्कालिक भाषण। निश्चित रूप से बिना तैयारी भाषण देने की कला सर्वोपरि है। इस तरह के भाषण को जनता बहुत पसंद करती है और यह महान वक्ताओं का पसंदीदा अंदाज होता है। तात्कालिक भाषण को कई बार बिना तैयार किए गए भाषण के तौर पर समझा जाता है। वास्तव में आमतौर पर यह बिना तैयार किया गया भाषण होता है, लेकिन यह तैयारी का मतलब विषय का ज्ञान न होने से नहीं है। इसके विपरीत, तात्कालिक भाषण देने के लिए उन सभी तैयारियों का होना जरूरी है जो हमने तैयारी के जरिए बहाव अध्याय में पढ़ी थी। ऐसे मौके पर भाषण के मौके से मिली प्रेरणा, विचार और भाषण पर पकड़ के अभ्यास का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप तात्कालिक भाषण प्रस्तुत करने में समर्थ हैं तो दर्शकों के दिलों को छूने में जरूर कामयाब होंगे। इस प्रकार से दर्शक ऐसे वक्ता के साथ जुड़ा महसूस करते हैं और विचार के भाव को करीब से समझते हैं। तात्कालिक भाषण प्रस्तुत करते समय वक्ता दिल से विचारों को व्यक्त करता है। ऐसा करते वक्त न तो वक्ता में हिचक होती है और न ही शब्दों का अभाव। वक्ता का ध्यान भटकाने के लिए लेख, टिप्पणी और मुख्य बिंदु जैसी विधि कागज पर लिखी नहीं होती है। वक्ता सीधे दर्शकों से संपर्क स्थापित करता है और विचारों में छुपे संदेश की व्याख्या प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में कामयाब होता है। लेख में शामिल किए गए वाक्य कई बार ठंडे और फीके महसूस होते हैं, अतः दर्शकों पर अपेक्षा के अनुसार प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब वक्ता दिल से बोलता है तो वाक्पटुता से संबंधित सभी शक्तियां एकत्र हो जाती है और भाषण जीवंत हो जाता है। तात्कालिक भाषण प्रस्तुत करते समय वक्ता दर्शकों की रुचि को भांपते हुए किसी विचार के व्याख्यान को विस्तार दे सकता है तो कई विचारों का व्याख्यान त्याग भी सकता है। हालांकि सभी वक्ताओं के लिए इस विधि को अपनाना संभव नहीं है। यह भाषण की सबसे कठिन विधि है। इस विधि को कड़े अभ्यास के बिना नहीं सीखा जा सकता, लेकिन बाकी विधियों के मुकाबले इसका प्रभाव सबसे ज्यादा गहरा होता है। इस विधि के इस्तेमाल की एक बड़ी कमी यह है कि कई बार वक्ता मुख्य विचार से भटक जाता है। इस खतरे को टालने के लिए मानसिक तौर पर की गई तैयारी पर ही दृढ़ रहे। यदि भाषण के बीच भटकाव की स्थिति का एहसास हो तो याददाश्त में शामिल किसी उदाहरण या मुहावरे का प्रयोग करें और फिर सहजता से मुख्य विचार को प्रस्तुत करना शुरू करें। अभ्यास के लिए वाद विवाद करने वाली संस्थाओं के साथ जुड़ें, बात करें और बस बात ही करते रहे, और ख्याल रहे कि तैयारी किए बिना तात्कालिक वाद विवाद करें। कई बार आपका उपहास जरूर होगा, लेकिन कामयाबी के लिए यह बलिदान ज्यादा बड़ा नहीं माना जा सकता। टिप्पणी और लेख से संबंधित मुख्य बिंदु
बैसाखी की तरह कमजोरी का प्रतीक है। याद रखें कि वक्ता की सफलता दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरने से मिलती है। कोशिश करें कि कागज पर तैयारी की जगह मानसिक तौर पर तैयारी की जाए। व्याख्यान की संयुक्त विधि। भाषण की दूसरी विधि को कई महान वक्ताओं और हर दिन किसी नए विषय पर बोलने वाले वरिष्ठ अध्यापकों ने अपनाया है। हालांकि हर वक्ता ने इस विधि में अपनी सुविधा के अनुसार मामूली बदलाव जरूर किए हैं। ऐसे वक्ता तैयार किए गए भाषण को अच्छी तरह याद करते हैं, लेकिन सावधानी के लिए मुख्य बिंदु और भाषण के क्रम का संक्षिप्त लेख पुस्तक के पन्नों के बीच में रख लेते हैं और पुस्तक के पन्नों को पलटते वक्त तैयार किए गए लेख पर सावधानी के लिए ध्यान देते रहते हैं। इस प्रकार वक्ता को भाषण में प्रवाह बनाए रखने में सहूलियत होती है। कुछ वक्ता भाषण के क्रम को कम महत्व देते हैं और केवल भाषण से संबंधित मुख्य विचारों पर लेख तैयार करते हैं। इसी प्रकार कुछ वक्ता भाषण के अहम विचार व संदेश पर विस्तृत लेख तैयार करते हैं और उस लेख का शब्द दर शब्द उच्चारण करते हैं। लेख में शामिल उदाहरणों और मुहावरों को भी कागज पर उतारा जा सकता है। कुछ वक्ता भाषण के अहम हिस्सों को लेख पढ़कर प्रस्तुत करते हैं और बाकी हिस्से को तात्कालिक तौर पर पेश करते हैं। इसी विधि को भाषण की संयुक्त विधि कहा जाता है। आप भी मौके की नजाकत, विषय के महत्व और दर्शकों की उम्मीद के आधार पर इन विधियों का मिला जुला खाका उपयोग में ला सकते हैं। इस खाके का स्वरूप वक्ता के अंदाज और जरूरत पर निर्भर करता है।